अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो है एमसीक्यूज। इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे जितने एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं। इसमें अगर आप पीडीएफ ओपन करोगे, एक पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, लाजमी उसको डाउनलोड करना, उसको जाके शॉप पे प्रिंट करवाना, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना बेस्ट तरीका है। या दूसरा तरीका ये है कि आप मोबाइल लैपटॉप दो गैजेट ले लो, एक पे आप पीडीएफ ओपन कर लो, दूसरे पे मेरी वीडियो लगा लो। ये दो काम नहीं आप करना। वैसे अगर किसी और तरीके से सिर्फ मेरी वीडियो देख के गुजारा करोगे मजा नहीं आएगा वो, तो इन दो में से कोई एक चूज कर लेना आप। ज्यादा है कि आप प्रिंट करवा लेना, वरना मोबाइल यूज करोगे तो फिर तफरी करने लग जाओगे तुम लोग। तो प्रिंट करवा के ले आना, कोई चीज लिखनी है उसके ऊपर लिख लेना, आसानी हो जाएगी आप लोगों को। तो अगर आप पीडीएफ में देखोगे, आपको पहली बात मैंने हर चैप्टर के टॉपिक्स भी मेंशन किए हैं, जो कि आपको मेन आइडिया हो सकता है इस चैप्टर में क्या क्या चीजें जो हमें कवर करनी है, जिसमें से मेजोरिटी टॉपिक एमसीक्यूज में डिस्कस होते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थ्योरी में डिस्कस हो रहे होते हैं, एमसीक्यूज में नहीं होते। अच्छा, अगर आप पीडीएफ देखोगे उसमें आपको बोल्ड एमसीक्यूज नजर आएंगे। ज्यादातर मेरी कोशिश यही है कि हर चैप्टर के स्टार्ट में बोल्ड रखूं मैं, लेकिन कभी दरमियान में भी आपको बोल्ड नजर आ जाएगा। तो बोल्ड अगर एमसीक्यूज हुआ होगा, इसका मतलब ये कि वो पास्ट पेपर में आ चुका है, पास्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स जो भी है उसमें आ चुका होगा। और जो इसके अलावा होंगे, जो बोर्ड नहीं हुए वो मैंने अपनी तरफ से डाले हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे चैप्टर नंबर 5 का कोई भी नहीं आया तो मैंने अपनी तरफ से डाल दिए, चैप्टर नंबर 11 का 13 का कोई एक दो आए हैं, बाकी मैंने अपनी तरफ से डाल दिए। ये पीडीएफ है पूरा। बच्चों इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है आपने, ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। ये इंशाल्लाह एमसीक्यूज आपको पेपर में जो 40 एमसीक्यूज इस दफा आप लोगों के बनेंगे, इंशाल्लाह पूरे नंबर आप लोगों के आएंगे। एमसीक्यू जब भी आप किसी चैप्टर के सॉल्व करो, सबसे मेन काम क्या करना है, मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किए हैं एमसीक्यू, तो मेन काम आपने ये करना है कि आपने उस चैप्टर को पहले पढ़ना है। एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली, आपने थ्योरी उसकी देख ली, आपने फॉर्मूले याद कर लिए, जब ये काम हो जाए उसके बाद अब आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यू में फॉर्मूले कॉन्सेप्ट इन सबकी जरूरत पड़ रही होती है। एमसीक्यू में अगर आपको कोई मिस्टेक नजर आए तो जरूर मुझे कॉमेंट में मैंशन कर देना। और बस यही बातें, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, मैंने इस वीडियो में चैप्टर्स ऐड किए हैं। यूट्यूब का ऑप्शन होता है चैप्टर्स का, तो आप जहाँ पे टाइम आ रहा होता है ना, वहां पे आप क्लिक करोगे ना तो चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। लैपटॉप पे भी और मोबाइल पे दोनों पे ऑप्शन होता है, तो आप उस पर क्लिक करोगे चैप्टर वाइज आ जाएगा। तो बिलफर्ज अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखनी, तो आप फिलहाल चैप्टर 4 या चैप्टर 4 आपने देखना है, तो चैप्टर 4 पे क्लिक करो, डायरेक्ट मेरा चैप्टर 4 जहां पे मैंने स्टार्ट किया होगा ना वो आ जाएगा। क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी है, तो इस तरह आप चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किया, जो भी चैप्टर आप देखना चाहो उस पर क्लिक करो। अगर आप पूरा देखना चाह रहे फिर तो 0 से लेके देखते रहो जब तक वीडियो है, लेकिन अगर स्पेसिफिक देखना तो आप चैप्टर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले एमसीक्यू दिखा हुआ है, इफ यू इज यूनिवर्सल सेल्फ, एक यू जो है उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल सेट है, एंड ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। बेसिकली आपको बताना यह है कि पहले एमसीक्यूज में कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो यार इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, उनको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप रैंडमली सेट लेट कर लो, जैसे आप लेट कर लो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है, और ए के अंदर लेट कर लो 1 2 3, 3 एलिमेंट है। उसके बाद आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, आप ए तो आपके पास होगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर इनका यूनियन निकालो, जो चीज आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट लो। एक तो तरीका ये होता है, जो आंसर आ रहा होगा उसके मुताबिक आप ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप समझ के करो बात को, वो जल्दी हो जाएगा थोड़ा, लेकिन उसके लिए आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं समझ के बताता हूं, अगर प्रैक्टिस करके करना तो मैंने बता दिया कि वो एग्जांपल लेट करके सॉल्व करना, तब भी आपको ये आंसर मिल रहा होगा। समझ के करने का तरीका ये होता है कि यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सबसे पहले समझो, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं ए वाले नहीं होते, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल से ए के एलिमेंट निकाल दो। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से आप ए के एलिमेंट निकाल दोगे तो जो पीछे आएंगे वो ए के एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये मेन बात क्या है, ये सेट ए है, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जितने ए के एलिमेंट है वो यहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है? तो जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लोगे, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के जो ए के अंदर नहीं है। तो अब ए वाले एलिमेंट और यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, जब आप इनका यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल के बराबर ही हो जाएगा। जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट आप लेट कर लो 1 2 3 4 5, ए को लेट कर लो 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहां पे निकालना, ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 आएगा आपका, ठीक है? तो सेट ए के अंदर एलिमेंट होंगे 1 2 3, और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट होंगे 4 5। जब आप यूनियन लोगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, जो कि यूनिवर्सल सेट के बराबर है, ठीक है? अब ये जो मैं बातें बता रहा हूं, इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सब बातों को पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में मैं यही बातें डिस्कस नहीं करूंगा, तभी कहा था कि चैप्टर 1 रिवाइज कराना सही तरीके से। तो बेसिकली ये जो पूरी चीज है ये बराबर होती है यूनिवर्सल सेट के,
और आपको पता है यूनिवर्सल सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो एम्प्टी सेट होगा। क्यों? किसी भी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उसको क्या करते हो, बाय द वे यूनिवर्सल सेट को आप थोड़ा इस तरह ले देते हो, किसी भी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उसको यूनिवर्सल से माइनस करते हो ना। अब यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट के बराबर हो जाएगा। तो इस पूरी चीज का आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक है। इसी टाइप का एक एमसीक्यू था जो आपको फोर नंबर पे नजर आ रहा है, फोर एमसीक्यूज देखो ना, एग्जैक्ट यही है, बस उसमें ये फर्क है दरमियान में इंटरसेक्शन आ गया। इसका क्या मतलब है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें एक एलिमेंट नहीं होंगे, एक एलिमेंट सारे निकाल दिए होंगे हमने। अब सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लोगे तो भाई इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में ए के तो एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर इस सेट और इस सेट में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। जो एग्जाम्पल दिए उससे लेट करके देख लेना, आपको पता जाएगा कि कोई भी आपको इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो इनका ऑपरेशन, ये एम्प्टी सेट होगा पूरा, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये पूरी चीज एम्प्टी सेट के बराबर है। आपने एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल से माइनस कर दो एम्प्टी सेट को, यूनिवर्सल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इसका यूनिवर्सल ही आ जाएगा। तो फोर में ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पे ठीक है। अच्छा जी, अब जरा टू पे आ जाते हैं। टू पे लिखा हुआ था नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, एक सेट गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो सेट ये लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर, और कौन से इंटीजर, माइनस वन से बड़े बड़े और माइनस वन के बराबर, और फाइव से छोटे और फाइव के बराबर। ये इनइक्वालिटी पढ़ना आपको आना चाहिए, इनइक्वालिटी फॉर इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, मतलब एक्स जो है वो माइनस वन के बराबर भी हो सकता है, माइनस वन से ग्रेटर होगा, मतलब या तो माइनस वन के बराबर होगा या माइनस वन से ग्रेटर होगा, और एक्स जो है वो फाइव से कम कम होगा या फाइव के बराबर होगा। जो नीचे लाइन लिखी होती है इक्वल का, इसका मतलब होता है कि एक्स फाइव के बराबर भी हो सकता है और फाइव से कम कम होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो माइनस वन और फाइव के दरमियान सारे इंटीजर इसमें शामिल है। इंटीजर मैंने क्यों बोला, क्योंकि शुरू में उन्होंने बता दिया था कि एक्स एक इंटीजर है, अगर बोलते नेचुरल है तो बात अलग हो जाती है, फिर आप वन से स्टार्ट करते हैं उनको, पर इन्होंने बोला है कि एक्स इंटीजर है। तो माइनस वन और फाइव के दरमियान कितने इंटीजर है वो आप लिस्ट कर लो, माइनस वन और फाइव के दरमियान जितने इंटीजर होंगे वो इस सेट से बिलोंग करेंगे, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। अब सवाल है कि माइनस वन और फाइव के दरमियान कितने इंटीजर है, जीरो वन टू थ्री फोर, ये सारे इंटीजर हैं जो कि माइनस वन और फाइव के दरमियान है। अब अगर यहां पे नीचे लकीर नहीं होती इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, मतलब माइनस वन के बराबर नहीं है, माइनस वन से ग्रेटर है, तो माइनस वन से ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, जीरो। और इसी तरह इधर भी अगर लाइन नहीं होती इसका मतलब एक्स जो है वो फाइव से कम है, फाइव से कम इंटीजर कौन सा होगा, फोर, दैट्स इट, फोर थ्री जीरो से लेकर फोर तक आपने जाना होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ पेपर में एमसीक्यूज में चेंजिंग हो जाए तो लकीर के फकीर नहीं बनना कि जो एमसीक्यूज किया है उसी के रट्टे मार के आंसर लिख दो, हल्की बुल्की चेंजिंग हो तो पता होना चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी लिखी हुई है, इसका मतलब x माइनस वन के बराबर भी है और x फाइव के बराबर भी है। तो अगर आप देखो सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं और अगर आप ऑब्जर्व करो ये टोटल छह सात एलिमेंट्स हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाए। थ्री में आपको सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और आपको बड़ा मशहूर एमसीक्यू है और आपको बोला गया है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालो। तो सबसे पहली बात, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा यार, बी और सी में ए के एलिमेंट कॉमन है वो टू है, जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ए से तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं, ए है यहां पे जीरो वन और बी इंटरसेक्शन सी है यहां पे टू, आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका यह होता है कि जीरो को आप मल्टीप्लाई करो टू से, लिखने का तरीका जीरो कॉमा टू, फिर वन को मल्टीप्लाई करो टू से, लिखने का तरीका वन कॉमा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन, ये सब मैंने चैनल पे बातें डिस्कस की हैं, सब आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक है। फाइव में लिखा हुआ है आपको ए बी दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि मालूम करो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए माइनस बी मालूम करते हैं, जो सेट ए है वो टू थ्री है और जो सेट बी है वो थ्री फोर है, तो थ्री जो है वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी जो है वो टू के बराबर आ जाएगा। इस ए माइनस बी का इंटरसेक्शन लेना है आपने बी से, बी के अंदर एलिमेंट है थ्री फोर और ए माइनस बी के अंदर एलिमेंट है टू, तो इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट्स वाई ए माइनस बी और बी के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जिसको आप सेट की फॉर्म में क्या लिखते हो, एम्प्टी सेट, ऑप्शन नंबर डी। अभी शुरू के एमसीक्यू से सब बोल्ड थे, इसका मतलब बोर्ड में आ चुके थे, बाकी मैंने थोड़े अपनी तरफ से बताया है।
सिक्स में आपसे बोला है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन लॉ है बच्चों, डी मॉर्गन के दो लॉ है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पे यूनियन यहां पे इंटरसेक्शन। इसी तरह दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पे इंटरसेक्शन तो यहां पे यूनियन। तो दो डी मॉर्गन के लॉ है, आपसे वाला पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पर ठीक है। ऑप्शंस में आंसर की में कोई मिस्टेक हो ना तो मुझे लाजमी मेंशन कर देना। सेवन में लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट। अब यार ये जो टॉपिक है ना ये जाहिर सी बात है एमसीक्यूज में आया नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, बुक में सब चीजें मौजूद हैं। तो मैंने एक एमसीक्यू इसका डाल दिए, डिटेल में मैं नहीं समझा रहा, वो मैंने थ्योरी में डिटेल में डिस्कस की हुई बातें। एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ये जो इस तरह सिंबल की फॉर्म में होती है इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। तो ये पांच ऑपरेशन है, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस तकरीबन एक ही जैसा होगा और पांचवा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन सबकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है जो मैंने अपने चैनल पे करवाई दी है, चैप्टर वन सेट पे आपको मिल जाएगी। तो कभी एमसीक्यूज में पूछ भी सकते हैं वो, क्योंकि सिंपल सा एमसीक्यूज है। तो अभी मैं जस्ट आपको ए माइनस बी की सेट बिल्डर फॉर्म बता रहा हूं, वो आपको नजर आएगी ऑप्शन नंबर बी में। के ए माइनस बी में अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो, ए माइनस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो ए के एलिमेंट्स होते हैं और इसके अंदर बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होता। उसको लिखने का तरीका क्या है कि x belongs to A and x not belong to B। बाकी डिटेल अगर आपने जाननी है तो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ, आप देख सकते हो। ये बोर्ड में नहीं आ चुका लेकिन ये एक चीज कॉन्सेप्ट डिस्कस है, आ भी सकते हैं। अच्छा जी, एट में लिखा हुआ था सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। यार ये ऐसा सेट जिसमें आप किसी भी सेट के सबसेट लिख रहे होते हो उसको आप पावर सेट कहते हो। पावर सेट बेसिकली एक कलेक्शन होता है सबसेट का। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है ना, सेट ए के मैं सारे सबसेट निकालूं और उनको एक सेट के अंदर इंक्लोज कर दूं तो वो सेट कहलाएगा पावर सेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो ऑप्शन नंबर ए। नाइन में लिखा है ए एंड बी आर सेट टू बी डैश सेट इफ नो एलिमेंट्स इन कॉमन, इफ नो एलिमेंट इज कॉमन इन देम। याद रखना ये जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट वो सेट होते हैं जिनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होता। सेट की नोटेशन में देखो, अगर आप उनका इंटरसेक्शन निकालो तो इंटरसेक्शन उसका एम्प्टी सेट आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। टेन में लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट देन ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर कब होगा। देखो इस कंडीशन को याद रखो, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। मैं सब चीजें एक साथ ही बता रहा हूं, ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता, जनरली अगर आप देखो अलग होते हैं। इसी तरीके से ए यूनियन बी बी ए यूनियन बी, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो मैं दो कम्यूटेटिव डिस्कस कर लेता हूं। दूसरी कम्यूटेटिव है कार्टेशियन की, कार्टेशियन और डिफरेंस जो है ना ये कम्यूटेटिव नहीं होते, तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है, अगर आप ऑर्डर चेंज करो आंसर अलग आता है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होते। और तीसरी चीज होती है ये कम्यूटेटिव नहीं, क्योंकि तो ऑपरेशन ही मैं चेंज कर रहा हूं, ए यूनियन बी कभी भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं होता। ये तीनों चीजें ये नॉट इक्वल है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जो इनको इक्वल बना देगी, और वो कंडीशन क्या है कि अगर सेट ए और बी अगर ये आपस में इक्वल हैं तो फिर ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर होगा, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा, और ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। ये बस एक कंडीशन है जो इनको इक्वल बना देगी। तो एमसीक्यूज में कोई भी पूछी जा सकती है, अभी उन्होंने एमसीक्यूज में ए पूछी है कि यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर कब होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पर ठीक है। 11 में आपसे प्रॉपर्टी, अब देखो चैप्टर नंबर 1 में काफी प्रॉपर्टीज काफी चीजें डिस्कस हुई है, अब नॉर्मली चैप्टर 1 को पढ़ाते ही नहीं है अगर आप देखो उसको सेंटर में, तो खैर चैप्टर 1 की अहमियत ही नहीं है, कोई कॉलेज सेंटर में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे होते, लेकिन बुक में सब चीजें हैं तो मैंने हर कैटेगरी की एक एक चीज पूछी भी है। सो ये है फिर सेट बिल्डर फॉर्म, अब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में मैंने जस्ट कौन सी पूछी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो अब एसोसिएटिव होती है, कम्यूटेटिव होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी आ सकती है। तो अब जाहिर सी बात है टाइम कम होगा तो मैं सब एमसीक्यूज डाल दूंगा तो आप लोग बैठ जाओगे ऐसी तरह, तो जिसके पास टाइम कम है ना तो वो बोल्ड वाले एमसीक्यूज कर लो, जिसके पास टाइम ज्यादा तो ये जो है बाकी एमसीक्यूज डाले मैंने इनको भी ट्राई कर लो, अगर आ गया तो आपका एक नंबर बड़ा कीमती होगा। अच्छा तो 11 में ये जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप कहते हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने का तरीका भी होता है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और है क्या कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगर ये इस तरह होता तो अब आप इसको पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ओवर इंटरसेक्शन है अभी, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है। 12 में अगर आप देखो तो आपको एक सेट गिवन है और लिखा है
कि x सच दैट x स्क्वायर 16 के बराबर है एंड 2x 4 के बराबर है। आगे बोला है देन a इज कॉल्ड, तो a को क्या बोलोगे आप? देखो इक्वल सेट तो नहीं हो सकता, इक्वल के लिए आपको दो सेट होने चाहिए। एक एमसीक्यूज की टेक्निक ही होती है कि आप एमसीक्यूज को एलिमिनेट करते जाओ ऑप्शंस को, ठीक है? अगर आपको सवाल नहीं आ रहा ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, फिर आखिर में एक दो जो बच जाए उनके दरमियान तुक्का लगा दो तो चांसेस ज्यादा होंगे कि लग जाएगा तुक्का। जैसे इक्वल सेट नहीं हो सकता इसके अंदर, इक्वल के लिए दो सेट चाहिए। बी भी नहीं हो सकता यहाँ पे, भाई किसका सबसेट? सेट ही आपने एक डिस्कस किया है तो ए किसका सबसेट होगा भाई? इसी तरह डी में लिखा हुआ सुपर सेट, ए किसका सुपर सेट होगा? सुपर सेट, सब सेट, इक्वल सेट के लिए दो सेट चाहिए आपको। कंपेयर कैसे करवाओगे? ए किसका सबसेट है? अपना सबसेट है क्या? तो ये बात ही ठीक नहीं होगी। तो ए इज कॉल्ड नल सेट। ऑप्शन नंबर सी जो है उसकी सेंस बन रही है यहां पे, बाकी उनकी सेंस इतनी नहीं बन रही, लेकिन आप निकाल भी सकते हो। लॉजिक एक मैथ की फील्ड होती है, लॉजिक ये इंग्लिश का वर्ड नहीं, मैथ की पूरी फील्ड है लॉजिक के अंदर, स्टेटमेंट्स और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें जो एक चीज होती है ना एंड, एंड का मतलब क्या होता है? जब दो स्टेटमेंट आपको दी जाए ना, जैसे यहां पर बोला मैं सेट ए जो है वो एक्स के बराबर है, अब एक्स के बारे में बताया जा रहा है कि एक्स स्क्वायर 16 के बराबर है एंड 2x इक्वल टू 4 के बराबर है, तो यहां पे जो x है ना उसमें इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। मतलब कि सेट a के अंदर आप वो वैल्यूज लिखोगे जो वैल्यूज इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि दरमियान में एंड आया हुआ है। एंड का मतलब दोनों इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई करवाना है। अगर यहां पर और लिखा होता ना तो फिर और का मतलब होता है किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लो, तो वो वैल्यूज जो किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रही होंगी वो इस सेट में आ जाएंगी। लेकिन अभी एंड लिखा हुआ है तो आपने वो वैल्यूज ढूंढनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों सेट को सेटिस्फाई करेगी। क्यों? अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 4, और आप इसको सॉल्व करो इसका आंसर होगा 2, तो कुछ कॉमन ही नहीं इनके दरमियान। प्लस 4 माइनस 4 सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। आप एक्स की वैल्यू 4 पुट करके देख लो, पता चल जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू 2 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगी, इसको नहीं करेगी। इसका मतलब यहां पे ऐसी कोई भी वैल्यूज नहीं है, कोई भी ऐसी a की भी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बैकवर्ड सेटिस्फाई करे, तो दैट्स व्हाई इसको आप क्या बोलोगे? नल सेट। क्योंकि सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा भाई, सेट के अंदर एलिमेंट आने की शर्त ही है कि वो एलिमेंट इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, और हमें पता है ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो दैट्स व्हाई आप क्या बोलोगे? ये एम्प्टी सेट है। और बिल्फर्ड्स अगर यहां पे और लिखा हुआ होता तो जितने तीन एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं सब इस सेट के होंगे, 4 -4 2 ये सब इसके अंदर आते। क्यों? क्योंकि इन सब में तीनों एलिमेंट जो है ये एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -4 इसको कर रहा है, 2 इसको कर रहा है, तो अगर और लिखा होता तो ये तीनों एलिमेंट इस सेट के अंदर होते। बहरहाल एंड लिखा हुआ है तो कोई भी सेट नहीं है, दैट्स व्हाई नल सेट ऑप्शन नंबर सी। 13 में लिखा हुआ था टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ द गिवन सेट। देखो अगर आपने ये सेट कोई गिवन हो, आपने मालूम करना हो कि सेट के कितने सबसेट है, तो बेस्ट तरीका ये कि आप देखो सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर बना दो। फॉर एग्जाम्पल इस सेट के अंदर ये सेट गिवन है ए बी सी डी, अगर आप देखो इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4 को आप 2 की पावर बना दो, इसके 16 सबसेट बनेंगे। ये तो सबसेट मालूम करने का तरीका होता है। अब सबसेट में कैटेगरी होती है, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। मैं समझाऊंगा नहीं, मैं रिजल्ट बस आपको बता रहा हूं कि टोटल सबसेट कितने? 16। हमेशा एक इम्प्रॉपर होता है, कोई भी सेट है फॉर एग्जाम्पल 5 एलिमेंट है इसके तो 32 सबसेट आएंगे, उसमें से एक इम्प्रॉपर होगा और बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। अगर 6 एलिमेंट है तो 64 सबसेट आएंगे, एक इम्प्रॉपर होगा बाकी सारे प्रॉपर होंगे। तो अगर आपसे बोला जाए कि कितने प्रॉपर हैं इसके अंदर, तो 15 प्रॉपर है, क्योंकि एक इम्प्रॉपर होगा बाकी कितने हो जाएंगे? 15 जो है वो प्रॉपर हो जाएंगे। इसी तरह अगर 32 सबसेट बनते तो एक इम्प्रॉपर होता और बाकी 31 क्या हो जाते? प्रॉपर बन जाते। तो यहां पे 15 ऑप्शन नंबर सी ठीक है, उन्होंने नंबर ऑफ सबसेट नहीं बोला था, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोला था, तो 15 इसका आंसर। और 14 में बोला अगर ए और बी दो सेट हैं तो आप, ये 2021 का एमसीक्यूज है तो तभी आखिर में आ गया, फिर ये बोर्ड में आ चुका है, ये लिखा हुआ था, तो अब ये 2021 में आया था, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, कोई नई चीज ही नहीं है इसके अंदर, सब बातें डिस्कस हुई में ऑलरेडी। भाई बी यूनियन एम्प्टी सेट क्या होगा? भाई एम्प्टी सेट कोई फर्क नहीं पैदा करता, आप एम्प्टी सेट का यूनियन किसी भी सेट से ले लो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एम्प्टी सेट एक आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। आप बी ए किसी का भी यूनियन एम्प्टी सेट से लो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बी यूनियन एम्प्टी सेट बी के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन आप में जाओ बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या है? इंटरसेक्शन बी। कुछ निकालना ही नहीं आपको, ए इंटरसेक्शन बी इसका राइट ऑप्शन है।
ये 2021 में दिया था उन्होंने। तो कहने का मतलब नई कॉन्सेप्ट को नया नहीं होगा, अगर चेंज भी करेंगे तो वो नई चीज नहीं आएगी जो आप कहोगे ये कैसे सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर डी। तो बस चैप्टर नंबर 1 के हमारे एमसीक्यू सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में ही बच्चों जो बोल्ड एमसीक्यूज है, इसका मतलब एग्जाम में आ चुके हैं पास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स में, और जो बाकी एमसीक्यूज बोल्ड नहीं है वो मैंने अपनी तरफ से डाले हैं ताकि मजीद आप लोगों की प्रैक्टिस हो। तो अगर कम टाइम है तो आप बोल्ड वाले कर लो, काफी हो जाएगा इंशाल्लाह। 35-36 और आसानी से आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं लिखा हुआ है पाई इज आ या एन। भाई पाई एक बहुत ही मशहूर इरेशनल नंबर है, इतना मशहूर इरेशनल नंबर है और पाई बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है कि इसके इसका एक दिन मनाया जाता है, 14 मार्च या 15 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। बड़ा मशहूर एक इरेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर डी। 2 में लिखा हुआ था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब यार ये सवाल काफी आते हैं, मैं एक साथ ही इनको करवा रहा हूं। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 2 में लिखा हुआ है आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने, तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बताते हैं। आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आयोटा, आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करो -2 आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 के बराबर होता है। अगेन भाई आपको थ्योरी पूरी आनी चाहिए, फॉर्मूले से पता होना चाहिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए बातें। आयोटा स्क्वायर यहां पे -1 होता है, -1 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 2। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं कि पहले आप रियल लिखते हो फिर आप इमेजिनरी नंबर लिखते हो, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जब आपने उसको सिंप्लीफाई किया। अब आपको देखने में लग रहा है कि रियल पार्ट यहां पे क्या है, रियल पार्ट यहां पे है 2 और इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है 3। याद रखना जब आपसे बोला जाए ना इमेजिनरी पार्ट, तो आपने आयोटा नहीं बताना होता, आपने जस्ट आयोटा के साथ जो लिखा होता है ना वो बताना होता है। और अगर आपको बोला जाए इमेजिनरी नंबर तो फिर आप पूरा आयोटा के साथ बताओगे, ठीक है। तो यहां पे रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछा था, तो रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। ऑप्शन नंबर सी। अब इसी टाइप का एक और भी है, मैं आप लोगों को वो भी करवा लेता हूं पहले। 9 पे आ जाओ। 9 में आपको ये लिखा है और इसमें बोला है कि जस्ट इमेजिनरी पार्ट बताओ, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आपको बताना है। तो सॉल्व कर लेते पहले, आयोटा को 3 से करो 3 आयोटा। अच्छा पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो या मल्टीप्लाई करने के बाद कर लो, कोई इशू नहीं है। आयोटा कैसे मल्टीप्लाई करो 5 आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब आपको बताना चाहिए कि आयोटा की पावर किस तरह निकालनी होती है। आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होती है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब -आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है। और हायर पावर मैंने बताई नहीं है अपने चैनल में कि अगर हायर पावर आ जाए, इवन अभी निकालेंगे भी हम, तो वो किस तरह निकालेंगे हम देख लेंगे। 12 आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? -आयोटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा -5 आयोटा। तो 3 आयोटा -5 आयोटा ये हो जाएगा -2 आयोटा। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया आपका आंसर आ रहा है -2 आयोटा। अब आपको बताना है इसमें इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इसमें 0 है, नजर नहीं आ रहा आपको। इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर क्या है? -2, ये जहन में रखना। इमेजिनरी नंबर बोलते तो -2 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट बोला है तो -2 इसका ऑप्शन होगा। ये स्टूडेंट आमतौर पर गलती करते हैं, इन्होंने -2 का भी ऑप्शन दिया है, -2 आयोटा का भी दिया है, तो जरा ध्यान रखना -2 यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह मुझे याद है एक और, 14 पे आ जाओ। 14 में आपके पास लिखा हुआ है 2 - iota / 3। अच्छा ये आपको 2.3 में मिल जाएगा, 2.3 का 1, 2, 3 तीसरा क्वेश्चन होगा ये रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने का। 2.2 में भी आपने ऐसे सवाल किए हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हो एंड पे आप रियल इमेजिनरी सेपरेट करते ही करते हो, लेकिन बकायदा ये सवाल जो है ये 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में मिल जाएगा। तो आप इसमें तो कुछ भी नहीं करना, एलसीएम ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा 2/3 iota / 3। iota / 3 को इस तरह भी लिख सकते हो 1/3 iota। तो अगर आप ऑब्जर्व करो रियल पार्ट इसका क्या है 2/3 और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है -1/3, तो 2/3 - 1/3 ऑप्शन नंबर बी। और एक और भी है वो है 19, ये 2021 का है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, वो जो मैंने बताया 5 पॉइंट, वैसे ये तो 19 नंबर एमसीक्यूज है, जो 2.3 है ना, 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का कोई सेकंड लास्ट पार्ट है। बुक में √3 + iota / √3 - iota, यहां पर √5 कर दिया हमने। तो इसको सेपरेट करने का तरीका क्या होगा कि आप कॉन्जुगेट लो डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट आएगा ये, और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, √5 + iota √5 + iota, ये हो जाएगा √5 + iota² और नीचे क्या होगा। ये बात मैंने अपने चैनल पे बहुत दफा बताई है कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर दिए, इसका माइनस है इसका पॉजिटिव है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने इमेजिनरी अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है
तो रिजल्ट में डायरेक्ट आप आंसर लिख दो, आंसर क्या होगा, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करो प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट माइनस वन है, माइनस वन का स्क्वायर। अगर आप मैनुअली मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसी रिजल्ट पे पहुंचोगे, तो ये दो स्टेप आपके बचा लेगा। सिंपल क्या करना है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रियल पार्ट का स्क्वायर करो प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट का कह रहा हूं आयोटा नहीं कर लेना इसके अंदर, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर करो, दैट्स इट। अब जरा सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा वन, फाइव प्लस वन सिक्स होता है। आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस वन होता है, तो फाइव और माइनस वन ये हो जाएगा फोर, डिनोमिनेटर पे सिक्स आ रहा है तो आप एलसीएम ब्रेक कर दो, सिक्स इसके नीचे भी लिख दो, सिक्स इसके नीचे भी लिख दो, तो ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री, और टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, ये हो जाएगा रूट फाइव अपॉन थ्री आ जाएगा। तो रियल पार्ट है टू अपॉन थ्री, इमेजिनरी पार्ट है रूट फाइव अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री रूट फाइव अपॉन थ्री, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। तो जो इस टाइप के एमसीक्यू थे सारे हमने कवर कर लिए जिसमें अलग अलग करना होता है। अब दोबारा थ्री पे आ जाओ, थ्री में आपसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मुला पूछा है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मुला कहां पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है पूरा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मुला है। फोर में आपके पास लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा, और आपने इसका मॉडुलस लेना है, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किस तरह आप लेते हो, आप स्क्वायर रूट लगाते हो, फिर आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहां पे रियल पार्ट ए है, इमेजिनरी पार्ट बी है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है। फाइव में आपके कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, क्या इक्वेशन है, एक्स प्लस थ्री आयोटा बराबर है टू वाई आयोटा के, और आपको बोला हुआ है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है। आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, किस तरीके से, कि आप जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसको इस तरह भी तो लिख सकते हो ना, जीरो प्लस टू वाई आयोटा, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल नंबर है वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे जो रियल नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब बराबर होना तो उसका मतलब क्या होता है कि दोनों के रियल पार्ट इक्वल है, दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल है। इमेजिनरी पार्ट आप ले लो, मतलब आयोटा के बगैर डिस्कस कर लो, ठीक है, वरना बाद में आयोटा को कैंसिल करोगे। तो भेदर क्या है कि रियल पार्ट क्या है इसका, एक्स इसका जीरो, तो एक्स हो गया जीरो के बराबर, और इसका इमेजिनरी पार्ट थ्री है, इसका इमेजिनरी पार्ट टू वाई है, सॉल्व करना वाई का आंसर आ जाएगा थ्री अपॉइंट टू, तो एक्स का आंसर जीरो, वाई का आंसर थ्री अपॉइंट टू, टू पॉइंट टू क्वेश्चन है, थ्री या फोर भी क्वेश्चन है, तो जीरो और थ्री कॉमा टू, अच्छा ऑर्डर मैटर करता है, ऑप्शन नंबर बी और डी में बस ऑर्डर का फर्क है। तो क्या आप सबसे पहले जवाब दोगे, उन्होंने बोला वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, पहले एक्स की बताना फिर वाई की बताना, तो एक्स जीरो है, वाई थ्री अपॉन टू है, ऑप्शन नंबर डी। सिक्स में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है माइनस थ्री आयोटा प्लस फोर, और आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। देखो कॉन्जुगेट निकालने का तरीका क्या होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है ना उसका साइन चेंज करते हो कॉन्जुगेट निकालने में, जैसे यहां पे इमेजिनरी का साइन माइनस था, यहां पे आपने पॉजिटिव कर दिया, इसी तरह यहां पे इमेजिनरी का साइन नेगेटिव है, इसके कॉन्जुगेट में क्या होगा कि पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस चीज को याद रखो कि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना होता है आपको, तो अगर नेगेटिव है रियल को नहीं छेड़ना होता, रियल जैसा भी है पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको जगह पर रहने दो, जो इमेजिनरी है उसका साइन चेंज कर दो, आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट क्या है, थ्री आयोटा प्लस फोर, ऑप्शन नंबर सी। सेवन में लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है फोर आयोटा प्लस थ्री, और आप क्या मालूम करो, आप मालूम करो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट, ये मालूम करना है आपने। तो पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बच्चों, माइनस फोर आयोटा प्लस थ्री, इमेजिनरी का साइन चेंज कर दिया, जब कॉन्जुगेट आ गया अब जरा ऐड करो इनको, कॉम्प्लेक्स नंबर है फोर आयोटा प्लस थ्री, कॉन्जुगेट क्या है माइनस फोर आयोटा प्लस थ्री, तो जब ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स, ऑप्शन नंबर बी। अब जो एट है ना यार, इसमें आपके पास और बाकी भी एक दो एमसीक्यू थे जिसमें आयोटा की हायर पावर निकालनी होती है, तो मैं आप लोगों को साथ ही करवा देता हूं। सबसे पहले एट को देखो, एट में लिखा हुआ है माइनस आयोटा क्यूब का स्क्वायर। सबसे पहली बात, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है तो माइनस को तो इग्नोर कर दो, आयोटा क्यूब का स्क्वायर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, थ्री टू जा सिक्स, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर सिक्स, ठीक है। अब कोई और सवाल पिक करते हैं, जैसे थर्टीन है, थर्टीन में लिखा हुआ है कि आप निकालो आयोटा की पावर 33, निकालते हैं इसको भी। फिर कोई और सवाल पिक करते हैं, 20 में लिखा हुआ है, ये भी बोर्ड में आ चुके हैं, लास्ट ये भी आया था शायद, आयोटा की पावर 57 प्लस आयोटा की पावर 125,
तो इन तीनों को मैं एक साथ ही करवा देता हूँ, किस तरह आप निकालोगे? आयोटा के केस में यार दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करो या आयोटा फोर की फॉर्म में ब्रेक करो। मैंने पता नहीं कौन सा तरीका बताया है चैनल पे अपने, बहरहाल जो अभी मैं यूज करता हूँ ना वो आयोटा स्क्वायर वाला करता हूँ, या आयोटा फोर वाला भी कर लेता हूँ भाई। बहरहाल आयोटा स्क्वायर वाला कर लेते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आयोटा सिक्स को आप इस तरह ब्रेक कर सकते हो ना, आयोटा स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन लिख दो। माइनस वन का क्यूब सबको पता है माइनस वन होता है, नेगेटिव नंबर का जब आप क्यूब करोगे ऑड पावर होगी तो आंसर नेगेटिव ही आता है। तो एमसीक्यू नंबर एट में आंसर आ जाएगा माइनस वन। एमसीक्यू नंबर थ्री में आयोटा की 33 है ना, अब 33 आपको पता है टू के टेबल में नहीं आता, आप 32 टू के टेबल में कितनी दफा आता है? 16 दफा। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 16 क्या होगी? आयोटा 32, एक पावर जो बची है ना उसको आप यहां पर लिख दो। तो ये हो गया आयोटा 32, ये है आयोटा 1, मतलब 1 पावर ना, बेसिस सेम पावर ऐड करोगे दोबारा आयोटा 33 आ जाएगा। बारह आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस 1 होता है, तो यहां पे माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 की पावर 16 इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा। सब बातें मैं अपने चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं, कोई बात नहीं है जो नहीं है आप लोगों के लिए। तो 13 में आंसर क्या हो जाएगा? आयोटा। और आखिरी देखते हैं 14 में क्या करोगे। सबसे पहले आयोटा 57 ये कैसे निकालोगे? आयोटा 57 अगेन 2 के टेबल में नहीं आता, आयोटा 56 तो आता है ना, तो 2 कितने टाइम जाएगा? 56 आएगा 28 टाइम। हाँ, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करते हो तो 56 आता है, तो ये 56 पावर आपने कवर कर ली। पीछे बचेगी एक पावर, पहले मैं इस चीज को निकालता हूं फिर इसको निकालता हूं। उसको सॉल्व करो, अगेन आयोटा स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन के बराबर, माइनस वन की पावर इवन 1 होता है, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो आयोटा, तो इस पूरी चीज का आंसर क्या आ गया? आयोटा। अब जरा इसका निकालते हैं, आयोटा की पावर 125, अगेन 125 टू के टेबल में नहीं आता, आप ब्रेक करना आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 124 कैसे आएगा? अगर आप मल्टीप्लाई करो 62, हाँ अगर आप आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे मतलब पावर बनाओगे 62, 2 मल्टीप्लाई 62 क्या होता है? 124, तो पीछे बचेगा एक, अगेन माइनस 1 की पावर 62 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो आयोटा, तो आयोटा की पावर 125 का आंसर क्या है? आयोटा। तो सिंपल आपकी इक्वेशन होगी आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? देखो इस वाली चीज को, क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होता, ऊपर लेके जाना पड़ता है, तो कैसे लेके जाओगे आप? दो तरीके, या तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, तो नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ऊपर आयोटा हो जाएगा, फिर नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख देना, इस तरह भी कर सकते हो। या आप इस बात को याद रखो कि आयोटा का अगर आप रेसिप्रोकल निकालोगे तो माइनस आयोटा होता है, मतलब 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के बराबर होता है। किस तरह आएगा? आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। तो ये इस चीज का आंसर तो आयोटा ही जाएगा, इस पूरी चीज का आंसर माइनस आयोटा के बराबर होगा, तो आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये मैंने सारे कवर करवा दिए एक साथ ही, अब बाकी देखते हैं। 10 में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लिखा हुआ है कि ये चीज मालूम करो कि z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, या ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 में प्रॉपर्टीज पूरी लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगेन ये आपको किसी ने इतनी बताई नहीं होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज मैंने अपने चैनल पे जब मॉडुलस डिस्कस किया था तब बताया होगा, मॉडुलस या कॉन्जुगेट डिस्कस किया ना तब बताया होगा। अगर नहीं भी बताया तो चैप्टर नंबर 2 का मेरे चैनल पे एक हिस्सा अपलोड नहीं हुआ अभी, वो 2.1 का हिस्सा है, ज्यादातर बातें वहीं पे हैं प्रॉपर्टीज सभी, तो मैं चैप्टर 5 के साथ इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, चैप्टर 5 कुछ दिनों में आ जाएगा, उसके साथ मैं प्रॉपर्टीज बता दूंगा आप लोगों को। बारह, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के स्क्वायर के, ये प्रॉपर्टी होती है कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो अपने कॉन्जुगेट से तो आंसर क्या होता है? मॉडुलस का स्क्वायर। यह भी आंसर हो सकता है, या इसका आंसर यह भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिपेंड करता है जेड जो है ये क्या लेट किया। देखो जेड की दो मशहूर फॉर्म है ना, जेड को आपने कहीं देखा होगा ये लिखा होता है वाई आयोटा, या कहीं जेड आपने देखा होगा इस तरह लिखा होता है ए प्लस बी आयोटा, ये दो मशहूर नोटेशन है, एक्स वाई या ए बी करके लिखा होता है। तो अगर एक्स वाई करके यूज करोगे तो ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, अगर ए बी यूज करोगे तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट दो चीजों के बराबर है। अब आपको ऑप्शन में जो भी नजर आया वो ठीक है, ये मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर भी होता है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर भी होता है, तो यहां पे मॉडुलस का स्क्वायर गिवन है तो वो ठीक कर दो, ऑप्शन नंबर डी।
11 में देखा हुआ है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मुला पूछा है, एसी माइनस बीडी एडी प्लस बीसी, ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है। 12 में आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म भी होती है, आप इस तरह भी लिखते हो, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखते हो, आयोटा नहीं लिखते, मतलब ए प्लस बी आयोटा को इस फॉर्म में आप इस तरह लिखोगे ए कॉमा बी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और आपसे पूछा है कि ये निकालो जेड कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको मालूम करना है जेड कॉन्जुगेट, तो आपको पता है कॉन्जुगेट में क्या करते हो, इमेजिनरी का साइन चेंज करते हो ना, तो ए तो अपनी जगह पे रहेगा, बी का साइन चेंज कर दो। अगर इस फॉर्म में अगर आप कॉन्जुगेट निकाल दे तो आप ये करते हैं ना ए माइनस बी आर होगा, वही काम करो वहां पे, बी जो है उसका साइन चेंज कर दो, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी। 13 हमारा हो गया, 14 भी हो गया, 15 में अगेन कॉन्जुगेट निकालना है, लेकिन यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यूज वाला दिया हुआ है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस 3.4 जो किसके बराबर होगा, माइनस 3+4 आयोटा, माइनस 3+4 आयोटा को ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, माइनस 3.4 बराबर। अगर आपने इसका कॉन्जुगेट निकाला है अगेन वही कॉन्सेप्ट है, जो इमेजिनरी होता है उसका साइन चेंज करना होता है, रियल के साथ नेगेटिव है पॉजिटिव है, रियल गया तेल देने भाई, रियल को छोड़ दो, इमेजिनरी जो है ना उसके साथ छेड़खानी करेंगे सारे, तो इमेजिनरी यहां पे 4 है आपने चेंज करके माइनस 4 कर दिया, और अगर इस नोटेशन में आता तो आप कहते हैं माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, एक ही बात है, तो माइनस 3.4 का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस 3 माइनस 4, ऑप्शन नंबर सी। ये है कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है एडिटिव इनवर्स का, एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों का साइन चेंज कर दो, कॉन्जुगेट का होता है इमेजिनरी का साइन चेंज करो, और एडिटिव इनवर्स का होता है दोनों के साइन चेंज कर दो। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3.3 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3.-3 दोनों के साइन चेंज कर दो, ऑप्शन नंबर डी। 17 जो है ना बच्चों ये 2.3 का टॉपिक है, अगेन पता नहीं किसी ने आपको बताया हो या ना बताया हो, इसको आप बोलते हो मेरे चैनल पे तो अपलोड है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, और ये होती ये है कि z1 का मॉडुलस -z2 का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉडुलस विच इज लेस देन और इक्वल टू z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस, इसको आप बोलते हो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। नॉर्मली पूरी नहीं पूछी जाती, आधी पूछ लेते हैं, अब ये बोर्ड में नहीं आई लेकिन बुक का टॉपिक है इसलिए मैंने डाल दिया, अगर आ सकती है ठीक है, तो अब इसमें आधी आधी बात पूछी जा सकती है, बस इसमें अभी उन्होंने बोला है कि z1 प्लस z2 इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, z1 प्लस z2 का मॉडुलस ये लेस है इस वाली चीज से और ये चीज ग्रेटर है इस वाली चीज से, तो एमसीक्यूज में आप देख लो कौन सी चीज लिखी हुई है। अगर आप ऑप्शन वन देखो, ऑप्शन वन लिखा हुआ है z1 प्लस z2 लेकिन उसके साथ इक्वल लिखा हुआ है, आपको पता है z1 प्लस z2 इक्वल नहीं है इसके, एक ही सिचुएशन में इक्वल होगा वरना हमेशा लेस होगा, तो दैट्स व्हाई इक्वल का साइन नहीं आ सकता, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखो, उसमें लिखा हुआ है कि ग्रेटर है, आपको पता है z1 प्लस z2 से ग्रेटर नहीं हो सकता इसे लेस होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। इवन ऑप्शन नंबर डी में भी इक्वल लिखा हुआ और उसके अंदर तो मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट है बिल्कुल, कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस, इसको आप बोलते हो ट्राइंगल इनइक्वालिटी। 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 सवाल भी इसका है मौजूद, क्वेश्चन 4 है या 5, क्वेश्चन नंबर 4 ही होगा 2.3 का बारह, और 18 आखिरी है, बाकी तो हो गया एंड के दो। आप अगेन ये प्रॉपर्टी होती है जैसे मैंने अभी आपको बताई थी ना जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट, इसी तरह ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है और ये कॉन्जुगेट की भी सेम ही प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और आपने उसका मॉडुलस लेना है, ये बराबर है कि आप दोनों का अलग अलग मॉडुलस ले लो और फिर उनको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर मॉडुलस लिया, नीचे आपने दोनों के अलग अलग मॉडुलस लिए फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, इसी तरह कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है, सब बुक में लिखी हुई है, मैंने एक एक डाल दी इनकी कि ये चीजें भी आ सकती हैं और काफी मशहूर है, ई कैट में तो चीजें आती भी हैं तो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती हैं। तो बच्चों बोर्ड जो थे वो पास पेपर के थे, बाकी मेरे अपनी तरफ से थे, टाइम कम हो तो बोर्ड वाले लाजमी कर लेना क्योंकि ज्यादातर रिपीट हो रहे होते हैं, अगर थोड़ा टाइम हो तो बाकियों की प्रैक्टिस करना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में भी सारे मैंने टॉपिक मेंशन किए हैं, अगेन जो बोर्ड एमसीक्यूज हुए हैं वो पास पेपर में आ चुके हैं, जो बोर्ड के अलावा है वो मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। स्टार्ट करते हैं, बोर्ड में यार दो किस्म के सवाल बहुत मैंने देखे हैं, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने एक दफा डाला है ना, सम ऑफ फ्रूट के सवाल 3-5 से 6 दफा आ चुके हैं पास्ट 10 ईयर्स में, एक ही सवाल बार बार, इक्वेशन चेंज करेंगे सम ऑफ फ्रूट निकालो, सम ऑफ फ्रूट निकालो, बार बार वो चीज कराने की जरूरत ही नहीं है।
इसी तरह दूसरा एक बड़ा फेवरेट है चैप्टर नंबर 3 में, नेचर ऑफ रूट बताओ, कॉम्प्लेक्स कब होंगे, रियल कब होंगे, परफेक्ट स्क्वायर कब होंगे, रैशनल कब होंगे, ये पूछते रहते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 से ये दो जो है ये बहुत दफा आते हैं सवाल, तो मैंने इनको दो दो तीन तीन दफा ही डाले, से ज्यादा मैंने नहीं डाला, क्योंकि एक ही चीज को बार बार डालने का फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे सम ऑफ रूट है, मेथड सेम ही रहेगा, इक्वेशन चेंज कर दो, मेथड सेम ही है, तो क्या मसला है इसमें। तो आपके पास इक्वेशन गिवन है 12x² - 7x + 4। भाई सिंपल याद रखो, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a। अब इक्वेशन कुछ भी हो जाए आपको थोड़ा फर्क पड़ता, माइनस बी यहां पे क्या है, बी है यहां पे -7, एक्स के साथ जो भी चीज दिखी होती है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है, तो एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ बी है साइन के साथ, तो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ -7, तो ये पूरा बी है, ये वाला माइनस फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस बी के साथ है, डिवाइडेड बाय ए यहां पे क्या है 12, तो ये हो जाएगा 7/12। तो सम ऑफ रूट यहां पे 7/12 है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट आपसे पूछे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c/a, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पे 1/3 है, तो सम ऑफ रूट 7/12, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/3, यहां पे खैर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 2 में लिखा हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेज, वही मैंने बात बताई थी कि बहुत दफा पूछा गया, तो मैं एक ही दफा बता देता हूं भाई, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल है, रूट्स आपके अनइक्वल है। अब डिपेंड करता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल के अंदर वो रैशनल होंगे, मतलब रियल तो है लेकिन रियल के अंदर दो किस्म के नंबर होते हैं ना, रैशनल और इरेशनल। तो अगर रूट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल 4 आ रहा है, 4 ग्रेटर देन 0 है लेकिन 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, तो इस पे आपके रूट रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और साथ साथ रैशनल होंगे। और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है, तो अब आपके रूट इरेशनल हो जाएंगे, मतलब रियल तो होंगे लेकिन रियल में क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो पहला पॉइंट ये याद कर लो। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर b² - 4ac < 0 है तो अब आपके रूट्स होंगे इमेजिनरी और साथ साथ अनइक्वल। और अगर आपसे बोला जाए कि b² - 4ac = 0 है, इसका मतलब रूट्स आपके होंगे पहली बात रियल और अब हो जाएंगे इक्वल। रियल में क्या होंगे वो डिपेंड करता है बी ए सी की वैल्यू, अगर आप बी ए सी की वैल्यू रैशनल लो तो यहां पे रैशनल आएगा, मतलब बी ए सी की वैल्यू अगर आपने इरेशनल ली, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट आ रहा है कहीं पे √2x² या √3x², तो अगर रूट इक्वल होंगे तो साथ साथ वो इरेशनल होंगे रियल के साथ, तो इसमें हम जाते नहीं है, रैशनल इरेशनल ज्यादातर परफेक्ट स्क्वायर से आ रहा होता है तो उसी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट है भाई, कुछ भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 में उन्होंने बोला है कि अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे अनइक्वल होंगे तो b² - 4ac क्या होगा, < 0। दो तरीके से आंसर दिया जाता है, नेगेटिव या less than 0, नेगेटिव ही होते हैं ना, दोनों तरीके से बात पूछी जाए आपको पता होना चाहिए। अरे एक और बड़ा फेवरेट है इनका, ये इक्वेशन दी जाती है, ये भी बहुत फेवरेट एमसीक्यूज है कि आपको डिफरेंट इक्वेशन दी जाएंगे एक्सपोनेंशियल और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। इस टाइप के सवाल भी काफी आते हैं, 3-4 दफा मैंने देखा है पास्ट 10 ईयर्स में आ चुके हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बेसिस दोनों तरफ सेम कर लो, 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, बेसिस दोनों तरफ इक्वल है तो पावर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो 2x = 2k, x = 1 के। ऑप्शन नंबर बी। 4 में लिखा हुआ है इफ एन इक्वेशन हैज रूट्स, अगर आपको रूट्स दिए जाएं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी हो तो आप आसानी से मालूम कर सकते हो। किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करोगे, फॉर्मूला है x² - sum of root x + product of root, ये फॉर्मूला है। तो आप सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालो, रूट है 1/2, दूसरा है -1/6, तो सबसे पहले आप इनका सम निकालो। जब आप सम निकालोगे तो एलसीएम 6 आएगा, 3 - 1 2/6 1/3, तो सम आ रहा है 1/3, और जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे प्रोडक्ट आएगा -1/12, ये सम ये प्रोडक्ट, पुट कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x² - sum क्या है 1/3x प्लस प्रोडक्ट क्या है -1/12, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब नॉर्मली इक्वेशन में आप फ्रैक्शन ही रखते तो जो एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर का उसे मल्टीप्लाई कर दो, 12 और 3 का एलसीएम 12 भी होता है, तो पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर 12 आ जाएगा, इधर जब 12 लगाओगे तो 12/3 क्या होता है 4, और इधर जब 12 लगाओगे 12/12 1 के बराबर होता है, तो
तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 12x² - 4x - 1, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक है। फाइव, अच्छा हाँ, अब ये भी एक कैटेगरी है, ओमेगा के सवाल काफी नॉर्मल, जब भी पास पेपर होते हैं ना तो एक ईयर में 3 MCQs तकरीबन चैप्टर 3 से बन रहे होते हैं, उसमें से फेवरेट टाइप जो मैंने आपको बताई है 2, 3, 4 उन्हीं में से ओमेगा की टाइप, तो ओमेगा के भी काफी पावर्स आ रही होती है निकालने के लिए, या आपको इस टाइप की दी जाएगा 1 + ओमेगा किसके बराबर है, तो मैं एक साथ ही करवा देता हूं। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 5 में देखो लिखा है 1 + ओमेगा + ओमेगा² की पावर 21, याद रखना इस चीज को दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको पता है ये सब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है, और 0 की पावर आप 21 कर दो 0 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा एक होता है ना सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक एमसीक्यू इस तरह भी बन सकता है, अच्छा इसी में से जो है ना 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 है, इसी से हम मजीद 3 चीजें निकालते हैं कि 1 + ओमेगा बराबर है -ओमेगा² के, 1 + ओमेगा² बराबर है -ओमेगा के, और ओमेगा + ओमेगा² बराबर है -1 के, थ्योरम में बातें डिस्कस की नहीं है। ये जो आखिरी चीज है ना इसको पढ़ते आप इस तरीके से, इसको आप बोलते हो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर आपको याद हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें रियल क्यूब रूट कौन सा है 1, और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कौन कौन से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इस वाली चीज को इस तरह भी बोला जाता है सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, तो ये जुमले भी बात पूछी जाती है तो ध्यान में रखना, तो सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज -1, और ये भी बात पूछी जाती है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, तो 1 तो खैर मल्टीप्लाई करो ना करो बात एक ही है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करो ओमेगा क्यूब, और आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, या अगर ये बात भी बोल देना कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तब भी आंसर 1 ही होगा, ठीक है। तो ये ना डिफरेंट बातें डिस्कस कर दी आप लोगों से, कुछ भी बात पूछी जा सकती है। इसी तरह आप आ जाओ एमसीक्यू नंबर 7 पे, पहले 7 में क्या लिखा हुआ है, 7 में लिखा हुआ है 2 - ओमेगा - ओमेगा² की होल पावर स्क्वायर, इसका आंसर निकालना है, तो अब क्या करो सबसे पहले इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, ओमेगा + ओमेगा² अभी आपने देखा -1 के बराबर होता है, ठीक है, तो ओमेगा + ओमेगा² की जगह -1 लिख दिया, -1 पॉजिटिव, 2 + 1 क्या होता है 3 के बराबर, और 3 का स्क्वायर लोगे तो 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और फिर देख लेते हैं इस टाइप के सवाल, एमसीक्यू नंबर 11, 11 में क्या लिखा हुआ है ओमेगा³ + ओमेगा 4 + ओमेगा 5, अच्छा इनको निकालने की भी जरूरत नहीं है, ओमेगा की हायर पावर निकालने का भी एक तरीका होता है अभी बताऊंगा वो, लेकिन इनको निकालने की जरूरत ही नहीं है, इस पे आप क्या अप्लाई करो, याद रखना ये बात मैंने आयोटा में आपको बताया नहीं है, इस टाइप के एमसीक्यू आया नहीं था चैप्टर नंबर 2 में, अगर आपके पास आयोटा की 4 टर्म लिखी हो और उनकी पावर कंसेक्यूटिव हो, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 40+ आयोटा की पावर 41+ आयोटा की पावर 42+ आयोटा की पावर 43, 4 पावर्स आपस में ऐड हो रही हो कंसेक्यूटिव हो, 40, 41, 42, 43 या 1, 2, 3, 4 या 16, 17, 18, 19, तो उन चारों जो आयोटा की टर्म्स है ना उनका सम 0 के बराबर होता है, ठीक है। सेम चीज ओमेगा में भी होती है, ये जो अपना ओमेगा है, ठीक है, इसकी 3 कंसेक्यूटिव पावर चाहिए होती है, अगर 3 कंसेक्यूटिव पावर हो ओमेगा की, जैसे यहां पे लिखा है ओमेगा³ ओमेगा 4 ओमेगा 5, इनका सम भी क्या होता है 0 के बराबर होता है, इसी तरह आपके पास आ जाए ओमेगा 10 ओमेगा 11 ओमेगा 12, इनका सम भी क्या होगा 0 के बराबर, तो इनको निकालने की भी जरूरत नहीं है, तो इस पूरी चीज का आंसर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह आपका एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, 13 में क्या लिखा है 1 + ओमेगा² का होल क्यूब, 1 + ओमेगा² किसके बराबर होता है -ओमेगा के, -ओमेगा का क्यूब, देखो माइनस का क्यूब माइनस होगा, ओमेगा का क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 14 में आपके पास लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 256, अब ओमेगा की पावर कैसे निकालते हो, क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करो आप, अब देखो 256 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं 255, हाँ 255 3 के टेबल में आता है, तो आप इसको किस तरह लिखो, आप इसको लिखो ओमेगा का क्यूब और 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, तो 55 आएगा 85 से, 3 को जब आप 85 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो 255 आता है, तो ओमेगा क्यूब की पावर 85, ये होगा ओमेगा की पावर 255, पीछे एक पावर बच जाएगी,
उसे एक पावर को आप यहां पे लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 85 कर दो 1 को क्या फर्क पड़ेगा, अपनी जगह पे रहेगा। 1 को मल्टीप्लाई करो ओमेगा से, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा क्या होता है, ओमेगा के बराबर होगा। तो ओमेगा के जितनी हायर पावर आपने निकाल ली उसको ब्रेक करो ओमेगा क्यूब में, जो पीछे बच जाए ओमेगा क्यूब में ब्रेक करोगे वो तो 1 होता है, जो पीछे बच जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। कोई और देखते हैं, हाँ 17 में देखो, मैंने बताया सर कितने एमसीक्यू थे, तो मैंने भी इंक्लूड किए हैं, कुछ तो मैंने स्किप कर दिए हैं क्योंकि एक ही चीज बार बार पूछी जा रही है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे यार, देखो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो आप पुट कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर अपने जगह पे, 1 प्लस ओमेगा की जगह आपने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। सबसे पहली बात, माइनस की पावर 8 पॉजिटिव होता है तो माइनस को तो इग्नोर कर दो, 2 की पावर 8 कैलकुलेटर है आप तो निकाल लेना, 256 होता है, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 ओमेगा की पावर 16 होता है। अब सवाल ये कि ओमेगा की पावर 16 क्या है, इसको ब्रेक करो ओमेगा क्यूब की पावर 5 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की पावर 5 होता है ओमेगा 15 और एक पावर बचेगी साइड पर, ये पूरी चीज तो बच्चों 1 के बराबर होगी, 1 को ओमेगा से करो ओमेगा, 256 को ओमेगा से करोगे तो 256 ओमेगा आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अगर मैं तेज जा रहा हूं तो आप लोग वीडियो स्लो भी कर सकते हो, लाइव थोड़ा ना देख रहे हैं मुझे बैठ के, मुझे तो कम ही टाइम में खत्म करवाना है, मैं खड़ा थोड़ी ना रहूंगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। कोई और अगर है तो 21 में लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, देखो याद रखना ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा है। तीसरी चीज भी थी कोई, ओमेगा रेसिप्रोकल हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, और एक और चीज भी थी ज़हन में नहीं, मशहूर तो ये दो ही है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट या ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट या ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा के बराबर। हाँ, स्क्वायर भी था। तीसरी चीज क्या आती है, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा के बराबर होगा। ये आपको पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आप कहोगे सर यही होगा, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही होगा, लेकिन अगर वैल्यू के टर्म में बात आए ना तब आपको ज्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 iota/2, ये ओमेगा है। अगर इस वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे तो देखना इसके बराबर आ रहा होगा, और इस पूरी चीज को आप ओमेगा स्क्वायर कहते हो, ठीक है। तो जो ओमेगा है ना, ओमेगा की जो वैल्यू, इसको तो हमने वैसे नाम ओमेगा दिया हुआ था, असल में तो ये वैल्यू थी ना पूरी, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो तीन बातें मैंने आपको यहां पे बताई हैं। तो यहां पे ओमेगा का कॉन्जुगेट पूछा हुआ था तो ओमेगा स्क्वायर होता है। अच्छा जी, और ओमेगा का कोई भी नहीं है तो बैक टू पुराने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा जी, 6 पे आ जाओ। 6 में अगेन आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या है, 4 की पावर x + 2 = 64। अगेन बेसिस आपने सेम करनी है, 64 को 4 की फॉर्म में ब्रेक करो, 4 का क्यूब 64 होता है। अगेन बेसिस सेम, पावर को इक्वेट करवा लो, x प्लस टू बराबर है 3 के, x बराबर हो जाएगा 1 के, ऑप्शन नंबर सी। कोई और भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है यार, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 10 में लिखी हुई है, 10 में क्या लिखा हुआ है, 10 में लिखा हुआ है 2 की पावर x + 3 और यहां पे लिखा हुआ है 1/32। आपको पता है, देखो बच्चों 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5। अभी 2 की पावर 5 का डिनोमिनेटर में, मतलब 1/2 की पावर 5 है, जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर -5 हो जाएगा। तो अगेन बेसिस सेम, पावर को इक्वेट करवाओ, x + 3 बराबर होगा -5 के, x की वैल्यू आ जाएगी -8, ऑप्शन नंबर बी। और कोई और नहीं है इसका शायद, और नहीं है तो अगेन अब बाकी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 7 मैंने आपको बता दिए, 8 में लिखा हुआ है आप रूट निकालो x² + 16 के, तो बहुत इजी है बच्चों, x² + 16 = 0, x² बराबर हो जाएगा -16 के, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लो, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाते हो, -16 का स्क्वायर रूट। भाई माइनस का रूट क्या होता है, माइनस का रूट होता है आयोटा और 16 का रूट होता है 4, तो इसका आंसर होगा +-4 iota, ऑप्शन नंबर ए। 9 में आपके पास लिखा हुआ है, एक सेकंड मैं पहले मिटा देता हूं इसको,
9 में आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपको बोला हुआ है कि अगर इसके रूट इमेजिनरी हैं तो क्यू स्क्वायर माइनस 4PR क्या होगा, यानी क्यू स्क्वायर माइनस 4PR यहां पे डिस्क्रिमिनेंट है। अगर आप देखो ना, B यहां पे Q है, A यहां पे P है, C यहां पे R है, तो B स्क्वायर माइनस 4AC होगा क्यू स्क्वायर माइनस 4PR। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोल रहे हैं आपको कि रूट्स अगर इमेजिनरी होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन जीरो होता है ना, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा क्यू स्क्वायर माइनस 4PR, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4PR क्या होगा, लेस देन जीरो, ऑप्शन नंबर बी। 10 करवा दिया, 11 भी करवा दिया। अच्छा 12 भी अभी आपने देखा था कि आपको दो रूट गिवन है पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो वही काम करो, सबसे पहले सम निकालो, माइनस 2 माइनस 3 होगा माइनस 5, फिर आप प्रोडक्ट निकालो, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 ये हो जाएगा 6। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी। 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, 15 पे आ जाओ। 15 में प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने, मैंने पहले भी निकाले हैं, लेकिन ये इक्वेशन जो है ना ये इस तरह लिखी हुई है, तो पहले आप एक काम करना, इक्वेशन को ना जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। किस तरीके से, कि 7y को इधर लेकर आओगे माइनस 7y हो जाएगा, और माइनस 7 को इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब आप रूट निकाल दो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, सी है यहां पे 8, ए है यहां पे 1, तो 8 अपॉन 1 मतलब 8, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऑप्शन नंबर डी। लिखा हुआ 16 में अगेन वही नेचर ऑफ रूट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिखा हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जीरो के बराबर होता है, तो रूट्स इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 हो गया, 18 में क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट टाइम आ चुका है। 18 में लिखा हुआ है कि अगर एक इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 5, ये बाय द वे 3.6 का क्वेश्चन है, 3.6 का 7-8 ऐसा नहीं, 5-6 का क्वेश्चन है। तो बोला हुआ क्या है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कंडीशन क्या है कि इसके सम ऑफ रूट बराबर है इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट के, मतलब वही सुई अटकी हुई इनके सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट में, निकल नहीं पा रहे वहां से, कि अगर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है तो आप m की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले सम निकालो, सम होता है माइनस बी, बी यहां पे क्या है माइनस 3m अपॉन ए, ए यहां पे 6 है, तो सॉल्व करो, माइनस माइनस पॉजिटिव। लाइट चली गई थी बच्चों, एक घंटा जाया हो गया, और फिर हम कंपेयर करते हैं बाहर के मुल्कों से, घंटा परफॉर्म करो कि लाइट चली जाती है, रिसर्च क्या करोगे आप, वीडियो ही बना पा रहा मैं, खैर एक घंटा जाया हो गया मेरा, मुझे बहुत अफसोस होता है मेरा टाइम जाया होता है, क्योंकि पता नहीं बचपन से मैंने सुना टाइम इज मनी, ये बहुत ही फालतू मुहावरा है, टाइम की तो कोई कीमत ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट होता है। खैर 18 में आप लोगों को करवा रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सम ऑफ रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट की कंडीशन थी, तो सम ऑफ रूट में निकाल रहा था माइनस, ये बी था और ये ए था, तो सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो सम ऑफ रूट आपके पास m अपॉन 2 आ रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है c अपॉन a मतलब 5 अपॉन 6। कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के, मतलब m अपॉन 2 बराबर है 5 अपॉन 6 के, 2 1 2 2 3 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन 3। 19 में लिखा हुआ है जब b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो मैंने बताया था जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स आपके रैशनल होंगे, मतलब रियल में रैशनल होंगे, ऑप्शन नंबर बी। 20 में लिखा हुआ है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जीरो, देखो याद रखना जब आपको कोई रूट दे दिया जाए ना, कि रूट 2 है, रूट 5 है, या रूट 10 है, कुछ भी दे दिया जाए, उसको आप पुट कर दिया करो इक्वेशन के अंदर। ये बाय द वे 3.1 का टॉपिक है, तो इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 7cx प्लस 4 इक्वल टू माइनस सी, वो बोल रहे हैं कि अगर एक रूट इसका जीरो है तो जीरो आपको पता चला इसका रूट है जीरो, पुट कर दो इक्वेशन में, एक्स की जगह पे जीरो पुट करो, यहां पे भी एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो, ठीक है, तो ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म कैंसिल, माइनस सी बराबर होगा 4k और c बराबर हो जाएगा माइनस 4k। अगर कहते हैं कि इस इक्वेशन का एक रूट 2 है तो आप x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं पूरी इक्वेशन में और उसके बाद c की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पे रूट 0 था तो मैंने 0 पुट कर दिया, c की वैल्यू आ रही है माइनस 4। 21 में ऑलरेडी करवाया था, 22 में लिखा हुआ था सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिट, मैंने आप लोगों को बताया था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका सम माइनस 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। 23 में यार रेसिप्रोकल इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं, 3.4 का टॉपिक है, उसमें भी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15-16 ऐसा कुछ है रेसिप्रोकल इक्वेशन का, कि ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल को अगर आप उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इक्वेशन एक्स की फॉर्म में और आप एक्स की जगह पे 1 अपॉन एक्स पुट कर देते हो
तो रेसिप्रोकल इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एन इक्वेशन इन x इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट इज रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन x। के x की जगह 1 अपॉन x पुट कर दो, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 में अगेन ये 3.1 का टॉपिक है। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है, उसको आपने डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल से, और आपसे रिमाइंडर पूछा गया। देखो डिवाइड करने के दो तीन तरीके होते हैं। सबसे अच्छा तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन वो लंबा मेथड होता है। अगर जस्ट आप रिमाइंडर फाइंड करने में इंटरेस्टेड हो तो आप रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल कर लो। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जिस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है ना, उसको लिखो और जिससे डिवाइड करना है, आपने y प्लस वन से डिवाइड करना है ना, इसको जीरो के बराबर रखो y प्लस वन को। y की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस वन आ रही है। इस y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन के अंदर जो पॉलिनोमियल गिवन है। तो यहां पे माइनस वन पुट करो, माइनस वन की पावर फोर वन। यहां पे माइनस वन पुट करो, माइनस वन का क्यूब माइनस वन। यहां पे माइनस वन पुट करो, माइनस वन का स्क्वायर वन। वन को माइनस टू से करो माइनस टू। यहां पे माइनस वन पुट करो, माइनस माइनस पॉजिटिव एट प्लस टू। वन से वन कैंसिल, माइनस टू से टू कैंसिल, आंसर 8 आ जाएगा। तो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है जिससे आपने डिवाइड करना है, अगर वो लीनियर है जैसे y प्लस वन या y प्लस टू, तो आप क्या करो, उसको इक्वल टू जीरो रखो और जो वैल्यू आए उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो। जो आंसर होगा वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो यहां पे रिमाइंडर क्या रहा है? 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और 25 में लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। ये 2021 में दिया था उन्होंने। अब देखो कुछ चेंजिंग नहीं है इसके अंदर, हल्की बुल्की कंडीशन चेंज किए। सवाल की नेचर वही है जो पहले देते थे, वो कि आपके इक्वेशन दे रही है पी वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये पी जो है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पे क्या आ रहा है? फोर अपॉन पी। फोर यहां पे सी है, ए यहां पे पी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट फोर अपॉन पी है। और सवाल में बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है? टू के बराबर है। तो इस पूरे प्रोडक्ट ऑफ रूट को आप टू के बराबर रखो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, पी को आप उधर ले जाओ तो पी का आंसर क्या आ जाएगा? टू के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक है। तो अगर आप लोगों के बारे में भी हल्की बुल्की चेंजिंग होगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देंगे या नेचर बता देंगे या ओमेगा की पावर या कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे देंगे, वैल्यूज चेंज होंगी ज्यादा ज्यादा, वरना वैल्यूज भी कितनी था वही देते हैं, मेथड वही रहते हैं, सब चीजें वही रहती हैं, हल्का बुल्का चेंजिंग कर सकते हैं। तो बच्चों चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 में मैंने टॉपिक सारे मेंशन किए हैं, उसके बाद एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 4 लास्ट टाइम रिड्यूस कैंसिल हो गया था, लेकिन इस दफा जाहिर सी बात है फुल सिलेबस है। अगेन जो बोर्ड एमसीक्यूज हुए हैं वो बोर्ड में आ चुके हैं, जो उसके अलावा है वो मैंने अपनी तरफ डाले हैं। जैसे पहला एमसीक्यू बोर्ड नहीं है, मतलब मैंने अपनी तरफ डाला है। लिखा हुआ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई वन। अगेन आपको थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हो तब आपको बातें समझ आएंगी। एन बाई वन का मतलब क्या है? जो पहला नंबर है वो रॉ को शो करता है, दूसरा नंबर कॉलम को शो करता है। तो एन बाई वन का मतलब कॉलम वन ही है, रॉ जितनी भी हो सकती है, दो तीन चार रॉ जितनी भी हो, कॉलम एक ही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको आप बोलते हो कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका आंसर होगा कॉलम मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी। बिलफर्ड्स पेपर में आ जाता है 1/n, इस तरह लिखा हुआ था। तो अब ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? अब ये होती रॉ मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर एक ही रॉ है और कॉलम एन है, मतलब चार पांच जितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन रॉ इसके अंदर एक ही है। तो अब आप इसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स, जबकि यहां पे जो गिवन है एन बाई वन एक ही कॉलम है उसके अंदर, तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। टू में ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है, डिफरेंट अंदाज में पूछ रहे होते हैं वो, कि आपकी मैट्रिक्स गिवन होती है और बोला जाता है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप किसी अननोन की वैल्यू निकालो। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होती है ना बच्चों, उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो आप डिटरमिनेंट निकाल लो। इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं। डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? लैम्डा को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 लैम्डा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, दरमियान में नेगेटिव लगा दो। ये जो डिटरमिनेंट है इसको आपने जीरो के बराबर रखना है। क्यों जीरो के बराबर रखना है? क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट जीरो के बराबर होते हैं। तो 4λ-6 जीरो के बराबर है, 4λ बराबर हो जाएगा 6 के, लैम्डा बराबर हो जाएगा 6/4 मतलब 3/2 के। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ऑप्शन नंबर डी। 3 में लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी सिंगुलर। अभी बताया था मैट्रिक्स सिंगुलर उसको होती है जब उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, ऑप्शन नंबर ए। 4 में लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स सी है जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, और एक मैट्रिक्स डी है जिसका ऑर्डर है एम बाई पी, और आपसे पूछा है देन सी डी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। कि जो रिजल्ट जब मल्टीप्लाई करोगे ना, सी का ऑर्डर है डी का ऑर्डर है, तो जब आप सी डी करोगे मतलब सी और डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। देखो मल्टीप्लाई करने की सबसे पहले शर्त होती है, शर्त ये होती है कि दोनों डायमेंशन मैच करनी चाहिए। तो यहां पे मैच कर रही है इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो।
कितने दफा यही सवाल को देते हैं लेकिन मैच नहीं कर रही होती, एक ऑप्शन में लिखा होता नॉट पॉसिबल, तो फिर वही वाला ठीक होगा। बच्चे आमतौर पर दूसरे लगा देते हैं, उसको नहीं लगाएंगे। तो याद रखना मल्टीप्लीकेशन सी डी जो है वो एग्जिस्ट उसी वक्त करेगी जब ये दोनों चीजें बराबर है। अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं है तो सी डी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, पॉसिबल ही नहीं होगा, मल्टीप्लाई आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये तो बेसिक कंडीशन होती है। तो यहां पे देखो दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब सवाल एक है, जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो सी डी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसको निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ये वाले डायमेंशन। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम बाई पी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। इसी टाइप का एक और सवाल भी है, वो भी हम साथ ही कर लेते हैं। वो कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है, हाँ 16 में। 16 में बोला है सी का ऑर्डर है 2/3 और डी का ऑर्डर है 3/4, तो सी डी का ऑर्डर क्या होगा। अगेन देखो 3 और 3 आपस में इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर क्या होगा 2/4, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करते डी सी कहते तब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं, क्यों, डी का ऑर्डर क्या है 3/4, सी का ऑर्डर क्या है 2/3। अगर आपको डीसी मालूम करना है, मैं उसकी बात बता रहा हूं, तो डीसी में पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, डी का ऑर्डर 3/4, सी का ऑर्डर 2/3, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब डीसी पॉसिबल नहीं है। सी डी पॉसिबल है लेकिन डीसी पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, अगर घुमा के बात की जाए तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। खैर दोबारा उस पर आ जाते हैं। 5 में आपके पास लिखा हुआ है यार, ये आपको मिल जाएगी प्रॉपर्टी 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है, उसमें आपको मिल जाएगी कि जब तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हो, फॉर एग्जांपल ए बी सी, तीन मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया प्रोवाइडेड कि वो मल्टीप्लाई हो जाए, जो कंडीशन होती है ना मल्टीप्लाई की, वो हो जाए। और अगर आप इनका इनवर्स लो तो ये बराबर है कि आप सी मैट्रिक्स का इनवर्स लो, आप बी मैट्रिक्स का इनवर्स लो, आप ए मैट्रिक्स का इनवर्स लो और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां पे आप तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो रिजल्ट आ रहा था उसका इनवर्स ले रहे थे, जबकि राइट हैंड साइड पे आप सबका अलग अलग इनवर्स ले रहे हो फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसको आप कहते हो रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स, कह लो इसको रिवर्सल लॉ होता है ये। ऑर्डर देखना इसमें रिवर्स हो जाता है, ए बी सी है तो सी बी ए हो जाता है। अब देखो सवाल में उन्होंने सी बी ए लिखा है, मतलब यहां पर ये चीज लिखी हुई है सी बी ए, तो रिवर्स कर दो ए बी सी, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर मैटर कर रहा होता है मैट्रिसेस में, ए बी बी ए जमीन आसमान का फर्क होता है, पर यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। 6 में अगेन वही कंडीशन है यार, एक मैट्रिक्स बोला है सिंगुलर है, लैम्डा की वैल्यू निकालो, 3/3 की मैट्रिक्स है, मैं करवा देता हूं, मैट्रिक्स है 5, 0, 9, 8, λ8, 2, 2, 4। डिटरमिनेंट लो पहली रो से एक्सपेंड करते हैं, सबसे पहले 5 लिखो, ये चार एलिमेंट आएंगे λ8, 2, 4, फिर 9 लिखो क्योंकि दरम्यान में तो 0 है, 9 में चार एलिमेंट आ जाएंगे 8λ2, 2। अब जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4λ-16, ये हो जाएगा 16-2λ, मजीद सॉल्व करो ये हो जाएगा 20λ-80 जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे, और 9 को मल्टीप्लाई करो 144-18λ, और इनको किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। सॉल्व करो 20λ-18λ, ये हो जाएगा 2λ-80+44, साइन सेम होने चाहिए इनके, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि साइन इनके सेम होने चाहिए। चलो शायद कोई और सवाल होते, -80+144 क्या होगा, मैं कल में -64 होगा, 64 होगा ठीक है, तो 2λ बराबर हो जाएगा -64 के, लैम्डा बराबर हो जाएगा -32 के। एक बुक में क्वेश्चन था उसका आंसर 110 112 आ रहा था कुछ, मैं जरा इसका देख लेता हूं, 6 का क्या ऑप्शन है यहां पे, 6 का सी है, हाँ सही है, वो फिर बुक का क्वेश्चन था, वो मेरे ध्यान में आ रहा था। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, 0 के बराबर रखोगे, आंसर आ जाएगा। 7 में लिखा हुआ है, अब ये रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज है कि अगर दो मैट्रिक्स है सी डी, आपने मल्टीप्लाई किया उनको, उसके बाद ट्रांसपोज लिया, ये बराबर है कि पहले आप डी का ट्रांसपोज लो, आप सी का ट्रांसपोज लो, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, अगेन रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज है, ऑप्शन नंबर बी। 8 में आपको मैट्रिक्स दी हुई और आपसे को फैक्टर पूछा गया, को फैक्टर कौन सा, 3-1 एलिमेंट का, तो मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, 1, 2, 9, 3, 4, 8, 5, 7, 6,
चलो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो, ये मैट्रिक्स है और आपको 3-1 एलिमेंट का डेटा आपको फैक्टर निकालना है। 3-1 एलिमेंट ये है, तीसरी रॉ पहला कॉलम, इस वाले एलिमेंट का आपको को फैक्टर निकालना है। तो बच्चों को फैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना सीख लो आप, पहले आप इस एलिमेंट का माइनर निकालो। माइनर निकालना बड़ा इजी होता है, जिस रॉ में है उस रॉ को डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर दो। ये तो बचा है ना, इसका डिटरमिनेंट ले लो। तो 3-7-21 माइनस 4-5-20, तो माइनर आपके पास क्या आ रहा है 1, ये आपने माइनर निकाला है, कैपिटल M31 इसकी नोटेशन होगी कि 3-1 एलिमेंट का आपने माइनर निकाला है। अब माइनर से को फैक्टर कैसे आता है भाई, क्या पोजीशन है इसकी, 3-1 पोजीशन है। 3 और 1 को आपस में ऐड करते हो तो क्या आता है, 4 आता है। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो माइनर को फैक्टर के बराबर ही होगा, यही माइनर है यही को फैक्टर है। इन केस जब आप ऐड करते हैं आपके पास ऑड नंबर आता तो अब आप माइनर के साथ माइनस लिख देते हैं, ये फर्क होता है। को फैक्टर माइनर के बराबर होता है उस वक्त जिस पोजीशन पे आप जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो ना, अगर उसकी पोजीशन को आप ऐड करो इवन नंबर आए तो माइनर को फैक्टर के बराबर होता है। लेकिन अगर उसकी पोजीशन को जब आप ऐड करो ऑड नंबर आए तो को फैक्टर बराबर होता है माइनस ऑफ माइनर, मतलब जो भी माइनर आया उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने माइनर निकाला था लेकिन ये इवन नंबर है तो जो माइनर है वही को फैक्टर होगा। मजीद कॉन्सेप्ट हासिल करने हैं तो आप चैनल पे जाके देख लो मेरे, 1 इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 9 में आपको बोला कौन सी मैट्रिक्स है। ये डायगनल मैट्रिक्स तो है लेकिन अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स इसका राइट ऑप्शन होगा। डायगनल भी देखो उन्होंने लिखा है लेकिन डायगनल आप ठीक नहीं करोगे, डायगनल एक जनरलाइज बात होगी। ये ऐसी डायगनल मैट्रिक्स है जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि इसके सारे डायगनल एलिमेंट इक्वल है, तो दैट्स व्हाई अच्छा आंसर इसमें क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। 10 में बोला हुआ है डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगेन स्केलर मैट्रिक्स ही है कि जिसके सारे डायगनल एलिमेंट्स इक्वल हो उसको आप स्केलर मैट्रिक्स कहते हो। 11 में आपको मैट्रिक्स दी हुई है, पूछा है कौन सी मैट्रिक्स है, ये रॉ मैट्रिक्स है, एक ही रॉ है, इसके अंदर कॉलम अलग है, सारे कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 है लेकिन रॉ एक ही है तो आप रॉ मैट्रिक्स बोलोगे। 12 में एक आपसे पूछा गया है कि डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई ए इनवर्स किसके बराबर होता है, तो भाई सिंपल इक्वेशन है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट के, ये इनवर्स का फॉर्मूला आपने देखा होगा। सिंपल इस डिटरमिनेंट को यहां पे आके मल्टीप्लाई करवा दो तो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। 13 में लिखा हुआ टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ बोथ हैव, भाई एडिशन की शर्त ये होती है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन की शर्त क्या थी कि डायमेंशन सेम हो अंदर वाली, मतलब पहली वाली के कॉलम दूसरे वाली के रॉ बराबर होने चाहिए। एडिशन में शर्त ये होती है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, अगर 2/3 की मैट्रिक्स है तो दूसरी भी 2/3 की होनी चाहिए, दोनों के ऑर्डर सेम है तब आप एड या सब्ट्रैक्ट करते हो, सेम ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए। 14 में आपको मैट्रिक्स दी गई और पूछा हुआ बताओ कौन से मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात अगर आप भूल जाओ मतलब आपको ऑप्शन नहीं पता तो ऑप्शन चेक कर लो। ए में लिखा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सारे डायगनल एलिमेंट्स 1-1 होते हैं तो वो तो नहीं है। बी में लिखा हुआ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर भी नहीं हो सकती, स्केलर में तो सारे डायगनल एलिमेंट इक्वल होते हैं ना, यहाँ पर 2 और -2 है इक्वल तो नहीं है। सी डायगनल मैट्रिक्स यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि डायगनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब क्या है, 0 है यहाँ पे, इसका मतलब है डायगनल मैट्रिक्स। 15 में आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 1-2-3 ट्रांसपोज, अच्छा मैट्रिक्स में आप राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट दोनों नोटेशन होती है। पूछा है कौन सी मैट्रिक्स है, देखो दिखने में तो रॉ मैट्रिक्स लग रही है लेकिन भाई ट्रांसपोज भी लेना है आपने, ट्रांसपोज को भूलना नहीं, ये 1-2-3 का ट्रांसपोज लो उसके बाद पूछी जा रही है बात, तो जब ट्रांसपोज लोगे तो ये मैट्रिक्स आएगी, तो ये वाली मैट्रिक्स कॉलम है, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए तो आप नीचे वाली बात नहीं करना, पहले पूरी को सॉल्व करना, जो आंसर है उसके बारे में बताना, आंसर में जो मैट्रिक्स आ रही है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। 16 तो मैंने करवा दिया था आप लोगों को। 17 में लिखा हुआ है मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रॉस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हो, और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रॉस के बराबर ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हो। 18 में आपसे इनवर्स का फॉर्मूला पूछा है, बताया था इनवर्स बराबर है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से करना, सारे एक ही टाइप के लग रहे हैं लेकिन एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये प्रॉपर कर देना। 19 में लिखा हुआ है इफ एनी रॉस इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ एनी रॉ होना चाहिए, इफ एनी रॉ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, नहीं एनी रॉस ही होना चाहिए, दूसरी बात है। देखो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो और आप ऑब्जर्व करो कोई भी दो रॉ सेम है या कोई भी दो कॉलम एक ही बात है,
कोई भी दो रॉ सेम है या कोई भी दो कॉलम सेम है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो जब भी दो रॉस आइडेंटिकल हो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो ऑप्शन अंदर है। 20 में लिखा हुआ है ईच एलिमेंट इन एनी रॉ ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जीरो देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। याद रखना डिटरमिनेंट में अगर कोई भी रॉ जीरो है पूरी जीरो तीनों एलिमेंट जीरो हो या कोई भी कॉलम पूरा जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैट्रिक्स है ना इसमें आप एक रॉ को जीरो कर दो तो कोई भी रॉ अगर जीरो हो जाए या कोई भी कॉलम जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। 21 में लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ कोफैक्टर इज सेड टू बी यानी एडजॉइंट की डेफिनेशन है। एडजॉइंट बेसिकली होता क्या है हम तो रट्टा मार के एडजॉइंट निकाल रहे होते हैं ना। एडजॉइंट में आप करते क्या थे आप 9 चीजें निकालते थे वो बेसिकली 9 कोफैक्टर निकालते थे आप। तो होता है कि आप सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हो जो कोफैक्टर आती है मैट्रिक्स अगर आपको याद हो आप उसका ट्रांसपोज दे रहे होते हो। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज दे रहे होते हो तो जो आपके पास आता है उसको आप एडजॉइंट कहते हो। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज। 22 में आपको एक मैट्रिक्स बी दे दी गई है और आपको बोला कि एडजॉइंट निकालो। मैट्रिक्स बी क्या गिवन है -1 6 0 3 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बहुत ही बच्चों वाला होता है। किस तरीके से निकालते हो पोजीशन चेंज करो इनकी तो इनकी पोजीशन चेंज करोगे 3-1 इस तरह हो जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर दो ये -6 और 0 के साथ माइनस लगा भी दो जीरो कौन सा फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पे ठीक है। इस वाले डायगनल की आप पोजीशन चेंज करोगे और इस वाले के साइन चेंज करोगे। 23 में लिखा है यार ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की भी होती है ये प्रॉपर्टी इनवर्स की भी होती है ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट की भी होती है सेट के अंदर कि भाई अगर एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल आपने उसका इनवर्स मालूम किया जो इनवर्स आया आपने दोबारा उसका इनवर्स मालूम कर लिया तो भाई ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स है आपने उसका ट्रांसपोज लिया और दोबारा फिर ट्रांसपोज दे दिया तो ए के बराबर है। इसी तरह अगर लेट कर लो ए कोई सेट है उस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर दोबारा आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ए के बराबर ही हो जाएगा। ये सबकी प्रॉपर्टी होती है। 23 है इसके अंदर तो चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का मुझे 10 ईयर 12 ईयर में कोई एमसीक्यूज मिला नहीं है शायद को पहले तो एमसीक्यूज का पैटर्न था नहीं लेकिन शायद कभी पुराने जमाने में हो मैंने इतने पुराने पास पेपर देखे नहीं है। चैप्टर 5 का नॉर्मली एमसीक्यूज आते ही नहीं है तो आपको यहाँ पे जो 5 एमसीक्यूज नजर आ रहे ना वो मैंने अपनी तरफ से डाले हैं कि चैप्टर 5 पे थोड़ी इज्जत रह जाए और बेसिक बात जो चैप्टर 5 में डिस्कस होती है ना आइडेंटिटी इनवर्स क्लोजर प्रॉपर्टी ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आया अगर किसी ने चैप्टर 5 सॉल्व किया है मैंने अपने चैनल पे अभी तक जब आप वीडियो देख रहे हो चैप्टर 5 अपलोड नहीं किया इंशाल्लाह वीडियो देखने के एक हफ्ते के बाद चैप्टर 5 अपलोड हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम से पहले। ये वीडियो आपको बाद में देख रहा होगा उस पर तो अपलोड ही होगा। इस टाइम आज जो डेट है मैं हमें 14-15 है मुझे तो डेट भी याद नहीं रहती मैच हुआ था ना 12 तारीख को तो 15 ही होगी आज तो अपलोड नहीं है लेकिन अगर कोई फ्यूचर में देख रहा है 1 साल बाद 2 साल बाद तो उस वक्त चैप्टर 5 अपलोड हो चुका होगा फर्स्ट ईयर का तो वहां पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए होंगे। मैं अभी फ्यूचर में बात कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए होंगे मैंने अभी मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया हुआ। अभी डिपेंड करता है आपने किसी टीचर सेंटर कहीं से अभी फिलहाल जो बच्चे देखेंगे कल मेरी वीडियो कल अपलोड होगी तो अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनके कॉन्सेप्ट होंगे वरना उनके नहीं होंगे तो अब इसका मैं कोई हल नहीं निकाल सकता। हाँ मैंने चैप्टर 5 डिस्कस किया हुआ है ईकैट एनएडी की जो मैंने क्रैश कोर्स अपलोड किया हुआ ना उसके अंदर चैप्टर 5 डिस्कस किया हुआ तो किसी को शौक हो तो वहां से आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस है क्वेश्चंस उसमें सॉल्व नहीं हो रहे। बहरहाल 5 एमसीक्यूज मैंने डाल दिए हल्का फुल्का मैं बता दूं मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। जैसे पहले एमसीक्यू देखा भाई क्या ये सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कोई सेट क्लोज का मतलब क्या होता है मतलब ये होता है कि भाई इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है 1-1 iota - iota। वैसे तो एक मेथड होता है इसका आप टेबल बनाते हो उससे भी चेक कर लेते हो लेकिन इतना लंबा मैं करना नहीं चाह रहा। 3 ऑपरेशन डिस्कस किए 14 में नन लिखा हुआ है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। क्लोज का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूं कि सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट पिक करूं और उनको आपस में ऐड करूं और रिजल्ट जो आ रहा है वो भी इस सेट के अंदर ही मौजूद है इसका मतलब ये सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करके देख लो। फॉर एग्जांपल मैं 1 और -1 पिक करता हूं मैं इन दोनों को ऐड करता हूं रिजल्ट क्या आएगा 0। क्या 0 इस सेट के अंदर मौजूद है नहीं इसका मतलब ये सेट क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप सब्ट्रैक्शन पे आते हैं
कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 और -1 को पिक करता हूँ और इनको सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ, आंसर क्या आएगा? 2। क्या 2 सेट से बिलोंग करते हैं? नहीं, 2 आपको कहीं भी नजर नहीं आना, 4 एलिमेंट है उनमें से कहीं भी 2 नहीं है, इसका मतलब सेट क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन देख लो, मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है, आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करो रिजल्ट उन्हीं में से आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो -1 आएगा जो कि सेट में बिलोंग कर रहे हैं, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो आयोटा आएगा जो कि सेट के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल -1 को -आयोटा से करो तो पॉजिटिव आयोटा आएगा वो भी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आयोटा को -आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो -आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है पॉजिटिव 1 वो भी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो एलिमेंट के, अच्छा अपने आप से भी करवा लो, फॉर एग्जाम्पल आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा स्क्वायर आएगा -1 वो भी सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब 2 में देखो यार ये काफी चीजें थी, मैं बस ओवरव्यू दे देता हूं। 5 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसको आप कहते हो क्लोजर, दूसरी है उसको आप कहते हो एसोसिएटिव, तीसरी को आप बोलते हो आइडेंटिटी, चौथी को आप बोलते हो इनवर्स, पांचवी को आप बोलते हो कमोटेटिव, एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है लेकिन फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करें। तो जो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है उसको आप ग्रुप वाइड कहते हो, जो सेट इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है उसको आप बोलते हो सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप या सेमी ग्रुप वाइड, सेमी ग्रुप ही बोलते हैं। जो सेट इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी उसको आप कहते हो मोनोइड, जो सेट इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है उसको आप बोलते हो ग्रुप, और जो सेट इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसको आप बोलोगे एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए मोनोइड क्या होता है, मोनोइड वो सेट है जो 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से ग्रुप क्या है, ग्रुप ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, ये सब इनके नाम होते हैं। तो बोला मैं सेमी ग्रुप इज मोनोइड, वो कह रहे हैं कि सेमी ग्रुप मोनोइड कब बनेगा। अब सेमी ग्रुप होता है जो इन 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अगर इस सेमी ग्रुप को मोनोइड बनना है तो उसको तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी क्योंकि मोनोइड के लिए 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसका मतलब अगर सेमी ग्रुप आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करेगा तो वो मोनोइड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। 3 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बताओ इसमें से कौन मोनोइड नहीं है। और पहला लिखा है इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इसमें से कौन मोनोइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखो अगर कोई मोनोइड नहीं है इसका मतलब वो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर वो, और इसमें इंप्लाइड है कि शुरू की 2 को वो सेटिस्फाई कर रहा है, अब अगर वो आइडेंटिटी को करेगा तो मोनोइड होगा, अगर वो नहीं करेगा तो इसका मतलब वो मोनोइड नहीं होगा। तो अगर कोई सेट मोनोइड ना हो उसके लिए अगर स्पेसिफिक में बात करूं तो देखो सेमी ग्रुप और मोनोइड में फर्क ही आइडेंटिटी का है ना, तो जब आप स्पेसिफिकली मोनोइड की बात कर रहे हो ना, करना तो उसको 3 प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन स्पेसिफिक आप आइडेंटिटी की बात कर रहे होते हो। इसी तरह ग्रुप को कहोगे तो स्पेसिफिक इनवर्स की आप बात कर रहे होते हो, स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं। तो अगर कोई मोनोइड नहीं है इसका मतलब वो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब कौन है जो इसमें से आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है, 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, तो जिस सेट में 0 नहीं है इसका मतलब वो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो नेचुरल नंबर वाइज इसमें से सेट है जिसमें 0 नहीं होता, नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर पकड़ो उनको ऐड करो नेचुरल नंबर ही आएगा, एसोसिएटिव को तो सभी तकरीबन कर रहे होते हैं, इसका मतलब नेचुरल नंबर शुरू की 2 को कर रहा है वो सेमी ग्रुप तो है लेकिन वो मोनोइड नहीं है। क्यों मोनोइड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 0 मौजूद नहीं है, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मकसद ही होता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेट के अंदर होना चाहिए, और नेचुरल नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये मोनोइड नहीं है। बाकी रियल नंबर तो सभी होते हैं, अगर 0 निकाल दो तो 5 कैटेगरी होती है, होल नंबर भी सभी होते हैं मतलब मोनोइड होता है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बात करो, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मसला आ जाता है, मोनोइड तो हो जाएगा फिर भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में मोनोइड तो हो जाएगा, इसमें आके मसला होगा। बहरहाल मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैंने बताया देख लेना एनडी वाले क्रैश कोर्स में, फिलहाल अपलोड है वरना 1-2 हफ्ते बाद अपलोड हो जाएगी। नेचुरल नंबर ये वाहिद है जिसमें वो 0 नहीं है, इसका मतलब ये मोनोइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नेचुरल नंबर मोनोइड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन।
क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है जो कि नेचुरल नंबर के अंदर है। तो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोनोइड है। अब ये प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जब तक आप देखोगे नहीं आपको बात समझ नहीं आएगी। फोर और फाइव आखिरी है और ये काफी मशहूर है। लिखा हुआ है एक्स, एक ये ऑपरेशन को शो करते हो, स्टेरिक मतलब एक ऑपरेशन है कि दो नंबर के दरमियान जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसका आंसर क्या है, 3xy। मतलब किसी भी दो नंबर के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो x और y को। अभी मैं करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1 और 2 के दरमियान ये स्टेरिक ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसका आंसर क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करवा दो दोनों नंबर से, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से अप्लाई करोगे। बहरहाल आपसे ये पूछा गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो इसका मेथड होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। एमसीक्यूज में ट्रिक काफी है कि अगर इस टाइप के ऑपरेशन बहुत पूछे जाते हैं 3xy या कभी 5xy, 2xy, 7xy, ये एमसीक्यूज बड़ा फेवरेट है, तो इसमें आइडेंटिटी निकालने का सबसे बच्चों वाला तरीका होता है कि आप क्या करो, जो यहां पर नंबर लिखा हुआ है ना उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होगी, 1/3। अगर यहां पे लिखा होता 5xy तो आइडेंटिटी हो जाती 1/5। अगर 7xy लिखा होता तो आइडेंटिटी हो जाती 1/7। ठीक है, अब सवाल है कि इनवर्स कैसे निकालोगे। अब इनवर्स के लिए मैं आपको मेथड डिस्कस करना पड़ेगा, इनवर्स की ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, बनानी पड़ेगी। इनवर्स के लिए मेथड को डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर मतलब 4 तो कंप्लीट हो गया, आइडेंटिटी ऑप्शन नंबर भी 1/3 है। जो 5 है ना उसमें इनवर्स पूछा गया है, तो इनवर्स के लिए आप क्या करोगे जरा उसको देख लो। और देखो ऑपरेशन क्या डिस्कस किया गया है, 5xy। तो देखो जब आपने इनवर्स निकालना है ना उसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो आपको पता यहां पर आइडेंटिटी क्या होगी, 1/5। अब जरा हम इनवर्स निकालते हैं। अब जिनको इनवर्स के बारे में पता है उनको बात समझ आएगी, वरना बाकी को नहीं आएगी। किसी भी दो नंबर का अगर एक नंबर है ए फॉर एग्जांपल, उस नंबर को मैं ऑपरेट करवाऊं उसके इनवर्स से, या इनवर्स को मैं इस तरह लिख देता हूं। याद रखना स्टेरिक कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, स्टेरिक एडिशन हो, मैं अभी जनरलाइज बात कर रहा हूं, उस वाले ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा। कोई भी जनरलाइज ऑपरेशन ले लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी आप ऑपरेशन ले लो, अगर एक नंबर को मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाऊं, अब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, एडिटिव इनवर्स हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं। अगर एक नंबर को आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कह रहा हूं, ऑपरेट करवाओ, क्योंकि देखो मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं ना, तो मल्टीप्लाई एड मैं कोई लैंग्वेज यूज नहीं करना चाह रहा, जस्ट मैं बोलना चाह रहा हूं एक नंबर को कि उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाओ, तो हमेशा आंसर में आइडेंटिटी आती है। अब एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एडिशन की बात करो, 2 को जब आप एड करोगे -2 के अंदर तो रिजल्ट में 0 आएगा, 2 का इनवर्स -2 होता है, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, तो रिजल्ट में देखो 0 आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे 1/2 से तो रिजल्ट में 1 आता है, 1 एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो जब भी आप एक नंबर को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाते हो रिजल्ट में आइडेंटिटी आती है। अब वो अगर पॉजिटिव है तो आइडेंटिटी 0 होगी, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तो आइडेंटिटी 1 होगी। अब यहां पे जो ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी क्या है, 1/5। ठीक है, अब उसको लेके चलते हैं। तो सवाल में आपको बोला है कि आपने किसका इनवर्स निकालना है, आपने 2 का इनवर्स निकालना है और ऑपरेशन ये है, यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन उसकी बात नहीं हो रही, ऑपरेशन आपको दे दिए 5xy है। ठीक है, तो 2 का इनवर्स निकालना है। देखो 2 को जब आप उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाओगे, कंसिडर कर लो इनवर्स को आप ए से शो कर रहे हो, ठीक है, जब आप 2 को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाओगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। अब इस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर दो जो ऊपर लिखा है। ऑपरेशन क्या है, जब दो नंबर के दरमियान स्टेरिक अप्लाई करते हो तो आंसर आता है 5xy, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5x यहां पे 2 है, y यहां पे a है, मतलब पहले नंबर को x बोल दो, दूसरे को y बोल दो, तो आंसर क्या होगा, 5xy। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपने आइडेंटिटी पहले निकाल ली है 1/5, तो सॉल्व करो, 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा 10a 1/5, और a क्या हो जाएगा, 10 को जाके डिवाइड करवा दो 50, तो यहां पे बच्चों इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/50। इसका मतलब 2 का इनवर्स यहां पे क्या है, 1/50 है। इस तरीके से कि जब 2 और 1/50 को ऑपरेट करवाओगे ना रिजल्ट में देखना 1/5 आ रहा होगा, करके देख लेते ना बात क्या हो जाए, 2 को ऑपरेट करवाओ 1/50 से, देखना आंसर क्या आ रहा होगा। तो ऑपरेशन क्या है, 5 × x y, सॉल्व करो, 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50, 10 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, तो देखो आंसर 1/5 आ रहा है। तो आपने 2 को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाया तो रिजल्ट में आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी यहां पे 1/5 है। तो कहने का मतलब ये कि भाई इसके एमसीक्यूज कभी भी पेपर में नहीं आते,
लेकिन एहतियातन जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा पूछा जाता है, तो मैंने आप लोग कुछ एमसीक्यूज करवा दिए, कुछ बेसिक आइडिया पता चल गया होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को शौक हो तो जाके सीख लेना, चैनल पे मेरे अपलोड हो जाएगा, एग्जाम से पहले तो आप लोगों के अपलोड हो जाएगा, और जो बाद में मेरी वीडियो देखेगा भाई उसके लिए तो अपलोड ही है, तो आप जाके देख लो, सीख जाओगे सारी बात है, ठीक है। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर सिक्स है। चैप्टर नंबर सिक्स बच्चों को काफी मुश्किल लगता है क्योंकि एपी जीपी एचपी इनके फॉर्मूले सम मीन और बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर, तो बेहतर है अगर आपको चैप्टर सिक्स का कॉन्सेप्ट आता है तभी एमसीक्यू देखो, इसको तो आपको समझ नहीं आएंगे वरना आप सोचने लग जाओगे क्या करवा रहे हैं सर ये। तो आज का खैर वही बोल्ड एमसीक्यू, इसका मतलब एग्जाम में आए हैं और इसके अलावा जो होंगे वो मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज में आपको एक सीक्वेंस दी हुई है और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगी। सीक्वेंस है 1, 2, 4, 7, 11 और अब नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ रहे हैं क्या होगी इसकी। अब देखो ये एपी नहीं है, ये जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। जरूरी नहीं होता कि सीक्वेंस आपके तीन ही किस्म के होंगे, अब बहुत किस्म की सीक्वेंस है। सीक्वेंस इज जस्ट लाइक पैटर्न, आप कुछ भी पैटर्न बना दो, मैं भी आपको पैटर्न बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं जिसमें मैं 1 से स्टार्ट करता हूं और मैं उस नंबर की पावर 4 करूंगा और उसमें से स्क्वायर माइनस कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, और 1 में से आप 1 का स्क्वायर, मतलब 1 की पावर 4 में से आप 1 का स्क्वायर माइनस करो, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है, माइनस करोगे क्या आएगा 0, तो पहली टर्म 0 आ गई है। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 16 माइनस 4 12, दूसरी टर्म 12। 3 की पावर 4 क्या होता है 81 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 81 माइनस 9 72। कहने का मतलब है सीक्वेंस आपके सामने आई, ये बेसिकली ये सीक्वेंस है n की पावर 4 माइनस n का स्क्वायर। अबे ना एपी ना जीपी, कोई भी आप पैटर्न बना सकते हो ना सीक्वेंस में, जरूरी है ना एपी जीपी होनी चाहिए, कोई भी पैटर्न बना दो आप। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप का कोई रैंडम पैटर्न, अब आपको ढूंढना क्या पैटर्न है इसके अंदर, इतने मुश्किल पैटर्न नहीं होते भाई दादा, ये तो काफी सोच के बनाया मैंने, लेकिन अब इसे पैटर्न ढूंढते हैं। अब भाई मैंने जब देखा था मुझे पैटर्न मिल गया था, अब मैं तो वैसे ही बताऊंगा लेकिन आप तो बैठ कर सोचोगे क्या करना है इसके अंदर। आप देखो 1 के अंदर 1 को ऐड किया हुआ है तो 2 आ गया, 2 के अंदर 2 को ऐड किया हुआ है तो 4 आ गया, 4 के अंदर 3 को ऐड किया 7 आ गया, 7 के अंदर 4 को ऐड किया 11। मतलब यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है ना वो फिक्स नहीं है, मतलब हर दफा 1 ऐड करते जा रहे हो, दैट्स व्हाई एपी नहीं है। मतलब पहले आपने 1 के अंदर 1 को ऐड किया तो ये वाली टर्म आई, फिर इसके अंदर 2 को ऐड करो, फिर इसके अंदर 3 को ऐड करो, फिर 4 को ऐड करो 11। अब इसका अगला क्या होगा, 11 के अंदर किसको ऐड करोगे, 5 को ऐड करोगे, तो अगली टर्म क्या हो जाएगी 16, ठीक है। तो पिछले वाले टर्म में 1 ऐड करो, दूसरी वाली टर्म आ रही है, दूसरी वाली टर्म में 2 ऐड करो तीसरी आ रही है, तीसरी में 3 ऐड करो चौथी आ रही है, चौथी में 4 ऐड करो पांचवी आ रही है, और पांचवी में जब आप 5 ऐड करोगे, पांचवी टर्म ये है, इसमें 5 ऐड करोगे तो छठी टर्म आ जाएगी 16। ये पैटर्न था इसके अंदर। तो ये वाला सवाल यार काफी पूछा जाता है, मैंने देखा काफी दफा, 4a16 तीन नंबर उन्होंने बोल दिया कि जीपी के अंदर है, इसको अब आप सॉल्व करो, ए की वैल्यू निकालो यहाँ पे, और कंडीशन क्या है कि तीनों नंबर जीपी के अंदर है। अब इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट भी लगा के सॉल्व कर सकते हो, और आप इसको सिंपल जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन है ना कि रेशियो सेम रहते हैं वो डेफिनेशन भी लगा सकते हो, दोनों एक ही मेथड है, मतलब उसी मेथड से आपने ज्योमेट्रिक मीन का डिराइव करवाया है, लेकिन आपकी मर्जी आप जिस तरीके से करो। तो मैं रेशियो वाला करवा देता हूँ, वो थोड़ा बच्चों को इजी लगता है कि ये जीपी में ना, तो आपको पता है जीपी में कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम रहता है, तो इन दोनों का रेशियो निकालो, बाद वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहली वाली टर्म, ये बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के, इन दोनों का रेशियो क्या होगा 16/8। जैसे अगर एपी का सवाल होता तो मैं कॉमन डिफरेंस निकालता, ए माइनस 4 बराबर होता 16-A के, शुरू के 2 का डिफरेंस बाद के 2 का डिफरेंस बराबर रखता क्योंकि वो एपी है, जीपी में रेशियो बराबर होता है, तो आपने इन 2 का रेशियो, इन 2 का रेशियो बराबर रख लिया आपस में, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 64, अभी वही ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन बन गई है, लेकिन वो मुश्किल लगती है तो कोई मसला नहीं, इस तरह भी कर सकते हो आप, स्क्वायर रूट लो प्लस माइनस 8 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 3 में आपसे बोला हुआ है इस बात को याद रखो, इसको 2-3 तरीके से पूछी जाती है बात, ये ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, ये बराबर होता है ए अपॉन सी के। हाँ यार, इससे रिलेटेड 2-3 बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है 6.8 से पहले आपको मिल जाएगा, इसको आप कहते हो करेक्टरिस्टिक रिलेशन,
कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन फॉर एचपी, ठीक है। तो उसका कभी नाम भी पूछ लेते हैं कि इसको आप क्या कहते हो, इसको कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन कहते हो। दूसरी बात यह भी पूछी जाती है कि अगर ये वाली चीज इसके बराबर है तो बताओ ए बी सी किस सीक्वेंस में है, तो ए बी सी एचपी के अंदर है। ये आपने वहां पे प्रूफ किया हुआ 6.8 से पहले, अगर ए बी सी एचपी के अंदर है तभी ये वाली पूरी चीज इसके बराबर होती है। ये चीज इन्होंने यहां पे पूछी है, तो एचपी यहां पे राइट ऑप्शन है सी। डी भी लिखी हुई है, एजीपी, एजीपी होती है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में यूट्यूब पर, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक को मल्टीप्लाई करके जो आती है, शॉक होता है गूगल पे सर्च कर लेना इसमें, ये रैंडम ही नहीं एक होती है एक। बहरहाल इसमें तो आंसर क्या है, एचपी है, ऑप्शन नंबर सी। इस बात को तीसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, वो पहला मैंने बताया, दूसरा बताया, तीसरा क्या होगा। फॉर एग्जांपल वो बोले कि इफ ए बी सी आर इन एचपी एंड, नहीं, इफ ए बी सी आर इन एचपी देन ए माइनस बी डिवाइड बाय बी माइनस सी किसके बराबर है। ऑप्शन में लिखा होगा ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ए अपॉन सी, तो ए अपॉन सी राइट हो जाएगा। कौन सी दे देंगे, बोलेंगे वो किसके बराबर है, ऑप्शन में नजर आएगा आपको। तो इसी बात को दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं। अब फोर भी ऐसे ही है, फोर ये टॉपिक है, ये कहां टॉपिक मिलेगा आपको, ये मिलेगा 6.9 से पहले। तीन चीजें ए जी एच, कोई भी दो नंबर है ए और बी, इनके दरमियान आप अरिथमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, हार्मोनिक मीन निकालो, तो उनके दरमियान रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि जी स्क्वायर बराबर होता है ए एच के, ठीक है। अगर आप जरा गौर से देखो ना, तो ये ज्योमेट्रिक की कंडीशन है, तो आप इसको इस तरह भी बोलते हो कि दो नंबर के दरमियान जब आप अरिथमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, हार्मोनिक मीन निकालो, तो ऑब्जर्व करोगे जो सीक्वेंस आ रही होगी वो जीपी होगी। या आप करके भी देख सकते हो, कोई भी दो नंबर पिक करना, उनके दरमियान तीनों चीजें निकालना, आप खुद ही समझ जाओगे वो जीपी आ रही होगी। बट तो इन तीनों मीन्स के दरमियान रिलेशन क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर होता है ए एच के। अब एक तरीका यह है लिखने का, अब दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका इस तरह भी हो सकता है कि आप इसको इस तरह लिख दो, ये भी एक तरीका है भाई, बात तो वही है ना, जी से मल्टीप्लाई होगा जी स्क्वायर इक्वल टू एच हो जाएगा, ये भी तरीका है। अच्छा एक और तरीका भी है, एक और तरीका क्या है कि अगर आप बोलो कि इस ए को उठा के नीचे ले आओ, जी अपॉन ए एच अपॉन जी, अगेन ये भी बात बिल्कुल ठीक है, जी को जी से करो जी स्क्वायर, ए को एच से करो एच, इस तरह भी कर सकते हो। या इनको रेसिप्रोकल कर दो, ए अपॉन जी, जी अपॉन एच, बात अभी भी वही है, जी को जी से करो जी स्क्वायर, एच को ए से करो एच, अगेन जी स्क्वायर एच के बराबर है। तो एक ही चीज को लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है। अब यहां पे कौन सा लिखा है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, जी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक है, जी स्क्वायर इक्वल टू एच, ये यहां पर ठीक है। इसी टाइप का एक और एमसीक्यूज भी था, मैं जरा वो ढूंढ लेता हूँ कहां पे है, यही कंडीशन पूछी हुई थी, शायद मैंने डाला ना हो, वो फिर बोर्ड में नहीं आया होगा ना, मैंने डाला नहीं था, वो किसी और बैच में करवाया होगा, सही है। लेकिन मैंने बता दिए कि डिफरेंट तरीके से बात पूछी जा सकती है। फाइव में लिखा हुआ हार्मोनिक मीन, किसी भी दो नंबर के दरमियान हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल दो नंबर है ए और बी, तो हार्मोनिक मीन होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए बी। यहां पर दो नंबर पी क्यू है, तो सेम यही फॉर्मूला होगा इसका, ऑप्शन नंबर मैंने उल्टा लिख दिया, अच्छा नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, इस तरह होता है टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो अगर दो नंबर पी और क्यू है तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, टू पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। सिक्स में लिखा हुआ है सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, सबसे पहली बात इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, लेकिन इसमें शर्त होती है कि आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन होनी चाहिए। इन सिंपल लैंग्वेज आर जो है वो माइनस वन और वन के दरमियान होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में, मतलब R अगर 0.5 है आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 0.9 है आप यूज कर सकते हो, माइनस 0.8 है आप यूज कर सकते हो, अगर R 1.5 है ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। R अगर 1 और माइनस 1 के दरमियान है तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो सबसे पहली बात। अब यहां पे अगर आप देखो जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है 1/2, 1/4, 1/8, तो सबसे पहली बात फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है, ए यहां पे 1/2 है, कॉमन रेशियो क्या है यहां पे निकाल के देख लेते हैं, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो कॉमन रेशियो यहां पे आ रहा है 1/2। आप इन दो के दरमियान भी रेशियो निकाल लो, 1/2 आ रहा है, तो पहली बात एक तो जीपी है ये, दूसरी बात कॉमन रेशियो क्या है 1/2 है, तो यहां पे ए भी 1/2 है, आर भी 1/2 है, सिंस 1/2 इस रेंज के अंदर आता है, इसका मतलब सम पॉसिबल है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दो
a की जगह पे 1/2, 1 माइनस आर, आर की जगह पे 1/2, ऊपर 1/2, नीचे भी 1/2 हो जाएगा, आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। सभी में लिखा हुआ अगर तीन नंबर एपी के अंदर है तो दरमियान वाला नंबर मीन होगा, मतलब बी स्क्वायर मीन है। और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दो नंबर को ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको 6.3 के अंदर मिल जाएगा टॉपिक। हाँ, 8 में लिखा हुआ है अगेन वही चीज जो यहां पे लिखी हुई थी भाई, कि तीन नंबर है जीपी के अंदर 3g27, तो वही काम करो, आपको जी निकालना है। कैसे निकालोगे, जी अपॉन 327 अपॉन जी, तो जी को जी से करो, जी स्क्वायर 3 को 27 से करो 81, स्क्वायर रूट लो प्लस माइनस, 81 का रूट होता है 9, तो आ जाएगा प्लस माइनस 9, ऑप्शन नंबर सी। 9 में आपको बोला हुआ है हार्मोनिक मीन निकालो, तो हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर डिवाइडेड बाय पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। इसको आप अरिथमेटिक मीन वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, थ्योरी में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन ये छोटा सा है, इसको यूज कर लो, क्या चला जाएगा। अभी पूरी चीज मेरे निकालने से कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हो, मैनुअली अगर निकालना चाह रहे हो वो भी निकाल सकते हो, बहुत दफा मैंने कैलकुलेशन डिस्कस की हुई है इनकी, कैलकुलेटर में निकाल लो आसानी हो जाएगी। या तो 11/4 आ रहा होगा या 4/11 आ रहा होगा, मुझे यही याद पड़ रहा है, तो देख लेना क्या आ रहा है इसमें से। 10 में लिखा हुआ ज्योमेट्रिक मीन निकालो 2 और 8 का। भाई ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, किसी भी दो नंबर के दरमियान अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ये ज्योमेट्रिक मीन होती है। ज्योमेट्रिक मीन हमेशा दो आती है, डिस्कस किया हुआ मैंने, तो यहाँ पे ए क्या है, मतलब पहला नंबर यहाँ पे क्या है, पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ 2 और दूसरा नंबर यहाँ पे 8 है, तो 2 और 8 की आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है, तो ए बी की जगह आप पुट कर दो 2 और 8, 2 8 का क्या होता है 16, 16 का जब आप रूट लोगे तो 4 आएगा, उसका मतलब दो ज्योमेट्रिक मीन आई है, एक 4 और एक माइनस 4, ऑप्शन नंबर डी। 11 में तीन नंबर एपी के अंदर है, आप 1x-1 3, ये एपी के अंदर है, तो आपको पता है जब तीन नंबर एपी के अंदर होते हैं यहाँ पे आप अरिथमेटिक मीन की कंडीशन भी लगा सकते हो, कैसे, और डिफरेंस वाइज भी लगा सकते हो। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे, आपको पता है दरमियान वाला नंबर अरिथमेटिक मीन है, किसका, बाकी दो नंबर का, तो 1 और 3 का अरिथमेटिक मीन निकालो, ये होगा 1 और 3 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 1+3 डिवाइड बाय 2, और आपको पता है दरमियान वाला नंबर अरिथमेटिक मीन होता है, इसका मतलब x-1 अरिथमेटिक मीन है। 1+3 4, 4/2 2, तो x-1 2 के बराबर है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, या आप इस तरह कर लो कि यार डिफरेंस सेम रहेगा, x-1 -1 ये बराबर होगा 3 माइनस, मतलब इन दो का डिफरेंस बराबर होगा इन दो के डिफरेंस से, तो अभी भी आप देखोगे आंसर आपके पास सेम ही आ रहा होगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6, अभी भी x 3 आ रहा है, एक ही बात दोनों तरीके से आप कर सकते हो। 12 में आपको a दे दिया, r 2/3 दे दिया, और लिखा हुआ है s इंफिनिटी, मतलब ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका आपको सम निकालना है, तो अगेन ये फॉर्मूला यूज करोगे, a 2 पुट करना, r 2/3 पुट करना, आंसर आ जाएगा क्या आएगा, 9 आएगा मेरे ख्याल में, 1/3 ऊपर हाँ 9 आ रहा होगा इसके अंदर। 13 में अगेन वही चीज कि आपके पास लिखा हुआ है 1x²(6-x²) और बोला गया जीपी के अंदर है, अगेन शुरू की 2 का कॉमन रेशो और बाकी की 2 का कॉमन रेशो, ठीक है, सॉल्व करो, ये हो जाएगा x4 और ये हो जाएगा 6-x², x4+x²-6, मतलब इस तरफ क्या होना। अभी देखो 4 डिग्री की इक्वेशन है, लेकिन यहां पे 4 आंसर आ रहे होंगे, अब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे और कैलकुलेटर में तो आप 4th डिग्री की इक्वेशन की पेपर का सवाल है, कैलकुलेटर में 4th डिग्री की इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते, कितने ऐसे कैलकुलेटर हैं जिसमें 4th डिग्री की इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, आप मैनुअली सॉल्व करोगे, मिडिल टर्म ब्रेक करोगे यहां पे इस तरीके से, क्या करोगे x4+3x²-2x²-6, शुरू में 2x² कॉमन लो, ये हो जाएगा x²+3, -2 कॉमन लो x²+3, तो एक होगा x²-2, एक फैक्टर ये बनेगा, एक फैक्टर बनेगा x²+3, देखो x²+3 ये तो इमेजिनरी हो जाएगा ना, वो डिस्कस करते हैं लेकिन आप लोगों की बुक में इतना डिस्कस नहीं किया इमेजिनरी वाले कॉन्सेप्ट को, तो इसको स्किप कर दो, x²-2 कंसीडर करो, तो x²-2 0 के बराबर होगा, x की वैल्यू आ जाएगी +-√2, सॉल्व करोगे ना तो +-√2 आ जाएगी, और दो प्लस भी, प्लस रूट टू भी ठीक है, -√2 भी ठीक है यहाँ पे,
तो यहाँ पे प्लस रूट टू लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक होगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये कि आप इसको बैक सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आप पुट करो ना, मतलब ऑप्शन पुट करो इक्वेशन में जो लिखी हुई है, जो सीक्वेंस गिवन है, और देखो क्या वो ऑप्शन पुट करने के बाद जो मैट्रिक बन रही है या नहीं बन रही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टू पुट करते हो तो आपके पास सीक्वेंस ये बनेगी 1 4 2, भाई 1 4 2 कोई भी जीपी नहीं होती। फिर आप 4 पुट करो, बनेगी 1 16 और माइनस कुछ आ रही होगी -10, अगेन ये भी जीपी नहीं है। फिर आप 8 पुट करो, 1 8 का स्क्वायर 64, 6 माइनस 64, अगेन अजीब सी जीपी बन जाएगी। लेकिन अगर आप रूट 2 पुट करोगे तो जीपी आएगी। 1 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 1 2, और रूट 2 का स्क्वायर 2, 6 माइनस 2 4 होता है, तो 1 2 4, ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशो 2 है। ठीक है बच्चों, तो बैक सॉल्व भी करके आप कर सकते हो। 14 में आपको बोला गया, आपको एक एपी दे दिए और आपको बोला गया यार इस एपी की आप 15वीं टर्म निकालो, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। जनरल टर्म आप यहां पे यूज करो, एपी की पहली टर्म यहां पे -15 है, कॉमन डिफरेंस निकालो -22 -15, तो कॉमन रेशो आ रहा होगा -7, और 15वीं टर्म निकालनी है n15 है, तो भाई आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, a+n-1d, जनरल फॉर्मूला ही होता है एपी के अंदर। तो a माइनस 15 है, 15 n है, 15 माइनस 1 14, और कॉमन डिफरेंस -7 है, तो 14 माइनस 7 क्या होता है बच्चों? 70 और 98, 98 में माइनस 15 करो, -113 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 15 में आपसे बोला हुआ ये प्रोग्रेशन क्या है, ये प्रोग्रेशन जीपी है, हर नंबर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जीपी ऑप्शन नंबर बी। 16 अगेन यार ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक का है, किस तरीके से आप करोगे, लिखा हुआ है अगर आप ऑब्जर्व करो ना तो बेस में 9 लिखा हुआ है, तो आपको पता है जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप पावर्स को ऐड कर देते हो आपस में, तो सबकी बेस देखो 9 9 9 है, तो पावर को ऐड कर दो आप, तो पावर क्या है 1/3, दूसरे की 1/9, फिर 1/27, और ये पैटर्न चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसका आंसर आपको बताना है। बाय द वे टॉपिक है 6.6 का, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अलग 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 9 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, मुझे पता है बेसिस सेम है, तो मैंने एक ही 9 लिखा और पावर सबकी आपस में ऐड कर दी है, और ये बात आपने इनफाइनाइट तक लेके जानी है, ठीक है, और फिर आंसर बताना है, मतलब 9 की पावर अगर ये होगी तो आंसर क्या आ रहा होगा। अब इसको करने का सिंपल तरीका क्या है जो आपने 6.6 में भी अप्लाई किया है, अगर आप देखो पावर में एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है और उसका फॉर्मूला आपको पता है। अगर आप देखो ये जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें a जो है 1/3 है पहली टर्म, और अगर आप कॉमन रेशियो निकाल रहे देखना वो भी 1/3 आ रहा है, क्योंकि हर टर्म को 1/3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो कॉमन रेशियो भी यहाँ पे क्या है 1/3। तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का, a की जगह 1/3 पुट करो, r की जगह पे आप 1/3 पुट करो, 1 माइनस 1/3 ये हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल करो, 1/2 आंसर आ रहा है। तो ये जो पूरी सीरीज लिखी हुई है ना, इस पूरी सीरीज का सम क्या है 1/2 के बराबर है, और आपको पता है 9 की पावर 1/2 क्या होगा 3 के बराबर होगा, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ना, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 के बराबर। मजीद आप 6.6 देखोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। 17 में बोला हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आप देखो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक है, ये सम का फॉर्मूला होता है। 18 में लिखा हुआ नो टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती, अरिथमेटिक ही हो सकती है लेकिन ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक की जीरो नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सी। 19 में लिखा हुआ व्हेन 3 टर्म्स आर इन एपी देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। 20 में लिखा हुआ व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 125, तो वैसे आप मैनुअली भी कर सकते हो, 5 का टेबल चल रहा है, 5 10s are 50, 5 20s are 100, 5 25s are 125, तो जो 125 है वो 25वीं टर्म है अगर आप इस पूरी 5 टेबल को देखे जाओ। और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, 125 को आप tn कंसीडर करो, a को 5 कंसीडर करो, और कॉमन डिफरेंस को 5 कंसीडर करो, और n की वैल्यू निकालो, देखना n की वैल्यू 25 ही आ रही होगी, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 21 में लिखा हुआ था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, यानी एक अरिथमेटिक सीरीज बनेगी, चैप्टर 8 में मैंने डिस्कस की भी है ये, 1+2+3+2, ये सब नेचुरल नंबर है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला किस तरीके से आप निकालते हो, सिंपल जो अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक सीरीज का, n/2 2a+n-1d, ये फॉर्मूला होता है। तो
ये भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, ए प्लस एल वाला, मतलब इसमें लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इसमें एन कंसीडर कर लेना, क्योंकि जो एनथ टर्म होगी वो एन ही होगी, 25वीं टर्म 25 होगी इसकी, 100 टर्म 100 ही होगी इसकी, जब पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है, तो 100वीं टर्म क्या होगी, 100 होगी, तो जो लास्ट टर्म होगी वो एन ही होगी यहाँ पे, ठीक है, उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह भी कर सकते हो, यहाँ पे ए की जगह 1 पुट करना, यहाँ पे डी की जगह 1 पुट करना, कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, तब इसको सॉल्व करोगे ना ये फॉर्मूला आ रहा होगा, अभी सॉल्व करना तो मुश्किल नहीं है, देख लेना, एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई एन प्लस 1 आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो यहाँ पे ठीक है। अरे 22 में चीज पूछी हुई है, ये भी 6.9 के टॉपिक है, तो ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ साथ साथ। 6.9 में जो ए जी एच है ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनको कंपेयर कर रहा है, तो याद रखना हमेशा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक से, जो कि ग्रेटर होता है हार्मोनिक से, उस वक्त जब जो आपने दो नंबर पिक किए ना ए और बी, जिनके दरमियान अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक निकाल रहे होंगे, वो दोनों नंबर पॉजिटिव अगर हो तब ये कंडीशन होती है। और एक और किसके अंदर होती है कि आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन दो होती है ना, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन होती है, तो अगर पॉजिटिव वाली ज्योमेट्रिक मीन पिक करो और ए और बी दोनों नंबर पॉजिटिव हो, तब रिलेशन क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होती है ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक ग्रेटर होती है हार्मोनिक से। अगर आपने जो दो नंबर के दरमियान मीन निकाल रहे हो वो दो नंबर नेगेटिव है और जो ज्योमेट्रिक मीन आपने पिक किया है वो भी नेगेटिव है, तो फिर रिलेशन ये हो जाता है उल्टा होता है। अब सवाल में देखो उन्होंने आगे मेंशन कर दिया है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, जी के बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब इनके बारे में बता दिया तो समझ जाओ पहली वाली कंडीशन पूछी गई है कि जब ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर ये वाला रिलेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक है। 23 में बोला गया सीक्वेंस सेट टू बी डैश सीक्वेंस इफ द रेसिप्रोकल ऑफ स्टर्म आर अरिथमेटिक, ये डेफिनेशन पूरी हार्मोनिक की होती है कि किसी भी सीक्वेंस को आप हार्मोनिक उस वक्त बोलोगे जब उसका रेसिप्रोकल एपी के अंदर मौजूद हो, तो ऑप्शन नंबर डी हार्मोनिक। 24 में बोला गया अगर तीन नंबर जीपी के अंदर है, जब भी आप तीन नंबर जीपी के अंदर रेट करते हो ना तो आप ए अपॉन आर ए और ए आर ये रेट करते हो, ये आई गेस 3.4 का टॉपिक है, नहीं मीन के अंदर ये तो 3.7 का होगा, 3.4 का होगा देख लेना जाके, 3.7 का ही है शायद ये, तो वहां पे जाके डिटेल में बात डिस्कस की हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे ठीक है। 25 में बोला गया ओनली कन्वर्जेंट इन्फिनिट ज्योमेट्रिक, देखो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ना मतलब वो इनफाइनाइट तक जारी होती है, सिर्फ जो कन्वर्जेंट इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है ना उनका सम पॉसिबल है। अब इन कन्वर्जेंट इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या सीरीज आप कुछ भी बोल दो वो कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं जिनमें कॉमन रेशो 1 और -1 के दरमियान होता है, तो उनको आप बोलते हो कन्वर्जेंट इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो सिर्फ उन्हीं के सम पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना सम वो यहाँ पे ठीक होगा। ये मैंने अपनी तरफ से डाले में मजीद कॉन्सेप्ट है, बोर्ड में नहीं आए लेकिन कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। 26 में एक सीक्वेंस दी हुई है, आपसे पूछा हुआ है कि सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है, कैसे 4 को आपने मल्टीप्लाई किया है 3/4 से तो आंसर 3 आ रहा है, 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे 3/4 से तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, तो नेक्स्ट टर्म देखो 3 आ रही है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो 3/4 से तो 9/4 नेक्स्ट टर्म आ रही है। मैं वैसे इस तरह जीपी को चेक कर रहा होता हूं, आप लोग चेक किस तरह करते हो रेशियो निकाले करते हो, उस तरह भी कर लो, 3 अब दूसरी टर्म है 3 पहली टर्म है 4 तो रेशियो क्या आ रहा है 3/4, यही रेशियो बाकी दो में भी आ रहा है, मतलब 9/4 को जब 3 से डिवाइड करोगे ना 3 1 3 3 3 9 अभी भी रेशियो 3/4 आ रहा है, तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो ज्योमेट्रिक है ये। और आखिरी 27 है उसमें लिखा हुआ है कि इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज वैलिड कब होती है, वही बात जो मैंने बहुत दफा बताई है आपको कि जो फॉर्मूला है ना इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का, ये फॉर्मूला उसी वक्त वैलिड है जब आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो। इस तरह भी लिख सकते हो जैसे मैंने बताया था ना, एक तो लिखने का तरीका ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, या दूसरा तरीका क्या है कि आर 1 और -1 के दरमियान होना चाहिए, अब जो भी कंडीशन पूछ ली जाए वो ठीक कर लेना। यहां पे मॉडुलस वाली पूछी गई है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 बच्चों स्टार्ट करते हैं, लाइट गई भी है तो जनरेटर ऑन है, एसी चल नहीं सकता, वीडियो बनाना बड़ा जरूरी है, और अगर पसीना आए तो अब देखना पड़ेगा आप लोगों को ऐसी, क्योंकि मेरे पास कोई और दिन नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट चल रहा है, तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अगेन यार वही बात, जो बोल्ड एमसीक्यूज हुए हैं इसका मतलब ये है कि वो पेपर में आ चुके हैं, जो बाकी हैं मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। परमोटेशन के इसी तरह जो चैप्टर नंबर 8 है बहुत इजी इजी है, वैसे चैप्टर मुश्किल है लेकिन इनके एमसीक्यूज जो आते हैं वो एग्जाम में बहुत इजी इजी आते हैं। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना मुझे, सही है। अच्छा
देखो सबसे पहले एमसीक्यू लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ 5p3। यार आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में 5p3 आसानी से निकाल सकते हो। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोड है हाउ टू यूज कैलकुलेटर, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है, चैप्टर वाइज मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है कि हर चैप्टर में क्या चीज आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। तो चैप्टर नंबर 7 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन आसानी से आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो 5p3 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 डिवाइड बाय 2 60। 2 में लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ 13c11, ये भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। और अगर मैनुअल निकालना चाह रहे हो तो होगा 13 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना वो अप्लाई कर दो आप। नेक्स्ट में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए जो है ना उसमें लिखा हुआ है। हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 3 में। एमसीक्यू नंबर 4 में यार वही फैक्टोरियल की चीज लिखी हुई है। मैंने आपको बताया जो बड़ा फैक्टोरियल होता है आपने उसको एक्सपेंड करना होता है। तो बड़ा है n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1, फिर इससे छोटा होगा n, फिर होगा n माइनस 1। लेकिन आपने वहां तक नहीं जाना, आपने n तक ही जाना है। तो आप रुक जाओ यहीं पे। अब ये चीज कैसे आई, कहां से आई, अगेन मैंने चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में बातें सब डिस्कस की हुई है। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप इस तरह लिख सकते हो, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। 5 में लिखा हुआ इफ अ बैलेंस डाई इज रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। देखो जब भी आप एक डाई को रोल करते हो तो टोटल कितने आउटकम आते हैं, टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, करते करते 6 आउटकम आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के डिनोमिनेटर में आप लिखते हो कि कितने आउटकम आ सकते हैं, 6। उसके बाद जो इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि गेटिंग 4 आना, 4 एक ही तरीके से आ सकता है, ये तो नहीं 4 आने के 4 तरीके हैं, नहीं। जैसे अगर यहां पे होता इवन नंबर आने के, तो इवन नंबर आने के 3 तरीके थे, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन 4 आने का एक ही तरीका है, तो आप लिखोगे 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। इसी तरीके से एग्जाम में आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, सेम ही रहेगी सबकी। क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जैक्टली चीज है, बस उल्टा किया हुआ है, ये चीज देखिए। तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा भाई, आपने एक्सपेंड बड़े वाले फैक्टोरियल को करना पड़ता है। तो n प्लस 1 को एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा, अब कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा 1/(n+1), ऑप्शन नंबर बी। 7 में आपसे परमुटेशन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो इतने बच्चों वाले आए होते हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक है। 8 में आपसे बोला हुआ है अगेन ये वाली चीज है, और इसमें उन्होंने बोला है कि आप पुट करो n इक्वल टू 0। तो जब यहां पे आप 0 पुट करोगे, 0+1 1 होता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। यहां पे 0 पुट करो, ये होगा 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1/(1) 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। 9 में आपको बोला है कि n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस 1, फिर होगा n, फिर होगा n माइनस 1, और यहां पे रुक जाओ, रुक गए तो फैक्टोरियल लगा दो। रुके इसलिए थे क्योंकि नीचे n माइनस 1 आ गया था, मतलब नीचे n माइनस 1 ऑलरेडी मौजूद था, तो आप यहां से कैंसिल कर दो, पीछे बचेगा n मल्टीप्लाई n प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। 10 में बोला मैं वैल्यू ऑफ 5 3 2, ये जो चीज है ना ये बच्चों परमुटेशन है, और जो मैंने परमुटेशन आप लोगों करवाई हुई है उसमें रूल 2 था ये, ठीक है, कि जब आपके पास 5 चीजें लेकिन उसमें से 3 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, तो इस चीज को आप फैक्टोरियल के फॉर्म में इस तरह लिखते हो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से आप लिख रहे हो। और ये चीज आप निकाल लो, बेशक 5 फैक्टोरियल होता है 120, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 120 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर 10 आ जाएगा। 11 में लिखा हुआ इफ अ बैलेंस डाई इज रोल्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5। अगेन वही चीज है, डिनोमिनेटर 6 ही होगा क्योंकि जब डाई रोल होती है 6 आउटकम आ सकते हैं। अब जो इवेंट इन्होंने डिस्कस किया ना वो है 2 आना या 4 आना। 2 एक तरीके से आ सकता है, 5 एक तरीके से आ सकता है। तो जब आप डाई फेंकोगे ना तो 2 ऐसे आउटकम है जिसमें या तो 2 होगा या 5 होगा। आपने डाई फेंकी 2 आ गया, आपने डाई फेंकी 5 आ गया, बाकी जो 4 आउटकम है वो हमें फेवर नहीं कर रहे। 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, वो हमें फेवर नहीं कर रहे। हमें कौन से फेवर कर रहे हैं, कि आपने डाई फेंकी आपके पास 2 आ गया, ठीक है, आपने डाई फेंकी आपके पास 5 आ गया, वो भी ठीक है। तो हमें जो हमारा जो इवेंट है ना उसको 2 केस फेवर कर रहे हैं। तो ऊपर आप लिखोगे 2, न्यूमरेटर में आप वो लिखते हो कि जो केस हमें फेवर कर रहे हैं, मतलब जो इवेंट डिस्कस, फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए इवन नंबर आना, अब इवन नंबर ये जो इवेंट है इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं। आपने डाई फेंका 2 आ गया तो ये हमारे केस को फेवर कर रहा है, 2 एक इवन नंबर है। आपने डाई फेंका 4 आ गया, 4 भी इवन नंबर है। आपने डाई फेंका 6 आ गया, 6 भी इवन नंबर है। इसका मतलब हमारे इवेंट को 3 केस फेवर कर रहे होंगे। तो आप न्यूमरेटर में 3 लिख दोगे, डिवाइड बाय 6 कर दोगे,
खैर इस वाले सिचुएशन में आंसर हो जाएगा 1/3। अच्छा आप लोगों के लिए तो एक ट्रांजिशन हो रही है ना, ये आप ये समझ लो कि लाइट ने मुझे इतना तंग किया है कि मैं पहली दफा चैप्टर 3 बनाया, चैप्टर 3 तक बनाया लाइट चली गई, फिर दोबारा लाइट आई, 1 घंटा जाया करने के बाद दोबारा लाइट आई, फिर चैप्टर 6 तक बनाया, मुझे अपनी क्लास थी जाना था, फिर रात में मैंने कहा बनाता हूँ, लाइट चली गई, मैंने कहा जनरेटर में करता हूँ, फिर जनरेटर में 7 चैप्टर बनाने लगा, 10 MCQs ही बनाए थे, जनरेटर किसी वजह से बंद करना पड़ गया, फिर मैंने कहा लाइट आ जाएगी, 1 घंटा नहीं 2.5 घंटे बाद लाइट आई है, और टाइम ही 11:30 रात के बज गए, मैं क्या 11:30 बजे बना, सुबह फजर निकल जाएगी, अब मैं फजर पढ़ने के बाद ये बना रहा हूँ। तो ये 2-3 घंटे की वीडियो थी जो कि इतना देर बाद बना बना के, कभी इस टाइम टाइम जाया हो रहा है, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, इस मुल्क में आप काम नहीं कर सकते, बड़ा मसला है। ऊपर से अभी नेट भी खराब हुआ है, ये तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को, अभी ये 8-9 GB की फाइल जो है, ऑलमोस्ट 10 GB की फाइल होगी, 1080p में मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट 10 GB की फाइल है ये, और नेट नहीं चल रहा, PTCL का है, वैसे PTCL का बड़ा अच्छा नेट है लेकिन नहीं चल रहा आजकल, तो अब पता नहीं अल्लाह मालिक है क्या होगा। पर सुबह सुबह का वक्त है, सोया सोया सा मैं लग रहा होगा थोड़ा, लेकिन थोड़ा काम चला लो। 12वें MCQ में लिखा हुआ था, 11 हमने कर लिए थे, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल। देखो यार गर्ल्स को हम हटा देते हैं, मैं एक ही दफा में आपको क्लियर कर देता हूँ, 7 चीजें हैं ये समझ लो आप। अब 7 चीजों को अगर आप में रॉ के अंदर अरेंज करना होता है, ठीक है, जैसे आप नंबर्स को अरेंज करते थे ना, फॉर एग्जांपल अल्फाबेट को अरेंज करते, मेरा नाम है 7, इसको अरेंज करना है, तो रॉ फॉर्म होती है ना पूरी, SAD रॉ की फॉर्म में मेरा नाम लिखा हुआ होता है पूरा, कोई भी नाम अगर लिखा हुआ है तो ये एज अ रॉ की फॉर्म में लिखा हुआ पूरा, सर्कल तो नहीं बना रहे ना आप, सर्कल में तो नहीं है ना, क्योंकि रॉ की फॉर्म में, तो किसी भी चीज को अगर आपने रॉ की फॉर्म में अरेंज करना है तो उसके कितने तरीके होते हैं, अगर 7 चीजें हैं और रॉ की फॉर्म में अरेंज करना है तो 7 factorial, सिंपल इसका आंसर है। दूसरी बात, अगर 7 चीजों को आपने टेबल के अराउंड अरेंज करना है तो 6 factorial, 7 चीजें हैं टेबल के अराउंड अरेंज करना है 6 factorial, फॉर एग्जाम्पल 10 चीजें हैं, 10 चीजों को टेबल के अराउंड अरेंज करना है 9 factorial, तो जैसे यहां पे लिखा होता है ना 7 गर्ल्स है टेबल के अराउंड अरेंज करना है, तो 6 factorial इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। और एक तीसरी चीज होती है कि फॉर एग्जांपल 7 चीजें हैं और उनको आपने नेकलेस के अराउंड अरेंज करना है, ज्यादातर वर्ड नेकलेस यूज होता है लेकिन आप एक वर्ड गार्लैंड भी यूज होता है, GARLAND गार्लैंड भी यूज हो सकता है, नेकलेस भी यूज हो सकता है, और मैंने इसकी मॉडर्न फॉर्म बताई थी तस्बीह भी यूज हो सकता है, तस्बीह भी ऐसा वही चीज है जो नेकलेस और गाल उसका काम होता है, कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो हेडिंग है वो नेकलेस के नाम से आती है, बाकी वर्ड भी मैंने आपको बता दिए। तो अगर उन 7 चीजों को इन नेकलेस और इन चीजों के अराउंड अरेंज करना तो फिर क्या होगा, 7-1 6 factorial, 6 को डिवाइड कर दोगे आप 2 से, तो ये नेकलेस का केस बन जाएगा। थ्योरी में डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं, रीजन इनकी बताई हुई है, लेकिन मैंने तीनों केस आपको बता दिए। अब मैं कोई और एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9 लोग हैं या 9 चीजें हैं, रॉ के अराउंड अरेंज करना है 9 factorial, टेबल के अराउंड अरेंज करना है 8 factorial, नेकलेस के अराउंड अरेंज करना है 8 factorial डिवाइडेड बाय 2। ये तीनों केस मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी, इनके जनरल फॉर्म भी होते हैं, इसकी जनरल फॉर्म होती है n factorial, इसकी जनरल फॉर्म होती है n-1 factorial, इसकी जनरल फॉर्म होती है n-1 factorial डिवाइडेड बाय 2। अब जो भी MCQs आए आप लोग देख लेना इस तरीके से। 13 में लिखा हुआ है, अ कॉइन इज ट्वाइस थ्राइस, 3 दफा आपने कॉइन को टॉस किया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 tail। सबसे पहली बात ये कि जब आप 3 कॉइन को टॉस करते हो तो आउटकम क्या आ सकते हैं, अगेन मैंने डिस्कस की है बातें। देखो पहला कॉइन जब टॉस होता है तो 2 आउटकम आ सकते हैं, दूसरा टॉस होगा 2 आउटकम, तीसरा टॉस होगा 2 आउटकम, प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाओ ये हो जाएगा 8, टोटल आउटकम 8 आ सकते हैं। लिस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं बना सकते हो, हेड हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, इसके मजीद 2 और केस होंगे, हेड हेड टेल या टेल हेड हेड, फिर 2 टेल 1 हेड के साथ 3 केस बना लो, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, फिर आखिरी क्या होगा टेल टेल टेल, तो ये 8 मैंने बल्कि आप उनको बता ही दिए। तो टोटल 8 आउटकम होते हैं जब आप 3 कॉइन को टॉस करते हो, 2 कॉइन को टॉस करते हो तो 4 आउटकम होते हैं, और 1 कॉइन को टॉस करोगे तो 2 ही आउटकम हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने में सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 8 आएगा, टोटल आउटकम 8 है। अब जो इवेंट आपको उन्होंने बोला हुआ उसके बारे में देखो, आपको बोला हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 tail, 3 tail एक ही तरीके से आ सकता है, अगर आप उन 8 आउटकम में देखोगे ना तो एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें 3 tail है। हाँ अगर ये बात बोलते हैं कि 2 tail 1 head, तो उन आउटकम में 3 ऐसे आउटकम है जिसमें 2 tail 1 head आ रहा है, तो आप फिर 3 लिखते हो ऊपर, लेकिन टेल 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 3 tail आना
एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें तीन टिल आ रहे हैं, तो ऊपर आप क्या लिखोगे? वन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। मजीद अगर आपने सॉल्व करना है तो ये 7.4 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, वो एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डाई है और वो कॉइन है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा रहे होते हैं। तो मजीद अगर आपने केसेस समझने हैं तो आप 7.4 के शुरू के 1-2-3 क्वेश्चन कर लो, एमसीक्यूज के लिए वही इंपॉर्टेंट होते हैं। 14 में लिखा हुआ था नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड। आपके पास एक वर्ड है, आपने उसको अरेंज करना है। परमुटेशन मतलब अरेंज करना है आपने, और वर्ड क्या है? कमिटी, COMMITEE, यही है ना, कमिटी। हाँ, तो अरेंज करना किस तरीके से आप अरेंज करते हो? सबसे पहले आप देखो टोटल लेटर कितने, 3, 3, 3, टोटल 9 लेटर है, तो 9 factorial। अब अगर तो ये सब डिफरेंट होते हैं तो 9 factorial ही आंसर होता। अभी मैंने बताया था रॉ में अरेंज करने के कितने तरीके होते, जितनी चीजें उतना फैक्टोरियल, लेकिन यहां पे जितनी चीजें है ना वो अलग अलग नहीं है सब, ये जो है डिफरेंट का केस होता है ना कि सात चीजें डिफरेंट हो। यहाँ पे जो लिखे हुए ना 9 letters वो डिफरेंट नहीं है आपस में, उसमें से कितने सेम है, तो अब आपको कंपनसेशन करनी पड़ेगी। क्या करोगे आप? आप देखो कि एम कितनी दफा आ रहा है, एम 2 दफा आ रहा है तो 2 factorial। अच्छा ओ एक ही दफा है ना, हाँ अच्छा। टी कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा तो 2 factorial। ई कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा तो 2 factorial। ये टोटल अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है। और ये उन्होंने सॉल्व भी किया हुआ। अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखो तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ब्रैकेट की फॉर्म में किस तरह लिखोगे? 9222। यहां मैंने करवाया था ना एक सवाल 532 वाला, तो इस तरह भी लिखोगे तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ पे 15 में बोला हुआ 0 factorial की वैल्यू 1। 16 में बोला हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन। यार जब भी आप एक सिंगल कॉइन को मतलब एक ही कॉइन को टॉस कर रहे हो तो 2 आउटकम आ सकते हैं, हेड या टेल, दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। आप कॉइन जब टॉस करते हो तो 50% चांस होता है आपके पास हेड आए, 50% चांस होता है आपके पास टेल आए। तो इन्होंने पूछा है ना कि हेड आने के कितने चांस है, हेड आने के 50% चांस है एक कॉइन टॉस जब करोगे। इसी तरह अगर बोलते टेल आने के कितने चांस है तो उसमें भी आंसर क्या होता है? 50%, ठीक है। 50% को फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिखोगे? 1/2, ऑप्शन नंबर बी। 17 में लिखा हुआ इफ अ डाई एंड अ कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, डाई भी फेंका आपने और कॉइन भी टॉस किया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 हेड आए, कैसे आएंगे 2 हेड? एक आपने कॉइन टॉस किए, मैक्सिमम क्या होगा? हेड आ गया। दूसरा आपने डाई फेंका है, डाई पे हेड कैसे आएगा? डाई पे तो हेड नहीं आ सकता। तो अगर आप एक कॉइन टॉस करो और एक डाई फेंको तो 2 हेड तो आ नहीं सकते। मैक्सिमम क्या हो सकता है? एक हेड आ जाए और डाई पे 1, 2, 3 कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 हेड नहीं आ सकते अनलेस कि आप दूसरी दफा कॉइन टॉस करो। ये ऐसी कंडीशन नहीं है, उन्होंने बोला कि डाई और कॉइन को साइमल्टेनियसली आपने टॉस किया, एक ही दफा की बात की जा रही है। तो भाई एक ही दफा जब आपने डाई फेंका और कॉइन फेंका तो हेड एक ही आएगा, हेड दो नहीं, मैक्सिमम हेड एक आएगा, माने टेल भी आ सकता है। मैक्सिमम बात बताओ ना तो एक दफा हेड आ सकता है, 2 दफा नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है कि यार ये जो इवेंट है ना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप डाई फेंको कॉइन फेंको और आपके पास 2 हेड है। हाँ, अगर 2 कॉइन फेंके होते तब आप कह सकते हो हेड आ सकता है यार, हेड। अगर 2 कॉइन फेंको ना तो 4 आउटकम होते हैं, उसमें से एक आउटकम होता है जिसमें 2 हेड आ रहे होते हैं, फिर आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं 1/4। लेकिन एक डाई एक कॉइन फेंका तो 2 हेड नहीं आ सकते, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 18 में बोला हुआ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग एन पर्सन अराउंड टेबल, ये मेरे ख्याल में 2021 का सवाल है। अब देखो कोई नई चीज नहीं थी, ये वाला फॉर्मूला है, जवाब दो क्या? टेबल के राउंड बिठाने के कितने तरीके? n-1 factorial, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। 19 से लेके 23 तक मैंने अपनी तरफ डाले, मैं बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। 19 में लिखा हुआ हाउ मेनी नेचुरल नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड इफ द गिवन डिजिट, आपको गिवन है, नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस इन ईच नंबर। बहुत बेसिक का सवाल है, 7.1, 7.2 में ऐसे आपको सवाल नजर आएंगे। आपके पास डिजिट है 2, 3, 5, 0, आपने 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है, ठीक है। 4 डिजिट के नेचुरल नंबर बनाने और इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सबसे पहली प्लेस पे आप कितने नेचुरल नंबर पुट कर सकते हो? बेटा 0 नहीं पुट कर सकते। अगर 0 पहली प्लेस पे पुट कर दोगे वो 3 डिजिट का नेचुरल नंबर बन जाएगा, तो 0 पहली प्लेस पे नहीं आ सकता। इसका मतलब पहली प्लेस पे कोई भी 3 आ सकते हैं इनमें से। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। अब सेकेंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? एक तो 3, 5 है और 0 भी अब आप शामिल करो, क्योंकि 0 सेकंड थर्ड फोर्थ पे तो पुट कर सकते हो ना, पहले भी नहीं पुट कर सकते। तो सेकंड प्लेस के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल 0 पुट कर दिया आपने,
अब थर्ड प्लेस के लिए दो ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल 5 पुट कर दिया, आखिरी प्लेस के लिए एक ही ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 9 2 18 18 1 18 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। 20 में लिखा हुआ एक बंदे के पास 6 कोट है, 7 शर्ट है, 8 पेयर ऑफ ट्राउजर है, हाउ मेनी वेज कि वो अपना सूट बना पाएगा। सिंपल प्रोडक्ट प्रिंसिपल का सवाल है ये, 6 × 7 × 8। प्रोडक्ट प्रिंसिपल क्या कहता था, अगर हर इवेंट को करने के इतने तरीके हैं तो एक साथ उनको परफॉर्म करने के कितने तरीके होंगे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो एक इवेंट है कोट पहनना, एक इवेंट है शर्ट पहनना, एक इवेंट है पेयर ऑफ ट्राउजर पहनना, अलग अलग इनके वेज है, नंबर ऑफ वेज है, तो आप अगर एक साथ सबको पहनना, जाहिर सी बात है हरे ट्राउजर पहन के तो जाओगे नहीं आप, या कोट पहन के तो खैर बहुत ही अजीब लगेगा हरे कोट पहना हुआ है, बहरहाल तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे सबको, तो मैं हम 336 आ रहा हूँ, देख लेना चेक कर लेना। 21 में लिखा हुआ है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड करेज। यार एग्जैक्ट जैसे आपने कमेटी के निकाले थे ना, इसी तरह करेज को निकालना है, बस फर्क ये करेज में कोई भी रिपीट नहीं करना, हाँ सब अलग अलग है, तो टोटल 7 लेटर है, 7 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल होता है 5040, ऑप्शन नंबर ए। 22 में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स कैन बी फॉर्म इनटू अ नेकलेस। नेकलेस का प्रॉब्लम है, तो अब आपके पास कितने बीड्स हैं, 8 बीड्स हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 8 - 1 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपके पास 8 बीड्स हो और आपने नेकलेस के अराउंड अरेंज करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल होता है 5040, 2 से डिवाइड करोगे 2520, ऑप्शन नंबर सी। 23 आपने लिखा था हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट आर देयर, ये 7.1 का आई गेस क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट आर देयर ऑफ द 5 एलिमेंट सेट। आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, उन्होंने बोला हुआ यार कि आपने 3 इसके सबसेट बनाने हैं 3 एलिमेंट के। अब आपको पता है सेट के अंदर टोटल 5 एलिमेंट है, कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 5, 32 सबसेट बनेंगे इसके अंदर, उनमें से ऐसे कितने सबसेट हैं जो 3 एलिमेंट के होंगे, इन शॉर्ट 3 एलिमेंट के सबसेट कितने बनेंगे। भाई इसके सबसेट जो 32 हैं वो 4 एलिमेंट के भी होंगे, 2 एलिमेंट के भी होंगे, 3 एलिमेंट के भी होंगे, 1 एलिमेंट का भी होगा, 5 एलिमेंट के भी होंगे, 0 एलिमेंट के भी होंगे, एम्प्टी सेट। तो इसमें से आपको बस ये बताना है कि 3 एलिमेंट के कितने सबसेट हैं, अभी कैसे निकालोगे, सिंपल ये सवाल कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन का सवाल क्यों है, क्योंकि बच्चों पहली बात रिपीटेशन नहीं हो सकती, दूसरी बात ऑर्डर मैटर नहीं करता, जब आप सेट पढ़ते थे तो सेट के अंदर अगर आप लोगों को याद हो ना तो 1 2 3 लिखो, 3 2 1 लिखो, 3 1 2 लिखो, 1 3 2 लिखो, कुछ भी लिखो, बात एक ही होती है, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता, तो पहली बात ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉम्बिनेशन यूज करनी है, और सिंपल सी बात है रिपीटेशन नहीं होगी इसके अंदर, तो कॉम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन, जो नॉर्मल आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं ना वही आप यहाँ पे यूज करोगे। मैंने थ्योरी में बताया था एक और केस भी होता है कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन, वो भी बुक में एक उसका सवाल मौजूद है, लेकिन वो ये सवाल नहीं है, ये सिंपल जो आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हो ना वो है। तो पेपर में कोई भी सेट आ जाए और आपने सबसेट बनाना हो जितने भी एलिमेंट का, यहाँ पे 3 एलिमेंट का सबसेट है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल 5 एलिमेंट है उसमें से आपने 3 चूज करने, तो 5C3, ठीक है 5 एलिमेंट है, चूज एट अ टाइम कितने करने, 3 करने हैं, 3 एलिमेंट की सबसेट बनाओगे ना आप, तो 5C3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल सॉल्व करोगे आंसर 10 आ जाएगा। भाई पेपर में फॉर एग्जांपल आपको 4 एलिमेंट वाला दे दे और बोले कि यार 2 के आपने सबसेट बनाने, 2 एलिमेंट के सबसेट बनाने, तो 4C2 हो जाएगा, 4C2 क्या होगा, 24/4 6 हो जाएगा वो, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एंड पे कुछ क्वेश्चन थे मैंने अपनी तरफ से डाले थे, चैप्टर नंबर 7 के बच्चों एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। उसके बाद चैप्टर 8 है बच्चों, चैप्टर 8 में यार बहुत ही बच्चों वाले सवाल आते हैं, लाइक चैप्टर 8 मुश्किल है लेकिन बहुत ही बच्चों वाले सवाल पूछते हैं और एक ही सवाल को बार बार पूछा हुआ है पास पेपर में, तो मैं थक गया डाल के, लेकिन स्टिल मैंने डाले हैं, लेकिन एक है मिडिल टर्म वाला, एक है नंबर ऑफ टर्म वाला, पूछ के बेड़ा कर दिया उन्होंने, मैं बताता हूँ जरा कौन कौन सवाल है। सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 पे आप बोला मैं मिडिल टर्म बताओ इस एक्सप्रेशन की, अब ये सवाल इतनी दफा है मैंने तो बहुत कम दफा डाला है। अब देखो ये जो मिडिल टर्म वाला सवाल है ना ये टोटली डिपेंड करता है पावर के ऊपर, नीचे कुछ भी लिख दो कोई मैटर नहीं कर रहा, कुछ भी लिख दो नीचे, एक्स स्क्वायर लिख दो, 1+x लिख दो, कुछ भी लिख दो, मिडिल टर्म मैटर करती है पावर क्या है, तो हर दफा वो ब्रैकेट वाली चीज चेंज कर देते हैं पावर सेम होती है, मिडिल टर्म सेम ही आ रही होती है, या पावर भी चेंज करते हैं, बात तो एक ही है ना, मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है।
मिरर क्रम मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया है, अभी तो अपलोड नहीं हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा अपलोड। 20 अगर ट्रम्स है ना, अगर 20 पावर है तो इसके अंदर 21 ट्रम्स आएंगे। या सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखो पावर यहाँ पे क्या है, पावर इवन है, तो याद रखना जब भी पावर जो है वो इवन हो तो एक ही मिरर ट्रम आती है। क्या मैंने बात बोली है, जब भी पावर इवन हो तो एक मिरर ट्रम आती है। और वो मिरर ट्रम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर है उसमें 2 ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो यहां पे पावर 20 है, 20 के अंदर 2 ऐड करो, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 22, 22 डिवाइड बाय 2 11। इसका मतलब जो 11th ट्रम है ना वो मिडिल ट्रम है यहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है। मैं इस टाइप के और भी सवाल आपको बताता हूँ। हाँ, 5 पे भी आ जाओ। 5 में देखो ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने तभी कहा था ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ इग्नोर कर दो, पावर के अंदर इसमें और करो 2n। सवाल ये कि ये 2n क्या होगा, इवन ऑड। तो याद रखना 2n एक बहुत ही शरीर इवन नंबर है। इवन मतलब ये इवन नंबर को लिखने का तरीका होता है, 2n का मतलब इवन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल n यहां पे बिलोंग करता है, आपको पता है नेचुरली होता है। तो अगर आप n 1 पुट करोगे आंसर 2 आएगा, n 2 पुट करोगे आंसर 4 आएगा, 3 पुट करोगे 6 आएगा। कहने का मतलब ये कि 2n इवन नंबर होता है। ठीक है, आप n कोई भी इंटीजर पुट कर दो, कोई भी नेचुरल पुट कर दो, आपके पास जो आंसर आता है ना वो इवन नंबर ही आ रहा होता है। तो चूंकि 2n इवन नंबर है इसका मतलब एक ही मिडिल टर्म आएगी। ठीक है, अब वो मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या होगा, जो भी पावर है उसमें 2 ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। जैसे पावर 20 थी, 2 ऐड के डिवाइड बाय 2, सेम इधर कर दो। यहां पे कॉमन लो, 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल करो, तो n प्लस 1 जो है ना वो टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। ठीक है, और शायद मैंने कोई और डाला हो इसका, नहीं मैं एक ही देख देख के तंग आ गया था। हाँ, फिर मैंने और नहीं डाले। तो ज्यादातर मैंने देखा ये दो किस्म के आते हैं, एक तो n की फॉर्म में पावर होती है, या कभी पावर को नंबर लिखा होता है 20, 15। दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। अच्छा, एमसीक्यूज में नॉर्मली आता नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑड आ जाए पावर, मैं ऐसे सवालों करवाता हूं, अगर यहां पे आ जाता 19, अब 19 आपको पता है ऑड नंबर है, तो जब ऑड पावर हो ना तो आपके पास दो मिडिल टर्म आती है। और वो मिडिल टर्म निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहली मिडिल टर्म कैसे आती है कि 19 मतलब पावर में 1 ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो ये है 10। और दूसरी मिडिल टर्म कैसे आएगी, पावर में 3 ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, ये है 11। तो दो मिडिल टर्म होगी 10th और 11th। जब पावर ऑड हो तो दो मिडिल टर्म आप इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, 2 में लिखा हुआ था नंबर ऑफ टर्म इन द बाइनोमियल। भाई जो पावर होती है ना उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म होती है। जैसे इस वाले केस में पावर 19 है तो कितनी टर्म होंगी, 20 टर्म होंगी। इस वाले केस में पावर 2n है तो कितनी टर्म होंगी, 2n+1। जो पावर है उससे एक ज्यादा टर्म होती है। तो सवाल में जो बाइनोमियल गिवन है उसकी पावर है n, तो कितनी टर्म होंगी, n+1। ऑप्शन नंबर सी। 3 में बच्चों, अब ये चैप्टर नंबर 8 में, फिलहाल अभी तक मेरे चैनल का अपलोड नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में जब भी कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा चैप्टर 8 अपलोड हो चुका होगा। तो n क्यूब 3 सीरीज होती हैं, इनके फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। एक होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एक होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इनके फॉर्मूले में बता देता हूं, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उसका फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सिंबल भी मैंने बताया है चैप्टर 8 के अंदर, देख लेना जाके। जो n स्क्वायर है मतलब सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है n 2n प्लस 1 और नहीं n n प्लस 1 होता है मेरे ख्याल में, और 2n प्लस 1 है शायद, एक सेकेंड देखना तो कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा ना हमने, डिवाइड बाय 6। और ये तीसरा फॉर्मूला होता है n क्यूब का, वो ये जो पहला फॉर्मूला है ना इसी को लिखने का तरीका है कि आप इसका स्क्वायर कर दो, मतलब पहला वाला फॉर्मूला लिखो और इसका होल स्क्वायर कर दो। तो ये 3 है मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी इन्होंने 3 में n क्यूब वाला पूछा है, तो n क्यूब वाला ये होगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो स्क्वायर जो है ये दोनों के ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर ठीक है। और जो अगला 4 एमसीक्यूज है उसमें आपसे ये पूछा गया है, तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 मैंने आप लोगों को करवा दिया। 6 अगेन वही है, द नंबर ऑफ टर्म इन द बाइनोमियल, पावर इसकी 9 है तो इसके अंदर कितने टर्म्स आएंगे, 10 टर्म्स आएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 7 जो है ना बच्चों, ये भी एमसीक्यूज में काफी फेवरेट है, मैं आपको चारों केस बता देता हूँ। सबसे पहले होता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, इसी तरह 1 प्लस
एक्स की पावर माइनस टू वन प्लस वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू। ये चार काफी मशहूर बाइनोमियल सीरीज हैं, आपको ये 8.3 के बाद मिल जाएगा, 8.4 का टॉपिक है ये। तो मैं बता देता हूँ क्या है इसके अंदर, ये होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ये पैटर्न चलता जाता है, और ये होगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पैटर्न चल रहा है। कहने का मतलब ये होता है, मैं जगह टोटली लिख रहा हूँ, इतने पूछते नहीं है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि भाई अगर ये वाला माइनस मैच कर जाए तो सब टर्म के साथ पॉजिटिव आता है, और ये पॉजिटिव माइनस मतलब ये अलग अलग साइन है, तो अब ऑल्टरनेट आ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा होगा, टर्म सेम ही रहेगी, 1x x2 x3, टर्म देखो दोनों के अंदर सेम है, बस साइन का फर्क है। इसी तरह नीचे क्या होगा, इसमें आंसर आएगा 1, अब देखो प्लस और माइनस अलग है तो ऑल्टरनेट होगा, प्लस 3x2 माइनस 4x3 प्लस ये चलता जाएगा, और इसमें अगर देखो सेम यही टर्म्स है लेकिन सब पॉजिटिव होंगे, तो ये चार काफी मशहूर है, जो भी पूछ लीजिए आंसर बता देना अभी आपसे। अच्छा इन सब में ऑब्वियसली बाइनोमियल में शर्त ये होती है कि ये लेस देन वन होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल ये जो है ना, ये जब भी पावर नेगेटिव होती है तो आपके पास इनफाइनाइट मेनी टर्म्स होती हैं। अब उसमें अगर एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन है, मतलब एक्स वन और माइनस वन के दरमियान है, तो तभी वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, वरना वो सीरीज इनफाइनाइट तक बढ़ती जाएगी, तो आप सम नहीं कर पाओगे उसका, तो शर्त उसकी ये होती है। तो इधर उन्होंने ये वाली पूछी हुई थी, तो इस पूरी चीज का आंसर ये है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा नाइन में मैं पहले बता दूं, नाइन में एन स्क्वायर आपसे पूछा है, तो ये वाला इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर डी। एट पे आ जाओ, एट में क्या लिखा हुआ है, एट में लिखा हुआ है एन की पावर जीरो एन थ्री से लेके 20। चैप्टर एट में मैंने आप लोगों को बताया है कि यार एन की पावर जीरो का मतलब होता है वन ही है ना ये 12, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, उस तरह भी आप कर सकते हो वन समझ के भी। असल चीज क्या है कि आपके जहन में होना चाहिए कि ये सिग्मा नोटेशन काम किस तरह करती है। आप सबसे पहले n की जगह पे 3 पुट करते हो, ये हो जाएगा 3 की पावर 0। ये जो नोटेशन है ना सिग्मा नोटेशन आप कहते हो, ये सम की नोटेशन होती है, आप वैल्यू पुट करते हो, जो आंसर आता है वो लिखते हो, फिर प्लस करते हो। पहले आपने n 3 पुट किया था, अब n 4 पुट करो, ये हो जाएगा 4 की पावर 0। फिर n आप पुट करो 5, ये हो जाएगा 5 की पावर 0। फिर n पुट करो 6, ये हो जाएगा 6 की पावर 0। और ये आपने कहां तक जाना है, आपने अप टू 20 तक जाना है, जब आप 20 पुट करोगे ये हो जाएगा 20 की पावर 0। तो ऑब्जर्व करो सब वन वन ही है, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, सब वन ही है, ये वन को आप ऐड कर रहे हो, 1 + 1 + 1 + 1, ये कितने नंबर ऑफ टर्म है इसको कैलकुलेट कर लेना, 18 नंबर ऑफ टर्म है। मैनुअल भी कर सकते हो, या अगर आप एपी का फॉर्मूला लगा के भी नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, 3, 4, 5, 6 से लेकर 20 तक, ये टोटल 18 टर्म है यहाँ पे। तो आप हर टर्म का आंसर 1 है, 1, 1, 1, तो 1 को आपने 18 दफा ऐड किया है, तो 1 को 18 दफा ऐड करोगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है। 10 में अगर आप ऑब्जर्व करो, 10 में आपसे बोला है कि n 1 से लेके क्यूब है और n क्यूब, नहीं 1 से लेके 3 और n क्यूब, तो यार बहुत सिंपल केस है, ये जो फॉर्मूले है ना इसमें अगर आपको 1 से स्टार्ट की जाए बात, याद रखना है जो फॉर्मूले है थ्योरी में मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है। इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप 5 पुट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला आपको शुरू के 5 नेचुरल नंबर का सम देगा, शुरू के 5 का। अगर आप यहां पे n की जगह 5 पुट कर रहे हो तो शुरू के 5 नेचुरल नंबर का आपको सम देगा। अगर आप 5 इसके अंदर पुट करोगे तो ये शुरू के 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम देगा, ये जब आप इसमें 5 पुट करोगे। और अगर आप इसमें 5 पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले में तो ये शुरू के 5 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम देगा आपको, तो ये फॉर्मूले की वर्किंग होती है। तो अगर आपने 1 से लेके 10 टर्म तक 20 टर्म तक सम निकालना है तो आप 20 पुट कर दो, 1 से लेके 20 तक का सम आ जाएगा, 30 पुट कर दो, 1 से लेके 30 तक का आ जाएगा। अब 1 से लेके 3 तक का निकालना है आपने सम, तो जस्ट आप 3 पुट कर दो, आप फॉर्मूले में 3 पुट करोगे 1 से लेके 3 तक का सम आ जाएगा। तो ये जो n क्यूब का फॉर्मूला है इसमें जस्ट n की जगह आप 3 पुट कर दो तो 1 से लेके 3 तक का आ जाएगा। एक तरीका ये है जो आप फॉर्मूले पुट करो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज डिफरेंट तरीके ना इसके, मैनुअली एक और तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, यहां पे वो इजी है। आप यहां पे 1 पुट करो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, आप 2 पुट करो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, आप 3 मैक्सिमम पुट करोगे ना तो हो जाएगा 3 का क्यूब। ये चीज आप मैनुअली भी निकाल सकते हो, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अगर मैं बोलता शुरू के 10 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालो तो वो मैनुअल मुश्किल था, आप फॉर्मूले में पुट कर देते, लेकिन मैनुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 + 8 +
27, 36 मेरे में आ रहा होगा। हाँ, तो ये दूसरा तरीका है, इस तरह भी कर सकते हो। और तीसरा तरीका भी है कि आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आपके पास सिग्मा का बटन होता है। अब मैंने अपने चैनल पे बताया था हाउ टू यूज कैलकुलेटर, उस प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर 8 के अंदर बताया है कि सिग्मा कैलकुलेटर से किस तरह निकालोगे। जब सिग्मा का बटन दबाओगे वो आपसे पूछेगा क्या जनरल टर्म है। जनरल टर्म में देखो कैलकुलेटर में एन नहीं आप लिख सकते, कैलकुलेटर में एक्स तो लिख सकते हो ना। एक्स कैसे आता है, मेरे ख्याल में मेरे कैलकुलेटर में तो जो ब्रैकेट का बटन होता है ना, वो जो ब्रैकेट इस टाइप की होती है, राउंड ब्रैकेट जो होती है, उसके ऊपर रेड में एक्स लिखा होता है। तो रेड का मतलब अल्फा दबाओ कैलकुलेटर में, ये जो कैसियो के कैलकुलेटर है उनमें चीज फॉलो होती है, बाकी मुझे नहीं पता। तो आप अल्फा दबा के वो ब्रैकेट वाला बटन दबाओगे तो एक्स आ जाएगा, जैसे एक्स आ जाए उसका क्यूब कर देना, जनरल टर्म यहां से आ जाएगी। यहाँ पे वो रेंज पूछेगा, आप कह रहे हैं एक्स 1 से लेके 3, वो डायरेक्ट आपको आंसर 36 दे देगा। तो तीसरा तरीका जो आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हो, खैर डिफरेंट बातें मैंने आप लोगों को बता दी। 11 में देखा हुआ है a प्लस बी की पावर n, ये 2021 का सवाल है, वेयर n इज एन इवन नंबर। उन्होंने पहले बता दिया कि यार जहां पे जो n लिखा हुआ है ना वो एक इवन नंबर है। जैसे 2n लिखा होता ना, 2n मुझे पता है कि यार ये तो इवन नंबर है, लेकिन n के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, n कुछ भी हो सकता है, n फॉर एग्जांपल 10 भी हो सकता है, n 11 भी हो सकता है। तो n के बारे में उन्होंने खुद ही बता दी वो इवन नंबर है। फिर बोला हुआ है देन द नंबर ऑफ मिडिल टर्म, तो याद रखना मैंने अभी बताया था कि जब पावर जो है वो इवन हो तो एक मिडिल टर्म होती है, और अगर पावर ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म होती है। तो यहां पर उन्होंने बताया पावर इवन है इसका मतलब एक मिडिल टर्म होगी, ऑप्शन नंबर ए। 12 में बच्चों आपसे ये बात पूछी गई है, तो ये किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी। 13 में बच्चों कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्बिनेशन लिखी हुई है एनसीआर और इसके साथ लिखा हुआ है एनसीआर माइनस 1। ये मैंने डिराइव नहीं करवाया, चैप्टर 8 में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी अपलोड नहीं हुआ, अगर बाद में आप देखोगे तो अपलोड हो चुका होगा। एनसीआर इसका निकालने का तरीका क्या, तो समझने का तरीका क्या है, सबसे पहली बात ऊपर का जो नंबर है वो सेम होगा इनका, पहली बात। ये जनरलाइज भी बताता हूं मैं आपको, स्पेसिफिक एग्जांपल भी दूंगा, तो जनरलाइज बात की जा रही है ना, ऊपर का नंबर सेम होना चाहिए, दोनों जगह एन है ना तो सेम है, इसके आंसर में क्या होगा एन प्लस 1। क्या मैंने बात बोली है, ऊपर के दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम है, आंसर में क्या होगा 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब नीचे की बात करते हैं, नीचे में एक होगा आर और एक होगा आर माइनस 1, मतलब एक ग्रेटर एक उससे एक कम होगा, मतलब 5 है तो 5 के साथ 4 होगा, 10 है 10 के साथ 9 होगा, आर है तो आर के साथ आर माइनस 1 होगा, ठीक है, एक कम होगा। तो इसमें से बड़ा वाला कौन सा आर, आप आंसर में आर लिखोगे, ये लिखने का तरीका होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रखा हुआ 5c4 प्लस 5c5, अब आप देखो ऊपर जो है सेम है ना 5 5, तो आंसर में 6 आएगा 5 प्लस 1। नीचे क्या होगा, ये देखो एक बड़ा है और एक उससे छोटा है, मैटर नहीं करता, एनसीआर बाद में लिखो, एनसीआर माइनस 1 पहले लिख दो, एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई, बस एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए। तो आंसर में कौन सा लिखोगे जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला 5 है, तो सेम ये वाली चीज बराबर होगी 6c5 के, और जनरलाइज फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक है। 14 में लिखा था बाइनोमियल द कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग, या बिगिनिंग से मुझे एक मीम याद आ गया, पता नहीं कोई अफ्रीकन कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर था, उससे बिगिनिंग नहीं बोला जा रहा था, कहता इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, बड़ा अच्छा था वो, यूट्यूब पर सर्च करोगे शायद मिल जाएगा मीम, बिगिनिंग मीम कर देना आ जाएगा। खैर इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट बिगिनिंग, बिगिनिंग और एंड ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। याद रखना जब भी आप कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बाइनोमियल में पावर 5 है तो आपके पास 6 टर्म्स होती है ना, तो कोएफिशिएंट उनके ये होंगे 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। अगर आपके पास पावर 5 है ना तो बाइनोमियल जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये 6 इस तरह बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे। मैं आगे ए बी की वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं जस्ट कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग और एंडिंग का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होता है, लाइक 5c0 बराबर होता है 5c5 के, ठीक है, इसी तरह 5c1 बराबर होता है 5c4 के, निकाल के देख लेना। बिगिनिंग और एंड का मतलब ये है कि भाई ये नहीं कि पहला और आखिरी, मतलब आप आगे भी चलते जाओ, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, ये सब आपस में इक्वल होते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना बेशक, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट की खासियत होती है। तो बिगिनिंग और एंड के इक्वल होते हैं। 15 में बच्चों जनरल टर्म पूछी हुई है, जनरल टर्म बाइनोमियल की होती है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है।
16 में लिखा हुआ था लास्ट ऑफ इन द एक्सपेंशन। आपको पता है अगर आपके पास एक एक्सपेंशन लिखी हो इस तरीके से x प्लस टू वाई की होल पावर 20 और आपको बोला जाए कि लास्ट ऑफ इसकी बताओ, तो देखो पहली टर्म क्या होती है, पहली टर्म होती है कि यहाँ पे जो पहली चीज लिखी हुई है ना उसकी ये पावर कर दो। आपने देखा होगा ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मुले में क्या होता है, पहली टर्म होती है ए का क्यूब, आखिरी टर्म होती है बी का क्यूब, दरमियान में चौपन हो रहा है जो भी। तो इसकी पहली टर्म क्या होगी, इसकी पहली टर्म होगी एक्स की पावर 20, पहली चीज की पावर 20 कर दो। और आखिरी बिल्कुल टर्म इसकी क्या होगी, आखिरी टर्म होगी जो दूसरी टर्म लिखी हुई ना उसकी पावर 20 कर दो। ये बिल्कुल आखिरी टर्म होती है, दरमियान में सब चल रहा होता है लेकिन आखिरी टर्म ये होती है। तो इसको सॉल्व कर लेना, वाई की पावर तो 20 हो जाएगा, 2 की पावर 20 कैलकुलेटर से निकाल लेना, कोई मतलब ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मैच कर लेना, देख लेना। 17 में क्या लिखा हुआ है, आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐड किए हैं। तो याद रखना बाइनोमियल कोएफिशिएंट को जब आप ऐड करते हो ना तो रिजल्ट आता है 2 की पावर n, बुक में प्रूफ भी हुआ है। जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड करोगे NC0, NC1, NC2 करते करते NCN तक जाओगे, तो जब आप इनको ऐड करते हो तो आंसर जो है वो 2 की पावर n होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। तो बच्चों चैप्टर नंबर, अच्छा एक और भी चीज होती है इसके अंदर, एक ये होती है कि जो इवन प्लेसेस पे कोएफिशिएंट आते हैं और जो ऑड प्लेसेस पे कोएफिशिएंट होते हैं बाइनोमियल के, उनका सम भी इक्वल होता है। और मतलब ये जो है ये ऑड प्लेस पे ना, पहली प्लेस पे, तीसरी प्लेस पे, पांचवी प्लेस पे, तो अगर इन तीनों का सम करो ये बराबर होगा जो इवन प्लेसेस पे आए हैं उनके सम के। इवन प्लेसेस पे ये दूसरी पे है, चौथी पे है, छठी पे है, तो पहली तीसरी पांचवी इन प्लेसेस पे जो कॉम्बिनेशन है इनको आप ऐड करो कोएफिशिएंट को, और जो इवन प्लेसेस पे दूसरी चौथी छठी इनको ऐड करो, तो दोनों का सम आपस में बराबर होता है। ये भी चीज होती है, इसको भी ध्यान में रख लेना। तो वैसे तो चैप्टर एट बड़ा इजी आता है, एंड मैंने तीन चार एमसीक्यूज अपनी तरफ से डाले हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अगर टफ हो तो देख लो। तो चैप्टर एट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद दसवें चैप्टर नंबर 9 है ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत इजी सवाल आते हैं। इवन ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 11 का तो एक ही सवाल आ रहा होता है, चैप्टर 13 के भी कोई ऐसे नहीं आते, तो चैप्टर 11 13 को तो वैसे निकाल दो, पीछे बचता है चैप्टर 9 10 12। तो अब 9 से वही घिसे पिटे सवाल आ रहे थे, रेडियन को डिग्री में करो, इसको उसमें करो, बस ये टाइप के सवाल चल रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन आता है। खैर स्टार्टिंग के जितने सवाल है बोल्ड हुए हैं, इसका मतलब वो पेपर में आ चुके हैं। पहले एमसीक्यू में लिखा हुआ है एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखो सर्कल के एरिया दो तरीके से आप लिख सकते हो, अगर रेडियस के क्रम में लिखोगे तो पाए आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल होता है, और अगर डायमीटर के सेंस में लिखोगे तो पाए अपॉन 4d2। आर की देखो रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है ना, तो अगर आर की जगह पे आप पुट करो डी अपॉन 2, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले एरिया ऑफ सर्कल के होते हैं, एक इन टर्म ऑफ रेडियस है, एक इन टर्म ऑफ डायमीटर है। तो इन टर्म ऑफ रेडियस पूछा है, पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक है। यार अब मैं आप लोगों को एक ही दफा बता देता हूं, रेडियन से डिग्री में जाना है या डिग्री से रेडियन में जाना है, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, तो एक ही दफा मैं बता रहा हूं। आपके पास रेडियन में गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि आपने डिग्री में जाना है, तो याद रखो रेडियन टू डिग्री में अगर आपने जाना हो तो आपने मल्टीप्लाई करवाना है 180 अपॉन पाई से, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री में जाना है, आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 3 1 3 360 जा, तो 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब रेडियन में और मैं ढूंढ के बता देता हूं आप लोगों को, और आपको नजर आ रहा है रेडियन की 10 में लिखा है पाई बाय 90, तो पाई बाय 90 को सेम वही काम करो, मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 91 90, 92 180, तो 2 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और कोई है 15 में लिखा हुआ है 4 अपॉन 3 पाई, तो मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से, 3 1 3 360 180 60 को 4 से करोगे 240, और पाई को पाई से करो पाई स्क्वायर। अच्छा जरूरी नहीं होता डिग्री के अंदर पाई नहीं आ सकता, ये हमारे जहन में होता है, डिग्री के अंदर पाई भी आ सकता है भाई, और रेडियन के अंदर पाई नहीं भी आ सकता, हम समझते हैं रेडियन के अंदर पाई आना जरूरी है, ये सब मिसकॉन्सेप्शन है, ये कभी आपने जिंदगी में देखा नहीं होगा पाई डिग्री, किसी ने बताया भी नहीं होगा आपको, आप होगा पाई डिग्री कैसे हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, कैलकुलेटर में पाई डिग्री आ सकता, पाई डिग्री मतलब 3.14 कुछ डिग्री होगा, तो ये मैटर नहीं करता सर, मतलब मैटर करता है साइन क्या लिखा हुआ है, आगे डिग्री को हटा दूं या पाई रेडियन बन गया, ये मैटर करता है सर। तो यहाँ पे ये रेडियन में था, आपने इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया है, तो अब जो आपके पास एंगल आया पूरा डिग्री के अंदर है, बेशक इसके अंदर पाई आ रहा है लेकिन है ये डिग्री के अंदर, तो 240 अपॉन पाई स्क्वायर, इसको बच्चों कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, 240 अपॉन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 240 अपॉन 9 कर लो, तो 24 कुछ आ रहा होगा, चेक करके देख लेना कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, तो रेडियन से डिग्री में तो आप लोगों को समझ आ गया।
अब डिग्री से रेडियन वाले जो है उनको भी देख लेते हैं। भाई डिग्री से अगर आपने रेडियन में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करवाते हो पाई बाय 180। फॉर एग्जांपल अगर आप एमसीक्यू नंबर 8 में देखोगे लिखा हुआ 10.5 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करवा दो पाई बाय 180 से। ये पॉइंट में है तो खैर इसको डायरेक्ट जो कैसी हुआ कैलकुलेटर उसमें पुट करो आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी। तो फ्रैक्शन जो है वो होगी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ना 7π/120, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर आपको दे देगा। एमसीक्यू नंबर 9 में लिखा हुआ है 330। अच्छा कुछ लोगों की फ्रैक्शन आती नहीं है, मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ लोग मुझसे कमेंट में काफी पूछते हैं सर हमारी फ्रैक्शन नहीं आ रही। तो मुझे जहां तक वजह लगती है कि यार जो कैलकुलेटर या तो मॉड आपने चेंज किया हुआ है, सिंपल जो मॉड होता है ना मॉड दबा के वन, मतलब जो मॉड होता है ना उसको दबा के वन दबाओ, तो बेसिक जो कैलकुलेटर का मॉड होता है तो उसमें रखो, और अगर कैसी हुआ कैलकुलेटर है ना तो फ्रैक्शन आती है आपके पास। अब आई डोंट नो कि जिनके पास फ्रैक्शन नहीं आ रही तो क्या वजह है, जैसे मैं भी आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ, मेरे पास फ्रैक्शन आ रही थी पहले भी जब मैंने निकाला था, 7π/120 आ रहा है, तो आप लोगों की भी आ जाएगी इंशाल्लाह। मैनुअली भी कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है, इसको इसको कैंसिल कर देना नीचे 100 आ जाएगा। 10.5 को आप किस तरह लिख सकते हो, नहीं सॉरी नीचे 10 आएगा, तो 10 ये हो जाएगा 105/10, फिर आप कैंसिल करते जाना 180 से, जो मैथ आती है आपको उस तरह कर लेना तब भी आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा जी और कोई है डिग्री के अंदर, और कोई डिग्री के अंदर नहीं है। तो बच्चों ये जो इस टाइप के सवाल थे मैंने आपको बता दिया। अब 3 पे आ जाओ, 3 में लिखा हुआ है, अब याद रखना बच्चों क्वाड्रेंट के अंदर पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल कोसेक वो भी पॉजिटिव होता, तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव है इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव है। अब जरा डिसाइड करते हैं, 3 में लिखा हुआ है कॉट नेगेटिव है less than 0 मतलब नेगेटिव ना, कॉट कहां कहां पे नेगेटिव होता है? भाई सबसे पहली बात कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड में और फर्स्ट में, फर्स्ट में सब पॉजिटिव और कॉट थर्ड में भी पॉजिटिव होता है, कॉट नेगेटिव कहां कहां पे होता है? फर्स्ट में, फोर्थ में। अब एग्जैक्ट आपको नहीं पता, फर्स्ट फोर्थ दोनों आंसर हो सकते हैं। अगली कंडीशन क्या देखिए, साइन थीटा लेस देन जीरो, साइन थीटा आपको पता है यहां पे लेस देन जीरो नहीं होगा, साइन थीटा नेगेटिव नहीं होता सेकंड में, साइन थीटा यहां पे नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें कॉट भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है यहां पे, उसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट राइट ऑप्शन है। ये आपको 9.2 में मिल जाएगा दूसरा वाला क्वेश्चन, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ये सवाल बड़े पूछ रहे होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ऑप्शन नंबर डी। यार ये फोर जो है ना ये 2-3 सवाल इस टाइप के दाले में है, जस्ट वैल्यूज है, आप पूरा कैलकुलेटर पुट कर सकते हो। वैसे तो मैं बता सकता हूँ कॉस 90 जीरो होता है तो पहले टर्म को तो इग्नोर कर दो, साइन 91 होता है, साइन 31/2 होता है, तो -1/2 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जिनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है वो आप कैलकुलेटर से कर लो यार, बोर्ड में इस टाइप के सवाल आते हैं। बस एक मशवरा मैं दे रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना इसका आंसर तो -1/2 आ रहा है। एक और इस टाइप का क्वेश्चन है 11 पे करा पाओ, तो एंगल सारे पाए के अंदर है, तो दो तरीके हैं, अगर आप कैलकुलेटर से निकालना चाह रहे हो तो पहले कैलकुलेटर को रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेना, और रेडियन से फौरन डिग्री में भी कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि जब रेडियन में कन्वर्ट करते हो ना हम भूल जाते हैं, और फिर कभी ज्यादातर हमारी कैलकुलेशन इस लेवल पे डिग्री में होती है, फिर हम डिग्री में निकालते हैं कैलकुलेटर हमारा पहले से रेडियन में हुआ है तो आंसर भी अजीब से ही आ जाते हैं। तो काम करना, अगर आप एक तरीका ये कि आप कैलकुलेटर को रेडियन में चेंज कर लेना, ये पुट करना साइन पाई बाय सिक्स कॉस पाई बाय सिक्स एमसीक्यू नंबर 11 जो लिखा हुआ है, तो आपके पास आंसर सही आ जाएगा, और फिर दोबारा आप डिग्री में कन्वर्ट कर देना। दूसरा तरीका ये कि आप इनको, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको पता है कि यार ये डिग्री के अंदर क्या बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाई बाय 4 लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, पाई बाय 3 60 होता है, और फिर पाई बाय 6 30 होता है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये पुट करो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये पुट कर लो आप, कैलकुलेटर आपका आंसर दे देगा। तो जो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है वो यहाँ पे ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर डी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, देख लेना कैलकुलेटर में आ जाएगा। इसी तरह 12 भी है, 12 भी बड़ा इजी है, साइन 31/2 होता है स्क्वायर इसका 1/4 हो जाएगा, साइन 60 √3/2 स्क्वायर होगा 3/4, तो 1/4 3/4 ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, और टेंजेंट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 1+1 2, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है, लेकिन आप इस चीज को कैलकुलेटर में पुट कर लो कैलकुलेटर भी 2 आंसर देगा। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए पहले से। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 पे आओ, नहीं एमसीक्यू नंबर 5 पे आओ, ये भी इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं कि कॉस थीटा नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है, तो आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है सेकंड और फर्स्ट में, लेकिन फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं लेकिन यहाँ पे कॉस नेगेटिव है,
तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट इसका राइट ऑप्शन है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव होता है, ऑप्शन नंबर बी। सिक्स में लिखा हुआ टेंजेंट माइनस थ्री अपॉन फोर, मतलब टेंजेंट नेगेटिव है और उसके साथ लिखा हुआ साइन भी नेगेटिव है। टेंजेंट और साइन दोनों नेगेटिव कहां पे होते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, टेंजेंट साइन नेगेटिव होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सेवन में लिखा हुआ है मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। बच्चों ये वन रेडियन की डेफिनेशन होती है, जो रेडियन आप पढ़ते हो ना इसमें वन रेडियन की डेफिनेशन ये होती है कि वन रेडियन वो एंगल होता है कि जब आपके पास जितना रेडियस है उतने ही लेंथ की, अगर एक आर्क हो जितना रेडियस उतने ही आर्क लेंथ को आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, तो जितना रेडियस है उसके बराबर अगर आर्क लेंथ होगी तो जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो होगा वन रेडियन। ये मैंने अपने चैनल पे बताया है, ये वन रेडियन की डेफिनेशन होती है। तो अगर आर्क ऑफ अ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के अगर बराबर होगी तो थीटा जो है वो वन रेडियन होगा, ऑप्शन नंबर बी। एट तो बता दिया, नाइन भी बता दिया, टेन भी हो गया, इलेवन भी हो गया, ट्वेल्व भी हो गया। थर्टीन में लिखा हुआ था आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल विद सेंट्रल एंगल इज, मतलब आपको आर्क लेंथ निकालनी है, मतलब आपको एस निकालना है। बहुत ही मशहूर एक फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 9 में, एस इक्वल टू आर थीटा। आपको यहाँ पे आर्क लेंथ निकालनी है, मतलब एस निकालना है। गिवन क्या है? सबसे पहली बात यूनिट सर्किल, उन्होंने बोला है यूनिट सर्किल से आपने क्या बात सीखी कि उसका रेडियस क्या होगा? वन, तो रेडियस आपको पता चल गया। दूसरी चीज आपको थीटा दे दी, थीटा क्या है यहाँ पे? पाई बाय 6। याद रखना इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन के अंदर होता है, तो पेपर में अगर आपको डिग्री में दे दें और आपको बोले आर्क लेंथ निकालो तो उस डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल यही सवाल हो कि यूनिट सर्किल है और जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो आप 30 नहीं पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे पाई बाय 6 तब पुट करोगे आप, तो इस बात का ध्यान रखना। तो रेडियस की जगह 1 पुट करो, इसकी जगह पाई बाय 6 पुट करो, मल्टीप्लाई करो, 1 को पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 6 ही आएगा। तो जो एस है उसकी लेंथ क्या आ जाएगी? पाई बाय 6। पाई बाय 6 इज ऑलमोस्ट 0.52 या 51 समथिंग होगा, 0.52 का ऑप्शन है ना। कैलकुलेटर में निकाल लेना, क्योंकि पाई ऑलमोस्ट 3.14 होता है ना, तो 3.14 को 6 से डिवाइड करोगे 0.5 के आसपास आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे ठीक है। 14 में लिखा हुआ है इफ अ डायमीटर ऑफ व्हील इज 28 सेंटीमीटर, भाई आपके व्हील का डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। हाउ फार इट वुड ट्रेवल इन 5 रेवोल्यूशन, 5 रेवोल्यूशन में कितना ट्रेवल करेगा? याद रखना एक टायर जो है वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके सर्कमफेरेंस के बराबर, जो उसका सर्कमफेरेंस है एक रेवोल्यूशन में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? 2 पाई आर। दो रेवोल्यूशन में कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 रेवोल्यूशन में कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 5 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, मतलब 10 पाई आर। तो 5 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? 10 पाई आर। अब डिपेंड करता है सर्कल का रेडियस, सॉरी व्हील का रेडियस जितना बड़ा होगा तो 5 रेवोल्यूशन में उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, भाई डिस्टेंस तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना। अब एक ट्रैक्टर का टायर है वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और एक बेचारी फॉर एग्जाम्पल बच्चे की साइकिल है उसका टायर एक रेवोल्यूशन में कितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टोटली डिपेंड करेगा कि रेडियस क्या है व्हील का। तो यहां पे रेडियस 14 है तो आप आर की जगह में 14 पुट कर दो, तो 14 को 10 से मल्टीप्लाई करो 140, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 140 पाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। और जो 15 है वो ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया था। तो बच्चों इसी टाइप के सवाल आते हैं, 3 किस्म के सवाल आपको नजर आते हैं, या तो क्वाड्रेंट आपसे पूछ रहे होते हैं, या आपसे कन्वर्जन पूछ रहे होगा डिग्री से रेडियन में, या आपसे एस इक्वल टू आर थीटा वाला कुछ बेसिक सवाल पूछ रहे होते हैं, तो यही कैटेगरी आपको नजर आएगी, या वो साइन की कोई वैल्यू निकालने को बोल देंगे बस। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 में भी बहुत ही फेवरेट 2-3 एमसीक्यूज है उनके। एक तो होता है वो जो अलाइड एंगल्स है ना, अब नहीं आप लोगों को अलाइड एंगल्स का पता है नहीं, मैं पहले वो करवा देता हूँ। उस टाइप के सवाल काफी पूछ रहे होते हैं, जो एमसीक्यू नंबर 1 भी है। एमसीक्यू नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? कॉट 3π/2। अब देखो रेडियन में मजा नहीं आता, तो 3π/2 को डिग्री में चेंज करना 270 डिग्री बनेगा, तो 270 लिखना है इसको, तो थीटा प्लस 270 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री बात एक ही है लेकिन समझने में आसानी होती है, 270 डिग्री प्लस थीटा, ये है एमसीक्यू नंबर 1 में। रेडियन में बताया मजा नहीं आता करने का। अब एमसीक्यू नंबर 6 में लिखा हुआ है टेंजेंट 180 माइनस थीटा। 7 में लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा। 9 में लिखा हुआ है साइन
270 प्लस सीट है। ये इस टाइप का सवाल बहुत पूछते हैं, सब बोल्ड हुए हैं, इसका मतलब ही आ चुके हैं और कितने मैंने डाले नहीं है इसके अंदर, मतलब ये बहुत ही फेवरेट एमसीक्यूज है इनका। हाँ बस हो गए, अब सवाल लेकिन को करना किस तरीके से, इनकी ट्रिक मैंने डिस्कस की हुई चैनल पे, मैं जरा जल्दी में डिस्कस कर लेता हूँ, मजीद समझ नहीं होता आप समझ लेना कि याद रखो कि 90 और 270 पे आपका फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन है तो वो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो वो साइन हो जाएगा, टेंजेंट है तो वो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेंजेंट हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा 90 और 270 पे। 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही होगा, कॉस है तो कॉस ही होगा, उस पर कोई चेंज नहीं होती पहली बार। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप इसका आंसर लिखने रहोगे तो 270 है तो कॉट जो है वो टेंजेंट हो जाएगा, जो यहां पे एंगल होता है वो यहां पे आ जाता है, इसी तरह इसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, यहां पे थीटा यहां पे थीटा आ गया, कॉस 90 डिग्री है फंक्शन चेंज होगा तो साइन हो जाएगा ये साइन थीटा, 270 डिग्री अगेन फंक्शन चेंज होगा, साइन है तो ये कॉस के अंदर हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये तो पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप देखते हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अब ये कैसे पता चलता है, 270 में बच्चों कुछ भी आप एंगल ऐड करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 270 यहां पे होता है ना, ये 270 है ठीक है, तो अगर आप हल्का सा कुछ भी एंगल ऐड करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, टेंजेंट नेगेटिव होता है, टेंजेंट नेगेटिव मतलब कॉट नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह 180 में कुछ भी आप माइनस करोगे, यहां पे 180 होता है, 180 में कुछ भी माइनस करोगे ना तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहां पे भी नेगेटिव आ गया। अच्छा 90 माइनस थीटा, देखो 90 ये होता है, इसमें से कुछ भी माइनस करो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो बहुत अगेन 270 में थीटा ऐड करो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। तो चारों एमसीक्यूज के मैंने आंसर बता दिए। अच्छा इनके एक शॉर्टकट भी होती है, नहीं ये तो शॉर्टकट है, लंबा वाला तरीका होता है फॉर्मुला लगा दो, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा प्लस बीटा, इनके फॉर्मुले भी होते हैं, वो थोड़ा 3-4 स्टेप में होंगे लेकिन उनसे भी आंसर आ जाता है, तो ये मैंने एक ही दफा आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब 2 पे आ जाओ, 2 में लिखा है डिस्टेंस, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जो दो पॉइंट गिवन है ना, पहला पॉइंट है 1, 1, दूसरा पॉइंट है 4, 5, तो पहले वाले पॉइंट को आप x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, तो सॉल्व करो, x1 1 है माइनस x2 4 है का होल स्क्वायर, y1 1 है माइनस y2 5 है होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5 होता है। ऑप्शन नंबर 2। 3 में लिखा हुआ टेंजेंट थीटा कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करो, तो टेंजेंट थीटा कॉस थीटा इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपको पता है टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, और ये वाला कॉस अपनी जगह पे, तो टेंजेंट की जगह साइन अपॉन कॉस लिखो, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर साइन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ 1/1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब 3 आइडेंटिटी, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला जाता है, चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट में आपने पढ़ी थी, सबसे पहली थी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर होता है 1 के, दूसरी थी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर के, तीसरी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के, ये 3 है और डिफरेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेंजेंट स्क्वायर को इधर ले जाओ, सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 के बराबर होगा, फॉर एग्जांपल कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, तो ये डिफरेंट चेंज भी आप कर सकते हैं। पर तो 4 में लिखा हुआ था 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर के, और आपको पता है 1/sec स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर के, sec जो है वो रेसिप्रोकल होता है ना cos का, 1/sec cos होता है तो 1/sec स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह 1/cot टेंजेंट होता है, 1/cosec sin होता है, ये सब फॉर्मूले होते हैं। 5 में बच्चों आपसे cos u - cos v का फॉर्मूला पूछा हुआ है, भूल गया मैं, साइन यू कॉस यू माइनस कॉस थ्री का, जहां तक मुझे याद आ रहा है एमसीक्यू ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो ठीक है, फिर भी आप लोग कंफर्म कर लेना, मुझे याद आ रहा है ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 6-7 करवा दिए, 8 पे आ जाओ, देखो एक चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़े थे, देखो चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मुले बहुत देते हैं, अगर आप फॉर्मुले याद नहीं करोगे फंस जाओगे, तो फॉर्मुले तो याद करने ही करते हैं, आपने डबल एंगल फॉर्मुले पढ़े थे, आपने पढ़ा था कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फॉर्मुला था,
cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला भी था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और एक तीसरा फॉर्मूला भी था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये cos के डबल एंगल फॉर्मूले थे, तीन आपने पढ़े थे, इसमें से दरमियान वाला आप यूज करो कि cos 2 थीटा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। असल चीज क्या है, डबल एंगल आप इसलिए बोलते हो कि जो यहां पे एंगल लिखा हुआ है उसका डबल यहां पे होता है, यहां पे थीटा है तो यहां पे 2 थीटा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे, और इसको दूसरे अंदाज में बोल सकते हो ना कि यहां पे जो एंगल है उसका हाफ मौजूद है, यहां पे अगर 2 थीटा है तो यहां पे थीटा मौजूद है, यहां पे अगर 4 थीटा होगा तो यहां पे 2 थीटा होगा, 4 का हाफ 2 होता है, यहां पे 6 थीटा होगा तो यहां पे 3 थीटा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहां पे थीटा होगा सिर्फ तो यहां पे क्या होगा, थीटा अपॉन 2, थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा अपॉन 2 होता है। तो cos थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का फार्मूला पूछा था मैंने, बता दिया किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी, 9 करवा दिया। 10 में आपके पास क्या गिवन है, r cos थीटा 4 के बराबर है, r sin थीटा 3 के बराबर है। बाय द वे इनको मेहल में आप पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल कहते हो। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्या निकालना है आपने, आर निकालना है। इजी तरीका जो मुझे लगता है मैं आपको वो बता देता हूं कि किस तरीके से आप निकालो। आप सबसे पहले स्क्वायरिंग करो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फोर स्क्वायर, दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग करनी है, फिर इसकी भी स्क्वायरिंग करो, ये हो जाएगा। ये तरीका मेरे जहन में आ रहा है, कोई और तरीका भी हो सकता है इसका, डिवाइड करके शायद हो जाए, नहीं पता नहीं, उससे तो थीटा आएगा। पर तो आपने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की है, तो ऊपर है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फोर स्क्वायर क्या होता है 16, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थ्री स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब आप इनको ऐड कर दो तो ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे ऐड करो 16 प्लस 9 25। इन दोनों से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होते हैं, यहाँ पे जस्ट आर स्क्वायर बचेगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 5। आर यहाँ पे रेडियस को शो कर रहा है, मैंने बताया पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये आई गेस सर्किल की, तो आर यहाँ पे 5 होगा, ऑप्शन नंबर भी ठीक है। अच्छा 11 में जो चीज है वो भी काफी मशहूर है कि याद रखो साइन के अंदर अगर नेगेटिव लिखा हुआ है, इसी तरह अगर टेंजेंट के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है तो उस नेगेटिव को आप बाहर ले आते हो इस तरह, और सेम इनके रेसिप्रोकल के अंदर भी ये होगा कोसेक और कॉट के अंदर। लेकिन अगर आपके पास कॉस लिखा हुआ है, कॉस के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आप इग्नोर कर देते हो और कॉस थीटा अपनी जगह पे आ जाते हैं। कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को इग्नोर करता हूं, सिंपल कॉस थीटा हो जाएगा। पर यहां पे कॉट आया हुआ था तो जो टेंजेंट के साथ करोगे वही कॉट के साथ करोगे तो कॉट माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा के। 12 में अगेन अगर आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला मांगा गया है, यहां पे जो पॉइंट है वो ए कॉमा जीरो है, ए कॉमा जीरो, और दूसरा पॉइंट है जीरो कॉमा बी, तो पुट कर दो एक्स वन यहां पे ए है और एक्स टू तो जीरो है, इसी तरह वाई वन यहां पे जीरो है और y2 b है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा a का स्क्वायर और यहाँ पे होगा माइनस b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑप्शन नंबर c। 13 में बोला sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर है, मल्टीप्लाई करके देख लो, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, तो ये फॉर्मूला वही जो अलजेब्रा में आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, कि a प्लस b a माइनस b किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1, ये किसके बराबर होता है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, 1 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 जो है ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, हाँ हाफ एंगल फॉर्मूला है ये, आपने पढ़ा होगा हाफ एंगल फॉर्मूला चैप्टर नंबर 10 में, अगेन एक और कॉन्सेप्ट है कि sin x अपॉन 2 या हाँ x की फॉर्म में ना, नॉर्मली आप थीटा लिखते हो लेकिन x भी आप लिख सकते हो कोई इशू नहीं। साइन एक्स अपॉन टू हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, यही होता है ना। अच्छा इसकी खासियत क्या होती है, हाफ एंगल क्यों बोलते हैं इसको, हाफ एंगल इसलिए बोलते हैं जो यहां पे एंगल है उसका हाफ मौजूद है, यहां पे अगर एक्स है तो यहां पे एक्स अपॉन टू लिखा हुआ है, यहां पे अगर 2x होगा तो यहां पे x होगा क्योंकि 2x का हाफ x होता है, यहां पे अगर 4x लिखा हुआ है तो 4x का हाफ क्या होता है 2x, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे 4x कर दूं तो 4x का हाफ क्या होगा 2x, तो साइन 2x का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आपको 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 चाहिए मतलब रूट में चाहिए, तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करोगे यहां पे रूट हट जाएगा,
तो हाफ एंगल फॉर्मूले से आपने मालूम किया कि 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 किसके बराबर है, साइन स्क्वायर 2x के बराबर है। बिल्कुल अगर पेपर में 1 प्लस कॉस 4x आ जाता तो कॉस का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है उसमें प्लस आता है, कॉस x अपॉन 2 बराबर होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस x अपॉन 2, तो उसमें प्लस आता है तो यही चीज इसके बराबर हो जाएगी कॉस स्क्वायर 2x। अगर प्लस के साथ आएगा, नेगेटिव के साथ आएगा तो साइन स्क्वायर 2x ऑप्शन नंबर बी। 15 में अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला का सवाल है, इसमें एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है ओरिजिन। देखो जब एक पॉइंट ओरिजिन हो ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा इजी हो जाता है कि अगर आपने किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, मतलब पहला पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ओरिजिन है, तो बड़ा इजी तरीका होता है। इजी तरीका ये है कि सिंपल स्क्वायर रूट लगाओ, जो पॉइंट गिवन है ना उसको स्क्वायर कर दो, उसकी एक्स वैल्यू का स्क्वायर करो, उसकी वाई वैल्यू का स्क्वायर करो, ये सिंपल होता है। ये आप कब करोगे, जब आपको एक पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना होगा, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं तो एक्स टू जीरो हो जाएगा, वाई टू जीरो हो जाएगा, तो जस्ट एक्स वन वाई वन ही बचा हुआ होगा, मतलब जो पहला पॉइंट होगा ना वही बचा हुआ होगा, तो आप x1 का स्क्वायर करो y1 का स्क्वायर करो आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर वैल्यू में बोल दें कि 3.4 पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 25 के रूट 5 होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पर ठीक है। 16 में लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले एड किए हैं। तो देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो जो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इसमें प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा में माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। तो जब आप इनको एड करोगे प्लस साइन अल्फा बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इनको यार आप एड कर लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत देर होगी ऑलरेडी, तो इनको जब ऐड करोगे तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 में आपको टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, आपको वैल्यू बेसिकली निकालनी है इसकी, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की निकालनी है। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब सवाल में देखो उन्होंने टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, जो पूरा न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू उन्होंने दी है 3 के बराबर है, और टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी दी गई 2, तो ऊपर लिखो 3 नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2, तो उसको सॉल्व करो 3 अपॉन माइनस 1 मतलब माइनस 3 हो जाएगा। 18 जो है इस पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहली बात साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो आपको पता 1 के बराबर होता है, तो इसको एमसीक्यूज में इतने स्टेप मैटर नहीं करते, इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ लिखना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो इनकी जगह तो 1 आ जाएगा, पीछे बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। सवाल ये कि 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 ये किसके बराबर होगा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही बात कि यहां पे जो एंगल है उसका डबल यहां पे मौजूद है, तो फॉर एग्जांपल और इसको दूसरी तरह क्या बोलोगे कि जो यहां पे एंगल है उसका हाफ मौजूद है, यहां पे 2 थीटा तो यहां पे थीटा है, तो अगर यहां पे थीटा होगा तो यहां पे थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, जैसे मैंने वो कॉस के डबल एंगल फॉर्मूले के साथ आप लोगों को बताया था। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, मतलब ये पूरी चीज, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी। और 19 में तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पूछा हुआ है, साइन की फॉर्म में जो होता है वो गलत है, वो 1 प्लस होता है, वो 1 माइनस होता है, ऑप्शन नंबर ए में 1 प्लस लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो सी लिखा हुआ है सी में भी आपको पता है माइनस होता है, सी में प्लस लिखा हुआ है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 के बच्चों कोई सवाल नहीं आता, बस एक ही सवाल आता है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही सवाल होता है, बहुत बेसिक सा सवाल होता है, ये दे रहे होते हैं, तो पहले हम इस जरा सवाल को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पीरियड का कॉन्सेप्ट ये होता है यार, एक खास वैल्यू होती है जिसपे आपका फंक्शन रिपीट हो रहा होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये पीरियडिक फंक्शन है, रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, तो बाकी डिटेल कॉन्सेप्ट चैनल पर अपलोड है देख लेना। जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है और इनके रेसिप्रोकल मतलब कोसेक थीटा और सेक थीटा,
इन सबके पीरियड जो है वो 2π होते हैं, और टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा इनके पीरियड होता है पाई। तो ये बेसिक एमसीक्यूज तो आपको पता होना चाहिए। साइन का पीरियड 2π, टेंजेंट का पीरियड 2π, कॉस का पीरियड सॉरी साइन और कॉस का पीरियड 2π और टेंजेंट का पीरियड पाई, ये बेसिक बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो एमसीक्यू नंबर 1 में लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा का पीरियड क्या है, तो पाई ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक है। कभी वो इसके अंदर थोड़ी इंप्रोवाइजेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए कि साइन 2θ का पीरियड बताओ, साइन थीटा का पीरियड तो पता है 2π होता है, साइन 2θ का पीरियड क्या होगा? तो अगर एंगल से कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाए ना, तो अब पीरियड आप कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला ये होता है कि न्यूमरेटर में आप लिखो जो पीरियड है साइन का, साइन का पीरियड 2π होता है, और डिनोमिनेटर में आप वो नंबर लिखो जो थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। थीटा से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉल्व करो पाई, साइन 2θ का पीरियड क्या हो जाएगा? पाई के बराबर हो जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपसे बोले कॉस 1/3θ, इसका पीरियड निकालो। अब कॉस थीटा का पीरियड तो आपको पता है 2π होता है, कॉस 1/3θ का क्या होगा देख लेते हैं। न्यूमरेटर में लिखो कॉस का पीरियड 2π, डिनोमिनेटर में लिखोगे जो थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/3। मैंने इसको इस फॉर्म में से लिखा है क्योंकि आमतौर पर इस तरह लिखा आता है θ/3, तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखो थीटा से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3, तो 1/3 को आप डिनोमिनेटर में लिख दोगे। जो थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिनोमिनेटर में आता है, थीटा से 1/3 मल्टीप्लाई हो डिनोमिनेटर में आ गया। सॉल्व करो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6π, इसका मतलब cos पाई बाय 3 हो जाएगा, इसका पीरियड 6π। देखना पूरा स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ, अगर आप ड्रॉ करोगे ना ग्राफ आपका काफी स्ट्रेच हुआ होगा। और इसी तरह अगर टेंजेंट आता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोले टेंजेंट θ/7 का पीरियड निकालो, तो क्या पीरियड होगा? टेंजेंट का पीरियड होता है पाई, और थीटा से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/7 आ जाएगा। तो सॉल्व करना ये हो जाएगा 7π, तो टेंजेंट θ/7 का पीरियड हो जाएगा 7π। तो एक तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बता दिए, और अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई एग्जाम में तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस तरीके से आप लोग करोगे, ठीक है। अच्छा अब बाकी सवालों पे आ जाओ, पीरियड का कोई और सवाल है? हाँ, वैसे पीरियड टेंजेंट अपॉन 7 वाला भी है, ये एमसीक्यू नंबर 3 है, x अपॉन 7, तो इसका पीरियड क्या होगा? 7π, ठीक है। यहां पे थीटा आ जाए, x आ जाए, नॉर्मली थीटा आप लिखते हो लेकिन x से भी रिप्रेजेंट करते हो आप, रेडियन में अगर हम बात करते हैं ना तो नॉर्मली x लिख देते हैं हम, क्योंकि जब आप x एक्सिस पर ड्रॉ करते हो तो डोमेन जो एंगल होता है वो x की फॉर्म में होता है ना, तो x लिख देते हैं हम। तो टेंजेंट x अपॉन 7 का पीरियड क्या हो जाएगा? 7π, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। 4 में लिखा हुआ ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2π एंड थीटा। देखो टेंजेंट जो है वो पाई के बाद भी रिपीट कर रहा होता है, टेंजेंट के केस में आप बोल सकते हो कि पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अभी ओवरऑल सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की गई है। तो ओवरऑल सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर आप बात करो ना, तो 2π वो नंबर है मिनिमम, मतलब 4π में भी रिपीट ही कर रहे होंगे सर, लेकिन मिनिमम बात पूछी जा रही है। 4π वैसे ऑप्शन लिखा भी नहीं था कि 2π वो नंबर है जिसपे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन पाई अपॉन 3 का जो आंसर होगा ना, वही आंसर होगा कि अगर आप पाई अपॉन 3 में 2π ऐड करो तब भी वही आंसर होगा। जैसे साइन पाई बाय 3 का आंसर होता है √3/2, सेम अगर पाई बाय 3 के अंदर अगर आप 2π ऐड करो मतलब 7π/3 बन जाएगा ये, तब भी इसका आंसर √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर होता है। 5वें में अगेन पीरियड की डेफिनेशन है। अब फंक्शन इज सेट टू बी पीरियडिक फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x), अगर ये पीरियडिक फंक्शन है तो इसका एक पीरियड होगा, और वो पीरियड क्या होगा कि अगर आप इसके इनपुट में वो पीरियड ऐड करो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप पाई बाय 3 के अंदर 2π ऐड करो, अभी भी आंसर √π/3 होगा। ये पीरियड की डेफिनेशन होती है कि f(x) बराबर होता है f(x+p) के। तो इन्होंने ये पूछा है f(x+p) किसके बराबर होगा? f(x) के बराबर ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 में लिखा हुआ है पीरियड ऑफ, अच्छा अब ये बुक का सवाल है, ये मैंने एमसीक्यूज में दे दिए, ये नॉर्मली 4 नंबर के अंदर आ सकता है, इसके प्रॉपर स्टेप भी होते हैं लेकिन एमसीक्यूज में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी आपने अलग अलग पीरियड देखे थे ना, अब 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं साइन एक्स अपॉन 2, ये 11.1 के सवाल है, साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 4 इसके पीरियड आपको निकालने हैं। अब 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं, अब ऐड हो तो पीरियड कैसे निकालना है? शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूं, लॉन्ग मेथड आपने देखा होगा, आपको मिल जाएगा उसमें सवालों में लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है? सबसे पहले आप साइन एक्स बाय 2 का पीरियड निकालो, पीरियड क्या होगा? 2π/1/2, x से 1/2 मल्टीप्लाई होगा,
और इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 4, तो इसका पीरियड हो जाएगा 4 पाई और इसका पीरियड हो जाएगा 8 पाई। दोनों के अलग अलग पीरियड निकालो, उसके बाद एलसीएम ले लो। सिंपल लैंग्वेज में 4 पाई और 8 पाई का एलसीएम क्या होगा, पाई तो भूल जाओ, 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 ही होता है ना, 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है, तो सिंपल इनका पीरियड के एलसीएम क्या हो जाएगा 8 पाई। जो एलसीएम आ रहा है वही इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा 8 पाई। चांसेस नहीं है तेरे एमसीक्यूज में आने के, लेकिन कभी बड़े बड़े एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, तो मैंने इसको ट्रिक बता दिया, आप लोगों को ट्रिक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक किस्म के सवाल कंप्लीट हो गए। नॉर्मली पेपर में पीरियड वाले ही आते हैं और एमसीक्यूज नंबर 1 ही जो लिखा हुआ वही आ रहा होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। एक दूसरे किस्म के सवाल है जो एमसीक्यूज में आते नहीं है, लेकिन वो बहुत इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना उसमें, बस आपको याद होना चाहिए। और वो अगर आप 11.1 स्टार्ट में जैसे 11 चैप्टर खोलोगे ना, तो पहले पेज पे आपको एक टेबल नजर आएगा, वो टेबल है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन होता है इनपुट, रेंज होता है आउटपुट, क्या आप किसी फंक्शन में क्या इनपुट कर सकते हो और आंसर क्या, आउटपुट क्या आ सकता है। जैसे ये डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चैप्टर नंबर 13 में है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, अगर आप समझो, मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ डिटेल में, वहां मैं दोबारा समझा नहीं रहा ऑब्वियसली, तो मैं बस आपको टेबल बता रहा हूं, टेबल आपको पता होना चाहिए। ये इस पेपर में एमसीक्यूज आज तक नहीं आया, लेकिन आ भी सकता है। तभी मैंने कहा था जिनकी तैयारी कम है तो वो बस पीरियड का सवाल ही कर लो जो पेपर में आ चुके हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है तो वो टेबल अगर देख लो तो बेहतर है। भारत, तो जो पहला एमसीक्यू नंबर 2 लिखा हुआ है ना, डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन, अभी आप टेबल में जाके देखना इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है। ठीक है, अगेन बी जो है वो टेबल में आपको नजर नहीं आएगा, टेबल में इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, टेबल में डिफरेंट फॉर्म में लिखा होगा, लेकिन मेरे चैनल पे जाओगे तो आपके बात मिल जाएगी कि ये वाली फॉर्म देखो या टेबल में ही लिखा होगा कि n pi by 2 वेयर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ये डोमेन लिखी होगी टेंजेंट नंबर की, मतलब रियल नंबर में से माइनस कर दो ये वाले नंबर जिसमें n बिलोंग कर रहा होगा ऑड नंबर से। इस तरह भी लिख सकते हो और आप इस तरह भी लिख सकते हो कि रियल नंबर में से आप माइनस कर दो 2n + 1 pi/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एक ही बात है। अगर आप इसमें कोई ऑड नंबर पुट करो, 1 पुट करोगे पाई बाय 2, 3 पुट करोगे 3 pi/2, 5 पुट करोगे 5 pi/2, मतलब पाई बाय 2, 3 pi/2, 5 pi/2 आ रहा है ना, सेम इसके अंदर भी है। इसके अंदर n जो है वो इंटीजर है, ऑड नहीं है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा 1 pi/2, अगर 1 पुट करोगे आंसर आएगा 3 pi/2, पुट करके देख लेना, अगर 2 पुट करोगे आंसर आएगा 5 pi/2। तो फॉर्मूले दिखने में अलग है लेकिन आपने डोमेन चेंज कर दिया ना, अभी सेम ही बन गया। इसमें नेगेटिव ऑड नंबर ही पुट कर सकते हो, -1 पुट करो -5/2, इसके अंदर -1 पुट करो अगेन -5/2। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, लिखने के तरीके डिफरेंट है, तो ये वाली चीज जो है ये एग्जैक्ट बराबर है, इसकी बुक में ही लिखा हुआ है लेकिन इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक है, टेंजेंट की डोमेन ये होती है। इसी तरह 7 में लिखा हुआ है, तो फिर पीरियड लिखा हुआ, पीरियड ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट मतलब कॉट, पीरियड ऑफ कॉट क्या होता है, पाई होता है, अभी बता रहा था। और 8 में लिखा हुआ डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसाइन हो या साइन हो उसके डोमेन सब रियल नंबर होती है, साइन कोसाइन के अंदर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, तो कोसाइन की डोमेन क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी रियल नंबर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 11 जाहिर सी बात है इसके अंदर इतने एमसीक्यूज नहीं थे जैसे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, एक ही किस्म का एमसीक्यूज आता है, लेकिन अब मैं प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी करने के लिए बाकी एमसीक्यूज भी डाले, डिपेंड करता है टाइम है तो कर लो, नहीं टाइम तो बस पीरियड वाला कर लो, काफी है। और पीरियड में भी जो सिंपल वाला केस है ना वही कर लो कि टेंजेंट का पीरियड आ जाए, साइन का पीरियड आ जाए, या टेंजेंट एक्स अपॉन साइन जो था ना वो वाले देख लो बस, बाकी ये एड वाले छोड़ दो, ये नहीं इतने चांसेस आने के। उसके बाद बस चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 में फॉर्मुले बहुत ज्यादा है तो थोड़ा ख्याल कर लेना, फॉर्मुले याद याद कर लेना थोड़े जो बोल्ड हुए हैं एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहले ही सर्कम रेडियस का फॉर्मुला पूछते हैं कैपिटल आर का, तो कैपिटल आर का फॉर्मुला होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी। 2 में बोला है इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5, 6, 7 आपने 2s निकालना है। देखो s जो है ना इसको आप सेमी पेरीमीटर कहते हो, सेमी पेरीमीटर ये होता है ट्रायंगल की तीनों साइड, कोई भी अगर शेप है ना उसकी सब साइड की लेंथ को ऐड करोगे तो उसको आप पेरीमीटर कहते हो, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब जो भी शेप है उसकी सब साइड की लेंथ को आप ऐड करते हो। तो ट्रायंगल की साइड की लेंथ क्या होती है, ए बी सी, तो अगर आप ए बी सी को ऐड करोगे तो पेरीमीटर आएगा, अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो उसको आप सेमी पेरीमीटर कह देते हो, ठीक है।
ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे आपको s की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको 2s की वैल्यू निकालनी है। तो 2 को यहां पे ले जाओ, मतलब यहां पे पेरिमीटर ही निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको ए बी सी पता होना चाहिए, ए 5 है, बी 6 है, सी 7 है, एड करो ये हो जाएगा 18। तो 2s किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर। 3 में देखो, अब आपने पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी जो है अपॉन 2, ये बराबर होता है s के, लेकिन आपसे पूछा है a माइनस बी प्लस सी, ये बताना है, मतलब यहां b में नेगेटिव आ रहा है, ये किसके बराबर है। तो देख लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, 2s मतलब 2s बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको माइनस बी चाहिए किसी तरह, तो माइनस बी कैसे लाओगे, आप यहां पर माइनस 2 भी एड करवा दो, तो यहां पे माइनस 2 भी किया है, तो यहां पे माइनस 2 भी करना पड़ेगा। अब भी तरफ से आपने माइनस 2 भी कर दिया, क्या होगा, यहां पे है 2s माइनस 2 भी, यहां पे क्या होगा, a b माइनस 2 भी माइनस b प्लस सी। तो देखो आपके पास वही फॉर्म आ गई है, a माइनस बी प्लस सी वाली जो आपको चाहिए थी। अब नीचे 2 भी चाहिए आपको, 2 कैसे आएगा, यहां से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लोगे तो ये s माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को जाके आप डिवाइड करवा दो नीचे, तो सिंपल लैंग्वेज में s माइनस बी किसके बराबर होगा, a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 के। इसी तरह टेबल में आ जाए s माइनस सी, s माइनस सी किसके बराबर होगा, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 के, और माइनस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये बराबर हो जाएगा s माइनस a के। तो डिफरेंट तरीके से बात पूछी जा सकती है। 4 में लिखा हुआ इन अ ट्रायंगल एबीसी, अगर गैमा 90 डिग्री है तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या हो जाएगा। देखो लॉ ऑफ कोसाइन गैमा की फॉर्म में कौन सा है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस गैमा, ये कोसाइन लॉ है गैमा की फॉर्म में। तो अगर गैमा आप 90 कर दोगे तो आपको पता है कॉस 90 क्या होता है, बैटरी खत्म हो रही है, 5% रहेगी है, लेट्स सी जब तक चल रहा है। तो कॉस 90 क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, तो ये जीरो होगा तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, तो पीछे क्या बचेगा, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर सी। 5 में लिखा हुआ है इन रेडियस, मतलब स्मॉल आर, स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, ऑप्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4, 5, 6 देन द वैल्यू ऑफ एस, यार एस निकालना है, एस का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो ए बी सी की वैल्यू पुट करो, एड करो, डिवाइड बाय 2 करो, ऐसा आ जाएगा। 7 में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन मेजर ऑफ टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल बीटा इज गिवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल के डिफरेंट केस थे कि व्हेन दो साइड और एक एंगल गिवन हो आपको, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बीटा गिवन है तो बीटा के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 साइन बीटा, अगर होगा ना तो यहां पे दो साइड कौन सी होंगी, ए और सी, मतलब जो यहां पे एंगल है ना उसके सामने वाली साइड नहीं होगी, बीटा के सामने वाली साइड बी होती है ना वो नहीं होगी, बाकी दो साइड यहां पे होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे अल्फा आ जाए तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा बी सी के, क्योंकि अल्फा के सामने साइड ए होती है वो नहीं लिखोगे, बाकी दो साइड कौन सी होंगी, बीसी, वहां भी आप लिख दोगे। इसी तरह अगर गैमा आ गया तो ए भी लिखोगे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले चैप्टर नंबर 12 में आपको मिल जाएगा। तो बाय द वे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बीटा की फॉर्म में जो ऑप्शन नंबर, वैसे बीटा के फॉर्म में ए की फॉर्मूला है, तो वैसे अच्छी चीज है कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। 8 में लिखा हुआ है इफ एंगल अल्फा इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, याद रखो जो कोसाइन लॉ प्रूफ करते हो, ये जो कोसाइन लॉ आया था ना गैमा की फॉर्म में, ये अगर आपका गैमा जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा ना तो गैमा की फॉर्म में आंसर आएगा, अगर आपका अल्फा जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में है, अब स्टैंडर्ड पोजीशन देख लेना मैंने बताया है, अगर अल्फा स्टैंडर्ड पोजीशन में तो आंसर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस अल्फा, अगर आपका अल्फा स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन आएगा, अगर आपका गैमा स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो ये कॉस गैमा वाला पूरा आएगा, और अगर बीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में तो वो कॉस बीटा वाला फॉर्मूला होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस बीटा, ठीक है। बैटरी 5% है, चलो अच्छी बात है। 9 में लिखा हुआ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, यार ये सर्कम सर्किल की डेफिनेशन होती है, सर्कम सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस से पास होता है, ऑल 3 वर्टिसेस, सर्कम सर्किल ऑप्शन नंबर ए। 10 में लिखा हुआ है सर्किल विच इज टेंजेंट टू ऑल साइड, टेंजेंट का मतलब टच करना सिंपल लैंग्वेज में, ये इन सर्किल की डेफिनेशन है, इन सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो ट्रायंगल की सारी साइड को टच कर रहा होता है, या इन अदर वर्ड्स टेंजेंट होता है, ये जो सर्किल बना है देखो सब साइड पे टेंजेंट है, तो ये वो सर्किल है जो ट्रायंगल की सब साइड पे टेंजेंट है, तो इसको आप कहते हो इन सर्किल।
11 में आपसे स्क्राइब जो ट्राइंगल है ना, स्क्राइब ट्राइंगल मैंने बताया, मैं जाके देख लेना, जो R1, R2, R3 जो रेडियस आपके होते हैं, तो इसमें R3 आ रहा है ना, R3 का वैसे फॉर्मूला क्या होता था, R3 का फॉर्मूला होता था डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, R2 का फॉर्मूला था डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R1 का फॉर्मूला था डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। पर तो यहां पे अगर आप एस माइनस सी को इधर ले जाओ और R3 को डिवाइड कर दो, तो डेल्टा अपॉन R3 किसके बराबर है, एस माइनस सी के। तो वही आपको बताना है डेल्टा अपॉन R3 किसके बराबर होगा, एस माइनस सी के होगा। 12 में लिखा हुआ है साइन अल्फा अपॉन 2, अगेन ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल की साइड लेंथ। एक आपने चैप्टर नंबर 10 में भी हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे, ये अलग हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। तो साइन अल्फा अपॉन 2 देख लेना जाके, इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है ना, ये होता है। मैंने अपने चैनल पे याद करने की भी पूरी ट्रिक बताई हुई है हाफ एंगल फॉर्मूले की सबकी, टाइम थोड़ा कम है तो आप लोग जाके देख लेना। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 13 में आपसे टेंजेंट लॉ पूछा गया, तो टेंजेंट लॉ बता दे तो याद किस तरह करोगे, फॉर एग्जाम्पल सी प्लस ए लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में सी माइनस ए लिखा हुआ है, तो ये बराबर होगा ऊपर भी टेंजेंट नीचे भी टेंजेंट। दूसरी बात, सी के सामने कौन सा एंगल होता है, गैमा होता है, ए के सामने कौन सा होता है, अल्फा होता है, दोनों को ऐड करो क्योंकि यहां पे ऐड आ रहा है, डिवाइड बाय 2 कर दो। इसी तरह नीचे सी के सामने गैमा, ए के सामने अल्फा, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट करो डिवाइड बाय 2 कर दो। ये टेंजेंट लॉ है, अगर आप जाओगे ना टेंजेंट लॉ को पढ़ोगे तो इस तरीके से होता है। तो जो मैंने टेक्निक बताई है ना इसी तरह करना, आप बी प्लस ए के इस तरह कर सकते हो, बी प्लस ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, उसमें भी कर सकते हो, यही बिल्कुल सेम टेक्निक लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक है। 14 में बोला हुआ है हीरोज फॉर्मूला कौन सा है, बच्चों हीरोज फॉर्मूला जो है ना ये एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो आप फॉर्मूले पढ़ रहे थे ना उनके दो तीन केसेस थे, दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड, और तीसरा केस था अगर तीन साइड गिवन हो, तो वो जो फॉर्मूला है ना ऑप्शन नंबर सी में, इसको आप हीरोज फॉर्मूला कहते हो, जब तीनों साइड गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। 15 में बोला हुआ है आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और आपको जस्ट बोला हुआ है इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल किसका होगा। देखो ए की लेंथ है 11, बी जो है वो 9 है, सी जो है वो 19 है, जो सबसे छोटी साइड होती है ना उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे छोटी साइड बी है, 9 है उसकी लेंथ, तो उसके सामने वाला एंगल बीटा भी सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अगर आपसे पूछते सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, तो सबसे बड़ी साइड जो है सी, उसके सामने वाला एंगल गैमा भी लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे बीटा। 16 में बोला मेरा ट्राइंगल आपको बी गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, और आपको गैमा निकालना है। अच्छा ये केसेस जो है नॉर्मली एमसीक्यूज में आते नहीं है क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं, एमसीक्यूज में इजी बात करते हैं, लेकिन ये केस बहुत इजी है, इसमें कोई लॉ ऑफ साइन, कोई लॉ ऑफ कोसाइन कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पे बी दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, आपको गैमा निकालना है, मतलब आपको दो एंगल दिए हुए, तीसरा एंगल निकालना है। अल्फा बीटा आपको पता है गैमा निकालना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको पता है सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आपको उन्होंने अल्फा बीटा दे दिया, अल्फा 50 डिग्री है, बीटा 60 डिग्री है, गैमा आपको निकालना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 50 प्लस 60 होता है 110, 110 को जाके वहां पे सब्ट्रैक्ट करवा दो तो गैमा किसके बराबर आ जाएगा, 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी केस है। 17 जो है यार इस टाइप के सवाल आए नहीं है मैंने डाला, लेकिन ये छोटा सवाल है, ये आपको 12.5 में मिल जाते हैं, ऐसे सवाल छोटे सवाल है इसलिए मैंने डाल दिए ये। 1/AB, 1/AC, 1/BC को ऐड करना है, सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहली बात, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा ABC, क्योंकि ABC इज डिविजिबल बाय AB, AC, BC सबसे डिविजिबल हो जाता है, तो यहाँ पे एलसीएम जो है वो ABC इसका आ जाएगा। उसके बाद सिंपलीफाई किस तरह करोगे, ABC डिवाइडेड बाय AB, तो C बचेगा, C को 1 से करो C, या फ्रैक्शन को जिस तरह सिंपलीफाई करते हो ना एलसीएम लेने के बाद वैसे ही करना है। इसी तरह ABC डिवाइडेड बाय AC, बी बचेगा ना, बी को 1 से करो, इसी तरह एबीसी डिवाइडेड बाय बीसी, ए बचेगा, ए को 1 से करो, याद है। सिंपल लैंग्वेज में ऊपर है ए प्लस बी प्लस सी और नीचे है एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 2s के बराबर होता है, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2s, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एबीसी। तो इसी तरह इसलिए मैंने एमसीक्यूज में डाल दिया था ऑप्शन नंबर ए। 18 जो है ना बच्चों, ये भी एमसीक्यूज में आया नहीं है लेकिन ये बुक में बकायदा प्रूव किया हुआ है, तो रिजल्ट एमसीक्यूज में आ सकता है, फिर बच्चों का गलत हो जाएगा। तो पूरी चीज जो लिखी हुई ना, ये कैपिटल आर के बराबर होती है। सर्कम रेडियस का ये फॉर्मूला भी होता है, सर्कम रेडियस के चार फॉर्मूले, एक तो आपने पहले पढ़ा था एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, और ये भी होता है कि ए अपॉन 2 साइन अल्फा, बी अपॉन 2 साइन बीटा, सी अपॉन 2 साइन गामा, ये भी इनके फॉर्मूले होते हैं। तो ये आर कैपिटल आर जो है ना सर्कम रेडियस, उसका फॉर्मूला है एमसीक्यूज नंबर 18 में। 19 में आपसे लॉ ऑफ कोसाइन पूछा हुआ है, तो लॉ ऑफ कोसाइन
वैसे तीन है ना लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर, दो इक्वल के निशान आते हैं, लेकिन आप उसको एक मतलब पेयर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। असल चीज क्या है कि अगर ऊपर लिखा हुआ है ए तो नीचे होना चाहिए साइन अल्फा, ऊपर लिखा हुआ है बी तो नीचे होना चाहिए साइन बीटा, और अगर ऊपर लिखा हुआ है सी तो नीचे होना चाहिए साइन गामा। नॉर्मल केस में ही होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन इतना घुमाते नहीं है वो। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर अगर आप दो पेयर बनाओ ना तो पेयर में चार चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए आ रहा है तो आपको अल्फा भी नजर आएगा, बी आ रहा है तो आपको बीटा भी नजर आ रहा है, तो तब आप चेक करो उसको कि यार वो सही है नहीं, मतलब फॉर्म से लिखी हुई नहीं। मिनिमम ये क्राइटेरिया तो पूरा होना चाहिए कि ए अल्फा बी बीटा, ये तो होना चाहिए। अब आगे पीछे हुए तो आप देखो क्या सही मैथ हुई उनके दरमियान, नहीं वो बात की बात है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए में देखो सी अल्फा बी बीटा सेंसिंग बन रही, भाई अल्फा के साथ सी नहीं आ सकता, अल्फा के साथ ए आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर एक बढ़ा दो। बी में लिखा हुआ है ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा, ये ठीक है, आपको बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तो ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब ए खराब हो गया तो ऑल ऑफ दीज कैसे हो सकता है, तो डी भी खराब, और जब बी ठीक हो गया तो सी क्यों ठीक होगा। तो वैसे अगर चेक करना चाहो तो कर लो, वरना जरूरत नहीं है। सी में भी अगर आप देखो तो ए अपॉन साइन बीटा है, ये गलत है, बी अपॉन साइन बीटा होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। और 20 में आपसे कॉस गैमा का फॉर्मूला पूछा हुआ है, जो मैंने आपको कोसाइन लॉ बताया था ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो और कॉस गैमा की वैल्यू निकालो तो कॉस गैमा की वैल्यू क्या आती है, याद करने का बड़ा इजी तरीका है, गैमा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, सी, तो माइनस सी स्क्वायर और बाकी दो साइड को ऐड कर दो, और डिवाइड पे जो दो साइड थी ना उनको नीचे इस तरह लिख दो 2 देखिए। इसी तरह कॉस अल्फा की फॉर्म में भी फॉर्मुला होता है, कॉस बीटा की फॉर्म में भी होता है, ये मैंने अगेन कोसाइन लॉ में डिस्कस किया, अगर आप लोगों को पता भी होगा, वैसे बहुत बेसिक फॉर्मूले है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक नहीं है, सी में न्यूमरेटर ठीक है डिनोमिनेटर ठीक नहीं है, डी ऑप्शन ठीक है, डी एग्जैक्ट यही है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने कोशिश ये की है कुछ तो पास पेपर के हों, जितने पास पेपर में आ चुके हैं, और बाकी मैं कुछ अपनी तरफ से डाल दूं ताकि मेन मेन बातें कॉन्सेप्ट मजीद डिस्कस हो गए। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 13 है, आखिरी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 13 में ज्यादातर यार इनवर्स की वैल्यू निकालने को बोल देते हैं, जो कि कैलकुलेटर में आप आसानी से निकाल सकते हो। ज्यादातर मैंने नहीं देखा, एक दफा को ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आ गई थी, लेकिन ज्यादातर इसी टाइप के सवाल होते हैं, तो मैंने खैर 10 सवाल इसके बना दिए। सबसे पहले एमसीक्यू में देखो था प्रिंसिपल वैल्यू, देखो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब अब डिटेल में तो मैं नहीं जान सकता प्रिंसिपल क्या वैल्यू है, ये चैप्टर नंबर 13 वैसे बहुत निपटा दिया जाता है सेंट्रल कॉलेजेस में, मैंने कोई 20 से कोई 21 लेक्चर दिए चैप्टर नंबर 13 पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैं सारे तो डिस्कस नहीं कर सकता, तो बस आपको मैं मेन बातें बता देता हूं जो एमसीक्यू में जरूरत होती है। कि प्रिंसिपल वैल्यू का ये मतलब समझ लो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है आपको, जो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है वो, ये बात समझ लो। और निकालना आपने क्या है, लिखा हुआ टेंजेंट आर्क टेंजेंट माइनस वन, भाई आर्क टेंजेंट जो है ना वो बस एक सोफिस्टिकेटेड टर्म है टेंजेंट इनवर्स की, टेंजेंट इनवर्स को आप आर्क टेंजेंट भी लिख रहे होते हो, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल आपको ये चीज कैलकुलेटर में निकालनी है। कैलकुलेटर में छोड़ो, आप वैसे इनको कैंसिल कर दो, जब भी बाहर टेंजेंट आ रहा है अंदर टेंजेंट इनवर्स आ रहा है तो आप कैंसिल कर दो। हाँ ये सिचुएशन हो सकती है कि अगर बाहर टेंजेंट इनवर्स आ जाए और अंदर टेंजेंट आ जाए तो फिर भी वो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन इस टाइप के सवाल आएंगे नहीं, और अगर आएंगे भी तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई हुई होंगी, वरना मुश्किल हो जाता सवाल, तो सिंपल आप इस केस में भी कैंसिल कर सकते हो, मेजोरिटी केसेस ऐसे ही आते हैं बोर्ड में, ठीक है, वरना आप तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, इसमें शक में पड़ने की क्या जरूरत है, कैलकुलेटर से निकाल लो सिंपल अगर ज्यादा मसला हो रहा है, लेकिन अगर बाहर टेंजेंट आ रहा है फिर तो जरूरत ही नहीं है। अगर बाहर टेंजेंट अंदर टेंजेंट इनवर्स, इसी तरह अगर बाहर साइन अंदर साइन इनवर्स आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 1/2 तो डायरेक्ट कैंसिल करो भाई, फिर तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस वन, अगर यही आ जाए इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है, माइनस वन ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब टू में बोला हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स, अगेन कैलकुलेटर में निकालो सिंपल, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबाओ, साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स -√3/2 -5/3 आंसर आ रहा होगा, हाँ कैलकुलेटर में निकालना -5/3 आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। थ्री पे मैं बाद में आता हूं, फोर में यार इस चीज को याद रख लो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये π/2 के बराबर होता है, आप यहां पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो आंसर π/2 आएगा, मतलब वो वाली वैल्यू जो अलाव है 2 नहीं पुट कर देना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में 2 पुट नहीं कर सकते आप, तो क्यों नहीं पुट कर सकते, अगेन ये सब रीजन मैंने डिस्कस किए हैं थ्योरी में। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ भी एक्स की वैल्यू पुट करो आंसर π/2 आएगा इसका, इसी तरह टेंजेंट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स कुछ भी पुट करो आंसर π/2 आता है, इसी तरह
sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, कुछ भी पुट करो आंसर पाई बाय 2 आते हैं। मतलब जो आप पुट कर सकते हो ना, जो वैल्यू अलाउड है वो आप इसमें टेंजेंट और cot में तो हमें सभी आप पुट कर सकते हो ना। नहीं, cot इनवर्स x में, tangent इनवर्स में सब पुट कर सकते हो आप। हाँ, आंसर में एंगल आ रहा है ना, तो एंगल में मसला होता है। आई गेस आप इनवर्स में सब पुट कर सकते हो। ये जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, अगर आप आ जाओ चैप्टर नंबर 13 में भी एक टेबल है, मैंने बताया था ना डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये पूछते नहीं है एमसीक्यूज में, लेकिन अगर पूछ लिया तो बच्चों को याद नहीं होगा। तो अगर आप आओ ना, हाँ आप सब कुछ पुट कर सकते हो टेंजेंट और कॉट के केस में। पेज नंबर 359 पे टेबल मौजूद है आपकी बुक में। सिंध बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूँ, सिंध बोर्ड के बच्चों आप लोग हैं। तो टेंजेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स इसमें तो खैर हर चीज पुट कर सकते हो, और डोमेन और रेंज लिखी हुई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब ये नॉर्मली पूछते नहीं है वो, लेकिन अगर पूछ लिए तो फंस सकते हो आप। लेकिन इसको मैंने डिटेल में टेबल को समझाया हुआ चैनल पे, तभी मैंने कहा था बड़ी मेहनत है उसके ऊपर, तो मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ। टेबल को समझना है तो समझ लेना, रट्टे मारने तो वैसे भी आप मार सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है रट्टे मारने की, भूल जाओगे बहुत टाइम लगेगा, बेहतर है छोड़ दो इसको। आ गया पेपर में तो फिर छोड़ देना, क्या होगा, तुक्का मार देना ही होगा, वरना दूसरा कैसे याद करना, टाइम कम है। अगर आप लोग ये अपने ये जो वीडियो देख रहे हो उस वक्त के जब आपका बैच स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी 6 महीने पेपर में हुआ जाए तो तब तो याद कर लो ना, लेकिन अभी जिन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं उनका टाइम बहुत कम है। तो ये मैंने बता दिया सब 5/2 होते हैं। 5 में अगेन यार कैलकुलेटर में निकालना, क्या निकालना है आपको, टेंजेंट कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले कॉस इनवर्स माइनस 1/2 निकाल लेना, या पूरी चीज कैलकुलेटर में डाल दो, कैलकुलेटर में टेंजेंट दबाओ, ब्रैकेट के अंदर कॉस इनवर्स लिखो, माइनस 1/2 कर दो। अब ये करना इतना मुश्किल नहीं है, सबसे पहले आपने टेंजेंट का बटन दबाना है, टेंजेंट का जब बटन आ जाए ब्रैकेट आ जाए, तो ब्रैकेट में शिफ्ट और कॉस का बटन दबाओ, कॉस इनवर्स आ जाएगा, पुट करो माइनस 1/2, ब्रैकेट क्लोज करो, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज करो, तो आंसर आ रहा है -√3। सिंपल लैंग्वेज में -√3 यहां पर ठीक है, सही। मेरे ध्यान में कुछ और आ रहा था। 6 में लिखा हुआ कॉस टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी। अब ये चीज आप कैलकुलेटर में पुट नहीं कर सकते, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि टेंजेंट के अंदर जब आप 90 डिग्री पुट करते हो तो आंसर मैथ अलग आता है, कह सकते हो कि आप इन्फिनिटी आ रहा है। वैसे मैथमेटिकल चीज गलत है, लेकिन आप आसानी के लिए कह लो कि टेंजेंट 90 जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो जब आप टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी निकालते हो ना, तो 90 आता है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज कैलकुलेटर से निकाल नहीं सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी 90 होता है। तो ये पूरी चीज है 90, और आपको पता है कॉस 90 क्या होता है, 0 के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे ठीक है। 7 में लिखा हुआ है, साइन को फिलहाल छोड़ दो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं बाद में। साइन ये मैं 8 बता रहा हूं, लिखा हुआ है थीटा प्लस 2m पाई। देखो याद रखो, अभी 11 में ही बात डिस्कस हुई थी कि पीरियड 2π होता है भाई, थीटा के अंदर आप 2m पाई ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू साइन की थीटा के ऊपर है वही साइन की वैल्यू थीटा प्लस 2m पाई पे। क्यों? एन अगर 1 पुट करोगे 2π आएगा, 2π तो पीरियड होता है, दोबारा वही रिपीट हो रही होगी। 2 पुट करोगे 4π, अगेन रिपीट हो रही होगी। 3 पुट करोगे 6π, अगेन रिपीट हो रही होगी। कहने का मतलब है थीटा के अंदर अगर आप 2π ऐड करो, 4π ऐड करो, 6, 8, 10π कुछ भी ऐड करो, जो थीटा पे वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी कि अगर आप उसके अंदर 2π, 4π कुछ भी ऐड करो, वैल्यू रिपीट कर रही होती है। यकीन नहीं आ रहा तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना 11 चैप्टर के अंदर, क्या पाई बाय 3 पुट करो और वही वैल्यू पाई बाय 3 प्लस 2π उसमें भी सेम ही है, पाई बाय 3 प्लस 4π उसमें भी वही वैल्यू आ रही होगी, पाई बाय 3 प्लस 6π उसमें भी वही वैल्यू आ रही होगी जो साइन पाई बाय 3 पे आएगी। तो साइन हो गया, टेंजेंट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके अंदर आप 2m पाई करो, वैल्यू आपकी रिपीट कर दी जाएगी, ठीक है। तो साइन 2m पाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर ही होगा। ऑप्शन नंबर डी, बैटरी 3% है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। 10 पे आ जाओ, 10 पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय 2/x। भाई साइन इनवर्स 1/2 कैलकुलेटर से निकालना, पाई बाय 6 आएगा, ठीक है, माइनस एक्स को उधर ले आओ, पाई बाय 6 को उधर ले जाओ, पाई बाय 2। अब ये देखो मेरी मैथ अच्छी है, मुझे पता है, मैंने आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। पाई बाय 2 90 होता है, पाई बाय 6 30 होता है, 90 माइनस 30 60, 60 को पाई रेडियन के फॉर्म में आप लिखते हो पाई बाय 3, तो इसका आंसर पाई बाय 3 आ जाएगा, x की वैल्यू पाई बाय 3 ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप यहां पे एलसीएम ले लो तब भी वही बात है, ये हो जाएगा 3π माइनस पाई, ये हो जाएगा 2π/6, सिंप्लीफाई करो पाई बाय 3, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहेगी ना उनको सॉल्व करते हैं। ये मैंने 13.1 आपको करवाई, 13.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है। सबसे पहला सवाल है 3, लिखा है साइन थीटा अगर 0 हो। देखो नॉर्मल तरीके से जब आप सॉल्व करते हो ना, तो मैंने आपको क्या बताया है, आप इस तरह सॉल्व करोगे, आप लिखोगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0। कैलकुलेटर में आप जाओगे, आप कैलकुलेटर में लिखोगे साइन इनवर्स 0, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 0। मैंने आपको बताया था आप दूसरा एंगल भी निकालते हो, दूसरा एंगल किस तरह निकलता है, पाई में से आप माइनस करो, पाई में से 0 को माइनस कर भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई। एक एंगल आया 0, दूसरा एंगल आया पाई। जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको याद हो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, 2n पाई ऐड करते हो, तो 2n पाई 0 के अंदर ऐड करो, इसी तरह यूनियन 2n पाई आप पाई के अंदर ऐड करो। अब इस चीज को ऐसे लिखने का मजा नहीं आता, 2n पाई प्लस 0 का मतलब सिंपल 2n पाई लिख दो आप, ये वाली चीज। तो एक तो लिखने का ये तरीका होगा जो कि बहुत अजीब सा है, अजीब से कहने का मतलब इनके आंसर मैच कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप 0 पुट करो, मैच नहीं कर रहे होंगे, अलग आ रहे होंगे, अलग आ रहे होंगे, लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 पुट करो तो आंसर आएगा 0, तो 0 हमारा सॉल्यूशन है। 1 पुट करो आंसर आएगा 2 पाई, 2 पाई इसका सॉल्यूशन होगा, देख लेना साइन 2 पाई पे भी 0 ही आता है। 3 पुट करोगे 6 पाई, 6 पाई भी हमारा सॉल्यूशन है। अच्छा इसमें देखो, इसमें 0 पुट करो पाई आएगा, पाई हमारा सॉल्यूशन है। 1 पुट करो 3 पाई आएगा, 3 पाई भी सॉल्यूशन है, देख लेना। 2 पुट करो 5 पाई आएगा, 5 पाई भी हमारा सॉल्यूशन है। कहने का मतलब है इस तरह भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, अगर आप ऑब्जर्व करो ये सारे एंगल यहां पे ठीक है, चार्जिंग पे लगाया था इतनी देर। अगर आप इसमें गौर करो ना, तो इस सवाल में ये सारे सॉल्यूशन है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इन सब वैल्यू पे सब एंगल्स पे साइन 0 होता है। आप कैलकुलेटर में साइन पाई लिखो, साइन 2 पाई लिखो, साइन 3 पाई लिखो, साइन 10 पाई लिखो, सब पे आंसर 0 होता है, ठीक है। तो ये सब इसके सॉल्यूशन है। अब इन चीजों को इस तरह लिखने से बेहतर है इसकी एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है, वो शॉर्ट फॉर्म ये है एन पाई, वेयर वही एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंपल लैंग्वेज में आप एन पाई लिख दो, क्या मतलब, 0 पुट करो आंसर 0 आ रहा है, 1 पुट करो आंसर 5 पाई आ रहा है, 2 पुट करो आंसर 2 पाई आ रहा है, 3 पुट करो आंसर 3 पाई आ रहा है, मतलब वही ऊपर वाली वैल्यूज आ रही है। तो इतना लंबे चक्कर करने से बेहतर है कि आप ये चीज लिख दो, तो दैट्स व्हाई इसकी हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है। इसी तरह cos थीटा इक्वल टू 0, इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं समझ में 2n + 1 पाई अपॉन 2 आई गेस, हां तो वो भी मैंने चैनल पे डिस्कस की हुई। अब अगेन ये बातें जो है एक्स्ट्रा चीजें, ये आप लोग जाके देख लो, आपको मजीद बातें क्लियर होंगी। इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर आएगा cos इनवर्स 0। cos 0 कहां पे होता है, cos 0 पाई बाय 2 पे भी हो सकता है, 3 पाई बाय 2 पे भी हो सकता है। मतलब जो दो एंगल मैंने निकालने का बताया है ना आप लोगों को 13.2 में, दो एंगल निकालो, तो दो एंगल निकालोगे ये आएंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 2, 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2। अभी अलग अलग लिखने से बेहतर है सिंपल लैंग्वेज में इस तरह लिख दो, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। वैल्यूज वही आ रही होंगी, आप यहां पे 0 पुट करोगे पाई बाय 2 आ रहा होगा, आप 1 पुट करोगे 3 पाई बाय 2 आ रहा होगा, और इसके बाद भी सारे एंगल हैं, मतलब 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, सब इसके सॉल्यूशन है। आप पुट करते जाओ, 5 पाई बाय 2 पुट करो 0 आ रहा होगा, 7 पाई बाय 2 पुट करो 0 आ रहा होगा, तो इसमें सब एंगल आ जाएंगे। आप 2 पुट करोगे 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 7 पाई बाय 2 आ जाएगा। तो इसको अलग अलग इस फॉर्म में लिखने से बेहतर आप इस फॉर्म में याद कर लो। तो ये इनके कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें आप ये वाली फॉर्म नहीं लिखते, आप सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख देते हो, और साइन के केस में इस तरह लिख देते हो। तो बहरहाल साइन थीटा इक्वल टू 0 वाला आया था, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैंने 13.2 में भी बताया है, अलग से बताया था मैंने, और इधर भी मैंने एमसीक्यूज में भी आपको बता दिए, कि जिसने 13.2 नहीं देखी चलो उसको यहां बात समझ जाओ। बहरहाल ये हो गया, और कौन सी आप 7 पे आ जाओ। 7 पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है लेकिन बहुत बच्चों वाली है। 7 में लिखा हुआ है 2 की पावर cos थीटा इक्वल टू 1, ये तो सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके। सिंपल तरीका बच्चों ये है कि 1 को आप कन्वर्ट कर दो 2 की फॉर्म में, क्योंकि जब वेरिएबल पावर में हो ना तो बेसिस आप सेम कर लो, सबसे इजी तरीका होता है, नहीं तो फिर लॉग लेते हो आप, लेकिन इजी तरीका है। 1 था 1 को मैं लेते 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 के बराबर ही होता है ना, तो लिख दो आप इस तरह। तो आप देखो बेसिस सेम है, पावर को इक्वेट करवाओ, इसकी पावर cos थीटा है, इसकी पावर 0 है, तो आप इक्वेट करवाओ, अगेन वही थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 0 के। जनरल फॉर्म में आप लिखोगे तो ये चीज लिखी जाएगी, लेकिन यहां पे एक ही एंगल आपको बोला है ना, तो अगर स्पेसिफिक एंगल की बात करो तो पाई बाय 2 है। जब आप कैलकुलेटर से निकालोगे ना,
पाई बाय टू मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जिसको आप कहते हो, पाई बाय टू या 90 डिग्री आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना पाई बाय टू हो यहां पर, ठीक है। और आखिरी है नाइन, नाइन पे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, कॉस थ्री एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू। किस तरह सॉल्व करोगे, कॉस को उधर ले जाओ, कॉस इनवर्स वन अपॉन टू, कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा 60 आना चाहिए ना, पाई बाय थ्री आंसर आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन आपको इस टाइप के नजर नहीं आ रहे, तो मैं भी फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहा इसको, इसको ऐसे लेने दो। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, आप थ्री को डिवाइड कर दो, तो सिंपल लैंग्वेज ये बन रही होगी, वन अपॉन थ्री कॉस इनवर्स वन अपॉन टू, और यही ऑप्शन लिखा हुआ है, उन्होंने सॉल्व नहीं दिया हुआ इसके अंदर। आप देखो इसका असल में आंसर वैसे क्या आना चाहिए था, ये है पाई बाय थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री, असल में आंसर पाई बाय नाइन आना चाहिए था, लेकिन आपको ये भी नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो यहां पर ठीक है, वन अपॉन थ्री आर कॉस, मैंने बताया था कॉस इनवर्स को आप आर कॉस भी लिख सकते हो, आर कॉस वन अपॉन टू, तो सेम यही चीज ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई, वैल्यू नहीं निकाली हुई, जस्ट ये चीज दी हुई है, तो आई गेस हो गया ना सारे कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनवर्स हो गया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, बहुत एमसीक्यूज मेरे पीछे पड़ गए थे क्योंकि लाइट की वजह से बड़ा इशू बना था, और सुबह मैं बना रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा हो गया शायद, कितने की वीडियो बनी है, एक घंटा 38 मिनट, खैर ये वीडियो तो 3.5 घंटे की बन जाएगी, खैर चैप्टर्स बच्चों मैंने ऐड किए होंगे वीडियो के अंदर, तो आप उसको देख लेना, फायदा हो जाएगा आप लोगों को। इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, मेरी तरफ से हो गया, बाकी आप लोग अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, मेहनत पे भरोसा रखना भाई, दूसरे और कोई रास्ते नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई बहुत दफा मैंने बताया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।